चलिए, सो मेरे ख्याल से अभी हम लाइव हैं। फटाफट से एक बार बता दीजिए कि वॉइस वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, वीडियो वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, स्क्रीन वगैरह सब परफेक्ट है ना। फटाफट से बता दीजिए ताकि हम आज का हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक है ना ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक है। एंड मैंने क्या किया, पहले इसे सिंगल PDF के अंदर पूरा सम अप कर दिया, मतलब शॉक्ड रह जाओगे। इसके अंदर प्राइस सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड है, कंसेप्ट्स भी इसके अंदर कवर्ड है। और हमने क्या किया, मतलब क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों डाल रखा है इसमें, ताकि आपको एक सिंगल PDF ही रेफर करना पड़ेगा। जब आप रिवीजन भी करोगे, लास्ट डे रिवीजन, तो सीधा इस PDF को खोलोगे 20 पेज का, और आप IRRM आपका पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और रिवाइज करने के टाइम में मेरे ख्याल से आपको मैक्सिमम आधा घंटा या एक घंटा, हार्डली एक घंटा लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा चैप्टर को ड्यूरिंग एग्जाम रिवाइज करने में। उतना भी नहीं लगेगा, सच बताऊँ तुम्हें बहुत कम समय लगेगा ये चैप्टर को रिवाइज करने में। तो अभी मुझे बस बता दीजिए सब कुछ परफेक्ट है, ऑडियो वीडियो वगैरह, ताकि हम फटाफट से स्टार्ट कर सके, है ना। आई थिंक सब ठीक है, चलो तो क्या हम स्टार्ट करें। और इसका PDF मैं आपको बता देता हूँ, इसका PDF आप बोलोगे सर कहाँ मिलेगा, इसका PDF मिलेगा एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, एंड उस पर इसका PDF मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने डेरिवेटिव्स कुछ ही दिन पहले, अभी रिसेंटली कितना, 1 वीक भी नहीं होगा आई थिंक, हमने डेरिवेटिव्स रिवाइज किया था। उससे पहले हमने फॉरेक्स रिवाइज किया था, और उन सब का भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और बाकी कुछ कुछ चैप्टर और है जिसके लिए बच्चे पूछ रहे, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे पोर्टफोलियो का रिवीजन ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने टेलीग्राम में सभी का लिंक भी दे दिया, बाकी अदर रिविजनरी वीडियो का भी मैंने चैप्टर का भी लिंक आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। तो उसके जरिए आप आराम से सभी चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो, आराम से सभी चैप्टर के रिविजनरी वीडियो यूट्यूब में है, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते, और आज हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने वाले, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट रेट रिलेटेड रिस्क रहता है उसको कैसे मैनेज करना, वो ये चैप्टर हमें पढ़ाता है। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारे, मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे आज पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे 6 मंथ्स के बाद पैसे की जरूरत है, 6 महीने के बाद, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मुझे पैसे की जरूरत है। तो अब अभी तो आप लोगे सर कुछ नहीं करना, अभी बैठे रहो, जब 6 महीने के बाद पैसे की जरूरत होगी तब 6 महीने के बाद आप क्या करना, बैंक से लोन ले लेना। बट ऐसा नहीं होता, फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। तो वहां पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने प्रेडिक्शन किया कि 6 महीने के बाद हम जब लोन मांगेंगे जाके, तो उस वक्त क्या पता इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो मैं एक डर सता रहा है कि 6 महीने के बाद क्या पता इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या हो, तो वो डर को एलिमिनेट करना है। उस डर को एलिमिनेट कैसे करेंगे, जैसे वो डेरिवेटिव्स में हम करते थे, है ना, फ्यूचर आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो, फ्यूचर में खरीदने का, फ्यूचर में बाई करने का, या फ्यूचर में सेल करने का। वैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्यूचर में बोरो करने का, या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का, वो भी आपको करना है। मतलब आपको करना फ्यूचर में, तो आप क्या करो, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो, किसके जरिए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इस शब्द में क्या समझ में आ रहा है, एग्रीमेंट करेंगे फॉरवर्ड फ्यूचर का रेट का, यानी फ्यूचर का रेट आज ही डिसाइड हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब FRA जो पहला टॉपिक हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में ये पढ़ने वाले, कि जैसे मान लो 6 महीने के बाद मुझे 50 लाख रुपीज की जरूरत है, मुझे लग रहा है कि 6 महीने के बाद क्या पता इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, आज ही 50 लाख रुपीज बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, FRA के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10% में। तो अगर 6 महीने के बाद 15% भी हो गया ना, डजंट मैटर टू मी, मेरा कितना लगने वाला है, 10% ही मेरा लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भले फ्यूचर में रेट बढ़ जाए, बट मैंने अपने आप को फिक्स कर लिया है, कितने में, 10% में मैंने अपने आप को फिक्स कर लिया। यही क्या, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर हैजिंग भी हो सकता है, स्पेकुलेशन भी हो सकता है। बोले सर स्पेकुलेशन कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ भी पैसा की जरूरत ही नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है ही नहीं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट मेरा स्ट्रांग बिलीव आ रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताएं, आज ही FRA कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा बोरो करने का, आज ही FRA कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा बोरो करने का, कि 6 महीने के बाद मैं बोरो करूंगा 50 लाख रुपीज 10% में, मान लीजिए। अब 6 महीने के बाद रियल में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जो मैंने सोचा था 15% हो गया, तो मैं तो बोरो कर सकता हूँ 10% में, तो मैं क्या करूंगा, 6 महीने के बाद मेरे पास पोजीशन है बोरो करने का, क्योंकि पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो मैं 50 लाख रुपीज 10% में बोरो कर लूंगा, और उसी 50 लाख को जो मैंने बोरो करके मेरे पास पैसे आ गए ना, उसी 50 लाख को मैं क्या करूंगा, कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा,
कितने में, 15% में। तो सोचो 10% में बोरो किया, वही पैसा को इन्वेस्ट कर दिया 15% में, कमा लिया ना 5% मैंने। तो वही चीजें एफआरए एग्रीमेंट में आप स्पेकुलेशन भी कर सकते हो या हैजिंग भी कर सकते हो। हैजिंग मतलब वो जैसे पहले एग्जांपल समझाया था कि मुझे फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या किया आज ही एग्रीमेंट कर लिया, अब फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी हम बोरो कर लेंगे 10% में, हमारा तो 15 लगेगा नहीं, हमारा तो 10 ही लगेगा। तो दैट इज व्हाट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आई थिंक आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफआरए मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, मैंने सारा एग्जांपल कंसेप्ट यहाँ पर फ्रेम कर रखा हुआ है। होले होले कंसेप्ट के साथ साथ रिवाइज के कंसेप्ट तो रिवाइज होंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी सारे होते जाएंगे। आराम से टेंशन ना लो, 2-2.5 घंटा बस मुझे आप दीजिए, पूरा आपका इंटरेस्टेड रिस्क मैनेजमेंट को खत्म करके उठेंगे। देखिए एफआरए के अंदर सपोज मान लीजिए प्रतीक जगाती मैं हूं, मैं 10 लाख रुपीज बोरो करना चाहता हूँ आज नहीं, मैं 10 लाख रुपीज बोरो करना चाहता हूँ मान लीजिए 6 महीने के बाद। कितने महीने के लिए? 6 महीने के बाद मैं कितने महीने के लिए बोरो करना चाहता हूँ? पीरियड तो होगा ना, आपको 1 साल का लोन चाहिए, 2 साल का लोन चाहिए, कितने पीरियड का लोन चाहिए? हमें 3 मंथ्स के लिए लोन चाहिए। तो मुझे 10 लाख रुपीज बोरो करना है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, आज नहीं 6 महीने के बाद बोरो करना है। बट मैं डर रहा हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग आफ्टर 6 मंथ्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफआरए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ जहां पर मैं आज ही एग्रीमेंट कर लूंगा कि मान लीजिए 10 लाख बोरो करने का मैंने आज ही एग्रीमेंट कर लिया कि 6 महीने के बाद मैं 10 लाख बोरो करूंगा 8.5% में मान लीजिए। और इसी को पता है क्या कहा जाता है, 6/9 एफआरए। इसका रीडिंग भी बस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। 6/9 एफआरए क्या होता है, 6/9 का मतलब क्या, 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का बीच का बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट, 6 से 9 के बीच का। यहाँ पर है ना 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए, तो 6ठा महीना के बाद से 9वां महीना तक, 6 मंथ के बाद से 9 मंथ तक, तो 6/9 ही कहता है 6/9 एफआरए। तो 6/9 एफआरए क्या चल रहा है, 8.5% में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने कॉन्ट्रैक्ट। अब 6 महीने तक हम सोएंगे आराम से, हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमने ये एग्रीमेंट कर लिया। मतलब हमने क्या एग्रीमेंट किया कि 6 महीने के बाद बोरो करेंगे 10 लाख रुपीज 8.5% में। अब 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट हो गया पता है कितना, 12% हो गया इंटरेस्ट रेट। सुनो 6 महीने के 12% हो गया, और हमने तो 8.5% में बोरो कर रखा, बच गए ना हम, बच गए कि नहीं बच गए देखो कैसे पता चलेगा। अब देखो 12% में हमने देखा कि मार्केट का रेट 12% हो गया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यूजुअली एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, नेट सेटलमेंट होता है, नेट सेटलमेंट होता है। आपको वहाँ डिलीवरी नहीं मिलती, आपको रियल में बोरिंग नहीं मिलता, वहाँ पर नेट सेटलमेंट होता है। और अब अलग से लोकल बैंक से बोरिंग कर लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया था, स्टार्टिंग में ही 10 लाख बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 8.5% के रेट में। तो अब बताइए मैं 6 महीने के बाद 10 लाख रुपीस बोरो कर सकता हूं, तो मैं एज पर एग्रीमेंट मैं 10 लाख रुपीस बोरो कर लूंगा 8.5% में। तो मुझे इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा, आप मुझे सभी को चैट बॉक्स में बताइए। 6 महीने के बाद मैं बोरो करूंगा एज पर एग्रीमेंट, 3 महीने के लिए बोरो करूंगा, तो आप मुझे बताइए 10 लाख का 8.5% जो है ये मुझे इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा, आप मुझे फटाफट से बताइए। 10 लाख का 8.5% ये इंटरेस्ट मुझे 85,000 नहीं आएगा, एक बार रुकिए, ये 85,000 मैंने गलती से ले लिया, पूरे साल भर का ले लिया, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, फिर 1 साल के रख देता हूँ मैं, नहीं रखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ इसको मैं ना चेंज करता हूँ, ये 8.5% तो पूरा साल भर का हो गया, हम तो 3 महीने के लिए ले रहे हैं, तो 3/12 यानी 21250 आएगा, ये आएगा 21250। आपने अगर कोई प्रिंट निकाल लिया तो उसको ठीक कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो 21250 में मैं बोरो कर सकता हूँ। मेरा कहना ये है कि 6 महीने के बाद मैंने बोरो किया है, इंटरेस्ट मेरा लगेगा 9th मंथ में, 9वें महीने में। आज से 6 महीने का रियल में बोरिंग होगा, बोरिंग मतलब एफआरए एग्रीमेंट के हिसाब से बोरिंग होगा, और 9 मंथ्स में मेरा ये इंटरेस्ट लगेगा, यानी आफ्टर 3 मंथ्स मेरा इंटरेस्ट लगेगा। अब एफआरए में सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट मतलब आपने बोरो का एग्रीमेंट कर रखा हुआ, आप एक काम कीजिए इन्वेस्टमेंट करके सौदा काट दीजिए। तो अब देखिए 6 महीने के बाद मैं एफआरए को सेटल करूंगा, कैसे, बोरो को कौन काटेगा, इन्वेस्ट, जैसे बाई को सेल काटता था, सेल को बाई करता था, जैसे फ्यूचर्स में हम क्या करते थे, फ्यूचर सेल को सौदा काटते थे ना, फ्यूचर बाई करके, उसी हिसाब से यहाँ पर बोरोइंग को कौन काटेगा, इन्वेस्टमेंट। तो ये 10 लाख रुपीज जो है हमारा, हम क्या करेंगे, करंट रेट पे इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे 8.5% में हमने क्या किया था, एज पर एग्रीमेंट हमने बोरो किया था, अब हम 12% में क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे 3 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, 10 लाख का 12% 1,20,000 होगा, 1,20,000 इंटू 3/12 3 महीने के लिए तो लगेगा, तो 30,000 रुपीज हमें मिलेगा। तो आप मुझे बताइए मेरा कितना कमाई हो गया, मेरा कितना कमाई हुआ, यहाँ पर गेन कितना हुआ, एफआरए सेटलमेंट में मेरा गेन कितना हुआ मुझे ये बताइए।
8000 मेरे ख्याल से 8750 का मेरा गेन आ रहा है यहाँ पर, ये मेरा गेन हुआ। तो यहाँ पर तो मेरा गेन हुआ। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मान लीजिए स्पेकुलेशन अगर आप करते तो आपको तो रियल में बोरिंग वगैरह करनी नहीं होती। स्पेकुलेशन अगर आप करते, आपने क्या किया, एफ आर ए में बोरो करने का एग्रीमेंट किया क्योंकि इस उम्मीद में कि बढ़ेगा, और रियल में जब बढ़ गया तो इन्वेस्ट करके सौदा काट दिया, 8750 आपका गेन हो जाएगा, आप घर लेके जा सकते हो। लेकिन कब मिलेगा ये, 9वें महीने में मिलेगा, ये मत भूलिएगा। छठे महीने में नहीं मिलेगा, छठे महीने में तो बोरो करोगे एज पर एग्रीमेंट और इन्वेस्ट करके सौदा काटोगे। जिस दिन बोरो और इन्वेस्ट होता उस दिन इंटरेस्ट का आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता, इंटरेस्ट का आउटफ्लो एंड में होता है। जैसे 3 मंथ की बोरोइंग है तो 3 मंथ के बाद इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा, और ये भी 3 मंथ के बाद आपका क्या होगा, इंटरेस्ट का इनफ्लो होगा। तो ये आपका कब होगा, 9 मंथ में होगा। पर एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फटाफट, एक दो क्वेश्चन में बस पूछूंगा, बाकी आगे हम स्पीड में जाएंगे। मुझे ये बताइए, ये 8750 कन्फर्म हो जाएगा कि गेन है आपका, ये कब कन्फर्म होगा बताइए मुझे, ये कन्फर्म कब पता चलेगा आपको गेन है, जीरो द डे में कि छठे महीने में कि 9वें महीने में। देखिए जीरो द डे में सिर्फ हमने एफ आर ए का एग्रीमेंट किया था, 6th मंथ में हम क्या करेंगे, एज पर एग्रीमेंट बोरो करेंगे और सौदा काटने के लिए करंट रेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है वो 9वें महीने में मिलेगा दोनों का। मेरा सवाल बस इतना है कि आपका 8750 का गेन यहाँ पर पता कंफर्म कहाँ पता चलेगा, गेन तो यहाँ पर हो रहा है 9वें महीने में, बट इसका पता कहाँ चलेगा, गेन तो 9वें महीने में होगा 8750, आपको कंफर्मेशन कब पता चलेगा कि इतना का गेन है, ये कब पता चलेगा, ध्यान से सुनना, छठे महीने में पता चल जाएगा। क्योंकि छठे महीने में बोरो के साथ साथ आप इन्वेस्ट भी कर दोगे, दोनों का रेट आपका छठे महीने में पता चल जाएगा। तो 6 मंथ में ही पता चल जाएगा आपको कि आपका 8750 का गेन है। तो यहाँ पर एक्सचेंज वाले को हम ये बोल सकते हैं कि भाई 8750 तो तू हमें 9th मंथ में देगा, आज ही दे दे छठे महीने में। तो एक्सचेंज वाला ये बोलेगा हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि कंफर्म तो है ही कि 9वें महीने में 8750 देना है। लेकिन वो 8750 नहीं देगा, वो 8750 का प्रेजेंट वैल्यू देगा, समझ में आ रहा है। 9वें महीने में उसको 8750 देना है, लेकिन अगर छठे महीने में सेटलमेंट करना चाहता है तो छठे महीने में सेटलमेंट वो कर सकता है, छठे महीने में उसे, लेकिन वो 8750 थोड़ी ना देगा। वो बोले तेरा ड्यू तो 9वें महीने में, क्योंकि 9वें महीने में तुझे इतना आउटफ्लो होना है, तेरा इतना इनफ्लो होना है, ठीक है मैं छठे महीने में तुझे दे दूंगा पैसे 8750, पर पूरा नहीं दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू दूंगा, इंटरेस्ट काट के दूंगा। तो यहां पर कितना आएगा, कौन सा रेट से पुल करेंगे, जो करंट रेट है, कि इसका थोड़ी ना एग्रीमेंट हुआ है प्रेजेंट वैल्यू का, करंट रेट है 12%, तो 3 महीने का कितना हुआ, 3% हुआ। तो 8750 / 1.03 यानी 8495 होगा इसका पीवी जो है, 8495 होगा। ये आप चाहो तो छठे महीने में ले सकते हो, ये आप चाहो तो कब ले सकते हो, छठे महीने में ले सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाया कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको स्पेक्युलेशन करना है तो बात यही खत्म हो जाती, लेकिन अगर आपको स्पेक्युलेशन नहीं करना, रियल में आपको बोरिंग करनी है, आपका रियल में दर्द है, आपको पैसे की जरूरत है, तो रियल में अगर आपको बोरिंग करनी है तो आप छठे महीने में जब आपको बोरिंग करना था आप मार्केट से रियल में बोरो कर लीजिए। अगर आपका पर्पस ही हेज करना था, आप मार्केट से कितने में बोरो करोगे, 10 लाख में बोरो करोगे 12% के रेट में, क्योंकि मार्केट में तो जो रियल रेट होगा वही लिया जाएगा। तो 10 लाख का 12% कितना, 1,20,000 ही आएगा फॉर 3 मंथ्स। टेन लाख इंटू 12% इंटू 3/12 आएगा 30,000। तो अब मेरी बात सुनिए, आप बोले सर हमारा तो 10 लाख का बोरिंग में 30,000 रुपीज लग गया। जी हाँ लग गया, लेकिन आप देखिए 8750 में मिल भी तो जाएगा। ये भी कब लगेगा 30,000, 9 मंथ में लगेगा। देखिए ये भी 9 मंथ में लगेगा, और 9 मंथ में आपको 8750 मिलेगा भी। आप मत लीजिए प्रेजेंट वैल्यू में छठे महीने में, आप 9वें महीने में लोगे तो 8750 आपको मिल जाएगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट अमाउंट आपका लगा कितना है, इफेक्टिवली आपका कॉस्ट कितना लगा, 30,000 आपका लग रहा 9वें महीने में, 8750 तो आपको FRA में मिल जाएगा। FRA में एग्रीमेंट ही क्यों किया था, ताकि हम बच जाए, हमारा इफेक्टिवली 8.5% लगे। तो देखिए आपका इफेक्टिवली कितना लग रहा है, 21250 ही लग रहा है आपका इफेक्टिवली, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फिर क्या होगा, 21250 लग रहा है कितने में, 10 लाख में इंटू 100 कितना आ रहा है ये आप देख लीजिए, 2.125 आएगा क्या 3 मंथ्स का। तो आपका यहाँ पर एनम का हो जाएगा कितना, 8.5% पर एनम इफेक्टिवली।
तो आपका 8.5% ही लग रहा है, सिंपल सी बात है। तो मैंने दोनों समझा दिया, बट स्पेकुलेशन तब तो इसकी बात ही नहीं आएगी। अगर कोई स्पेकुलेशन करना चाहता है एफआरए बोरो की है, इन्वेस्ट करके सौदा काटेगा, 8750 उसका गेन है, प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाना चाहता है 8495 लेके जा सकता है, बात खत्म। अगर कोई हैजिंग करना चाहता है तो वो हैजिंग कैसे कर सकता है, वो एफआरए में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा ताकि उसका रियल बोरिंग में जितना भी नुकसान हो वो एफआरए आपको दे देगा। तो यहाँ पर एफ आर ए में बोरो क्या 8750 का कीन है, रियल बोरिंग में 30,000 लग रहा है, पर दोनों मिला दे तो ओवरऑल इफेक्ट मेरा 21250 लग रहा है, यानी ओवरऑल मेरा 8.5% लग रहा है। आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो चुका है एकदम अच्छे से, एफ आर ए का जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको थ्योरिटिकली एफ आर ए कैसे निकालते वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर तो हमने सीधा बोल दिया कि मान लो 6/9 एफ आर ए 8.5% है, थ्योरिटिकली कैसे हम एफ आर ए निकालेंगे। जैसे लाइबोर होता है, लाइबोर आजकल थोड़ा कम चलन में, और भी ये माइबोर सोफर वगैरह बहुत सारे रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो फिर भी मैंने लाइबोर का इस्तेमाल किया, अब माइबोर भी बोल सकते हो, जो भी एक्स वाई, ठीक है, फ्लोटिंग रेट है। तो 6 मंथ्स का लाइबोर आपका मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल करेंटली 6 महीने का लाइबोर चल रहा है 10% पर एन, हमेशा रेट पर एन एम में ही रहता है। तो 10% अगर 6 महीने का, तो इफेक्टिवली तो 6 महीने का 5% ही हुआ। तो अगर कोई भी बंदा 1 रुपया लगाएगा आज 6 महीने के लिए, मान लीजिए मैं प्रतीक जगाता हूँ, मेरे पास 1 रुपी ओनली, मैं 1 रुपी अगर 6 मंथ्स के लिए लगाता हूँ तो वो 1 रुपये कितना बन जाएगा, 1.05 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 मंथ्स का लाइबोर चल रहा है 10% पर एनम, यानी 6 मंथ्स का इफेक्टिवली होगा 5%, है ना, क्योंकि ये 6 मंथ्स कंपाउंडिंग आप समझ लीजिए, 10 × 6/12 तो 5% है। तो अगर मैं 1 रुपी लगाऊंगा 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए 1 रुपी लगाऊंगा, 6 महीने के बाद ये बन जाएगा 1.05। और एक आप मान लीजिए, आप में से कोई भी स्नेहा, आप स्नेहा हो मान लीजिए, स्नेहा 9 मंथ्स के लिए पैसा लगाना चाहती है, तो स्नेहा अगर 9 मंथ्स के लिए पैसा लगाएगी उसका, उसको रेट मिलेगा 12%। अलग अलग टाइम पीरियड का अलग अलग रेट होता है। मान लीजिए 9 मंथ्स लाइबोर है 12%, तो 9 मंथ्स का इफेक्टिवली कितना हो, 12 × 9/12 करना, 12 तो परे ना, 12 × 9/12 यानी 9% आएगा, यानी 1.09। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, स्नेहा जो है वो 9 मंथ्स के लिए पैसा लगाती है तो उसको 1.09 हो जाएगा 1 रुपी जो, और प्रतीक जगाती जो है वो 1 रुपीस अगर 6 मंथ्स के लिए लगाएगा तो 1.05 होगा। तो इस हिसाब से दोनों को पैरेलल बनाने के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, दोनों को अगर आपको पैरेलल बनाना, स्नेहा और प्रतीक जगाती दोनों सेम जगह में पहुंचे, उसके लिए हमें ये देखना है कि फर्दर 3 महीने का क्या रेट होना चाहिए थ्योरिटिकली। तो जैसे मैंने कहा, मान लीजिए स्नेहा है वो यहां से चली, उसने एक रास्ता पकड़ा, उसने बोला कि 1 रुपीस में इन्वेस्ट करूंगा 9% पे, तो 9 मंथ के बाद ये कितना बन जाएगा, 1.09 बन जाएगा 9 मंथ्स के बाद। अब प्रतीक जगाती ने दूसरा रास्ता चुना, उसने बोला मैं पहले 6 महीने के लिए पैसे लगाऊंगा, फिर 3 महीने के लिए पैसे लगाऊंगा, तो प्रतीक जगाती अगर 6 महीने के लिए पैसे लगाता है तो उसको 5% मिलेगा, यहां पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.05। तो अब प्रतीक जगाती को फर्दर 3 महीने में कितना पैसा कमाना चाहिए कि वो पैरिटी में रहे, वही हो गया थ्योरिटिकली एफ आर ए वही होना चाहिए। तो यहां पर उसको 1.09 में पहुंचना है उसको, तो 1.05 में तो पहुंच चुका वो 6 महीने के बाद। अब 6 महीने का जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो रिटर्न उसको 1.05 के ऊपर मिलेगा। तो 1.05 से लेके 1.09 के बीच में कितना कमाना है उसको, 0.04 कमाना है उसको। तो 0.04 अगर वो कमा लेता है तो वो स्नेहा के बराबर में आ जाएगा, 1.09 में आ जाएगा। तो उसे कमाना कितना, फर्दर 3 महीने के लिए 0.04 कमाना है। कहां से कमाना है, उसके पास तो 1 रुपी नहीं, 1.05 हो गया, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया 1.05 हो गया, तो 0.04 उसको कमाना है 1.05 से, इसको इतना परसेंट कमाना है। तो हम ये बोलेंगे 6/9 एफआरए कितना हो जाएगा पता है, 3.8095% हो जाएगा, लेकिन ये इफेक्टिवली 3 महीने का होगा। तो पर एनम कितना होगा, 3.8095 × 4 कर दीजिए, 15.238% पर एनम। मैं इसको वापस एक बार आपको समझाता हूँ, देखिए एक तरफ स्नेहा है, एक तरफ प्रतीक जगाती है। स्नेहा ने 1 रुपये लगाए 9% के इंटरेस्ट पे, इसका 1.09 हो गया 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद इसका हो गया। प्रतीक जगाती जो वो क्या कर रहा है, 1 रुपी इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीने के लिए 5% में, तो इसका 1.05 हो रहा है 6 महीने के बाद। तो इसको क्या करना है, इसको कितना और कमाना है फर्दर 3 महीने में, 1.05 से पहुंचना है 1.09 तक, यानी 0.04 इसको कमाना है, कहां से, 1.05 से इंटू 100, तो कितना आएगा आप देख लीजिए, ये आएगा 3.8095%। यानी कहने का मतलब प्रतीक जगाती 1 रुपीज जो है पहले 5% में 6 महीने के लिए लगाएगा,
3.8095% में 3 महीने के लिए लगाएगा, आप देख लीजिए ये 1.09 आएगा, डेट इज 9% आएगा। तो थ्योरिटिकली इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एफ आर ए निकाल सकते हैं। अब मैंने इसको जैसे इंटरेस्ट रेट पैरिटी समझाया था ना आपको, उसी प्रकार सिंपल रख दिया एग्जाम में करने के लिए। एग्जाम में करने का दो रास्ता, मैं दोनों रास्ता आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए आपका, अब एक बात बताओ मुझे, एकदम सिंपल सा रास्ता मैं बताता हूँ। हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि 6 महीने का रेट है 5% और 6/9 एफ आर ए जो है उसका रेट अभी हमने जस्ट निकाला 3.8095% और 9 मंथ्स का ओवरऑल 9 मंथ्स का रेट है कितना 9%। आप देख लो ये और ये दोनों बराबर है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1 × 1.05 × 1.038095। आप मुझे करके बताइए क्या ये 1.09 आ रहा है, ये बताना जरूरी है। ये देखिए 1.09 आएगा आपके यहाँ पर। तो मतलब मैंने ये समझा इससे कि 1.05 × 1.038095 इक्वल 1.09 हो रहा है। आप देखिए ये कि आपको बताइए 6 मंथ्स लाइबर है, ये कि आपको बताया 6/9 एफ आर ए इफेक्टिव वाला, और ये क्या आपका 9 मंथ्स लाइबर है ना। तो आप देखिए 6 महीना साथ में 6/9 नो एफ आर ए, ये दोनों मिला के तो 9 मंथ्स ही हुआ। अगर ये दोनों देखिए तो ये 9 मंथ्स ही हुआ। तो आप इस हिसाब से बताइए, मतलब मैंने आपको ये समझाया 6 मंथ्स लाइबोर इंटू 6/9 एफ आर ए इक्वल 9 मंथ्स लाइबोर, ये हमने देखा। ये देखो 6 मंथ्स लाइबोर इंटू 6/9 एफ आर ए इक्वल 9 मंथ्स लाइबोर हो रहा है। तो इस हिसाब से हम ये भी तो बोल सकते हैं 6/9 एफ आर ए अगर आपको निकालना है, आप 9 मंथ्स लाइबोर डिवाइड बाय 6 मंथ्स लाइबोर कर दीजिए। बोले क्या इस बात से संतुष्ट हो या नहीं हो, मतलब एग्जाम में आपको शॉर्ट रखना है एकदम, एग्जाम में तो मैं फटाफट आंसर निकालना, हमारे पास टाइम कम रहेगा। एग्जाम में हम ये बोलेंगे देखो 6/9 एफ आर ए निकालना है, एक काम करो बड़ा वाला जो 9 मंथ्स है उसको डिवाइड करो 6 महीने से, तो 3 महीने का अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अब मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं, मैं आपको यहाँ पर ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं करते हुए मैं एकदम रफ नीचे कराता हूँ, एकदम एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। मान लीजिए 5 मंथ्स का लाइबोर है 10%, मान लीजिए 9 मंथ्स का, चलो 9 मंथ्स का लाइबोर है मान लीजिए 13%, 13 नहीं चलो ठीक है 12 ले लेता हूँ मैं, 12% ले लेता हूँ। मैं आपको पूछता हूँ 5/9 एफ आर ए मुझे बताइए ना कितना स्पीड में निकालोगे, अब देखिएगा 10% × 5/12 होगा, ये इफेक्टिवली कितना आएगा 10 × 5/12, ये आएगा 4.167 ले लिया हमने, और 12% आएगा कितना 12 × 9/12 आएगा आपका, ये कितना आएगा, ये 9% आएगा ठीक है, ये बन जाएगा 1.04167, ये बन जाएगा 1.09। तो मैं बोल सकता हूँ 5/9 एफ आर ए में क्या बोल सकता हूँ पता, 9 मंथ लाइबोर ले लो डिवाइड बाई 5 मंथ लाइबोर ले लो, बात खत्म, 1.09 डिवाइड बाय 1.04167 जो आंसर है वही आपका 5/9 एफ आर ए आ जाएगा। मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है, 1.09 डिवाइडेड बाय 1.04167, 1.04639 64 लिख सकता हूँ मैं, यानी 4.64% आ गया। और वही अगर इसको आप वैसे भी करना चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जैसे मैंने कहा था इंटरेस्ट रेट पैरिटी में, जैसे मैंने सिखाया था 1.09 − 1.04167, 0.04833 बढ़ाना है, कहाँ से 1.04167 से बढ़ाना है, इंटू 100 कर दीजिए तो भी आएगा आपका आंसर। आप कैसे भी करो आपका आंसर आएगा, लेकिन ये ध्यान रहे ये आपका 4 महीने का है, तो पर एनम कैसे निकालोगे 4.64 × 12/4, तो आपका 4.64 पूरा स्पीड में बता रहा हूँ इंटू 12/4 13.92% पर एनम आप दिखा दोगे, बताइए क्या एकदम सही है, परफेक्टली हो रहा है, बोलो बोलो एकदम सही है। तो अब आपको मैं अगर वापस से पूछता हूँ, मुझे ऑरली बस बताना, अगर मैं आपको 8 मंथ लाइबोर दे दूँ और 11th मंथ लाइबोर दे दूँ और बोलो 8/11 एफ आर एल निकालू, कैसे निकालोगे 11th मंथ लाइबोर डिवाइड बाई 8 मंथ लाइबोर, बस बात खत्म। लेकिन ध्यान रहे फैक्टर लेना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते 8% डिवाइड बाई 5% जो भी, आप 1.8 डिवाइड बाई 1.05 लोगे, ये बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं एक और लास्ट में एक और क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। 2 मंथ लाइबोर, 6 मंथ लाइबोर या फिर 7 मंथ लाइबोर ले लिया मैंने 10%, चलो एक और लेता हूँ यहाँ पर 12%, 15%, और इसको मैं 7 मंथ नहीं 8 मंथ बना देता हूँ। तो 2 मंथ लाइबोर 12% है तो कितना आएगा 2% इफेक्टिव होगा, यानी 1.02 लिखना मत भूलना,
और इधर 8 month लाइबोर 15% है, तो 8 महीने का कितना होगा, 10% होगा आई थिंक इफेक्टिवली। इसको 1.10 लिखने मत बोलना, तो 2/8 FRA क्या होगा, 1.10 डिवाइड बाई 1.02 होगा। इससे आप निकालोगे वही आएगा 2/8 FRA, 1.10 डिवाइड बाई 1.02, 7.843%। ये 6 महीने का, इसको इंटू 2 कर देना, 12 महीने का आ जाएगा। बात खत्म, मैंने रफ में फटाफट से आपको बता दिया। तो अब आई थिंक आप ये FRA निकालना आराम से सीख गए, अब टेंशन की कोई बात नहीं, थ्योरिटिकल FRA आप निकालना सीख गए। यहाँ पर मैंने अलग अलग एग्जांपल दे रखा, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर 6 months LIBOR है, 12% इफेक्टिवली 6% हुआ, यानी 1.06 हो गया। 12 months LIBOR है, 14% है, तो इफेक्टिवली 14%, तो 14% हो गया क्योंकि 12 महीने का पूरा, और ये भी पर एनम है, तो 1.14 हो गया। अब देखो सीधा ही मैं निकाल सकता हूँ 6/12 FRA, पता है एग्जाम में कैसे निकालूंगा, 1.14 डिवाइड बाय 1.06, 12 months LIBOR डिवाइड बाई 6 months LIBOR, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर किया ऐसे करके मैंने निकाल दिया, बस बात खत्म, कुछ ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो आराम से आप कर सकते हो ये सारा चीज, अब मुझे इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा, यानी थ्योरिटिकली FRA निकालना मैंने आपको सिखा दिया, बताओ मजा आया कि नहीं है। थ्योरिटिकली FRA निकालने सीखे मतलब कैसे निकालोगे, सर हमें रेट बता दीजिए, अगर आपको 5/8 FRA चाहिए हमें 5 months का रेट दे दीजिए, हमें 8 months का रेट दे दीजिए, हम 5/8 FRA आपको बता देंगे थ्योरिटिकली कितना होना चाहिए। पर जरूरी नहीं है, जो थ्योरिटिकली आप FRA निकालोगे वही बैंक में आपको कोटेशन मिलेगा, ये जरूरी नहीं। अगर बैंक में वही कोटेशन मिलेगा तब तो देयर इज नो आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर बैंक का कोटेशन अलग होगा दैट मींस व्हाट, देयर इज सम आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी। तो वही हम आर्बिट्राज गेन निकालेंगे, आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है या नहीं वो हम निकालेंगे। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, समझ में तो लाइक करना और नहीं समझ में तो डिसलाइक करना, और ये बता दो समझ में अगर आया तो हम आर्बिट्राज इन FRA जाएंगे। तो आप देखिए यहां पर भी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए 3 months LIBOR दिया हुआ है 12%, 8 months LIBOR दिया हुआ है 18%, कोटेड 3/8 FRA भी दे दिया। अरे बाप रे, इन्होंने 3 months, 8 months और 3/8 FRA में दे रखा है ऑलरेडी, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ आर्बिट्राज पॉसिबल है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 months LIBOR और 8 months LIBOR का इस्तेमाल करके हम पहले ये डिटरमाइन करेंगे कि थ्योरिटिकली 3/8 FRA क्या होना चाहिए। तो अब देखो 3 months LIBOR 12% है, 12 × 3/12 करिए, 3 महीने का इफेक्टिवली 3% होता है, यानी 1.03 होगा, 1.03 होगा। 8 months LIBOR क्या होगा, 18 × 8/12, 8 महीने का 18 × 8/12 यानी कितना आएगा, 12% आ रहा, देख लीजिए इफेक्टिवली, यानी ये 1.12 बन जाएगा। तो 8 महीने का फैक्टर ये बने, ये फैक्टर निकालना मत भूलना एग्जाम में, ये निकालना बहुत जरूरी है। तो अब इन दोनों से मैं निकाल सकता हूँ थ्योरिटिकली 3/8 FRA, कैसे निकाला, 8 month LIBOR डिवाइड बाई 3 month LIBOR, ये देख लीजिए 1.12 डिवाइड बाय 1.03, ये मेरा आ गया 1.08737, यानी 8.738% आ रहा। तो ये तो आपका जो आएगा 5 महीने का आएगा, ये आपका 5 महीने का आएगा। मुझे पर एनम का चाहिए तो इंटू 12/5 करना पड़ेगा, डेट इज व्हाट, 17.46% पर एनम आ रहा देखिए। तो देखिए थ्योरिटिकली 3/8 FRA जो है ना वो 17.476% होना चाहिए, पर कोट क्या दिया हुआ है 13/14%। थ्योरिटिकली 3/8 FRA का रेट ये होना चाहिए, कोटेशन दिया हुआ कितना 13/14%। आप मुझे बताइए ये जो कोटेशन दिया हुआ है ये सस्ता है कि महंगा है, ये जो 3/8 FRA है ये सस्ता है कि महंगा है, मुझे अब ये बताइए। यस हाँ, वहां पे पूजा हो रही है, मम्मी पापा पूजा कर रहे, तो चलो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अच्छे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, पढ़ाई कीजिए ठीक है। तो अभी मुझे बताइए क्या ये 13/14% क्या ये गलत लिखा है क्या, अच्छा देख लेता हूँ, 8.738% है इंटू 12/5, अच्छा 20.97, मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया होगा, मैंने 6 months लेके कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 20.97% पर है ना, मैं चलो सही कर दिया आप लोग के साथ साथ। तो आप बताइए 13/14% क्या सस्ता है, सस्ता में क्या होता है, आप बोलो सर सस्ता में तो भाई होता है, सस्ता में तो भाई होता है, गलत। आप बोलो सर महंगा में तो हम क्या करेंगे, महंगा में हम थोड़े ना खरीदेंगे, महंगा में हम सेल करना चाहेंगे, सस्ता में बाई करना चाहेंगे, नहीं ये आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, ये इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में बाई सेल नहीं होता है। अगर आपको सस्ता मिलेगा तो मत बोलना बाई करोगे, इंटरेस्ट रेट में बाइंग थोड़ी ना होता है, इंटरेस्ट रेट में बोरिंग या इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको सस्ता मिलेगा आप बोरो कर लीजिए, अगर आपको महंगा मिलेगा आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप बोलिए सर 3/8 FRA तो सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता में आप बोलोगे क्या,
वो रो कर लीजिए। और एक और गलती बच्चे क्या करते पता है, वो इसमें डिसीजन लेते हैं। अरे भाई ये तो थ्योरिटिकली आपने निकाला है, इसमें डिसीजन ही होगा, ये तो आपने कंपैरिजन करने के लिए निकाला है। जो कोटेड है ना उसमें डिसीजन लोगे, आप ये बोलोगे कोटेड सस्ता है कि महंगा है। अगर कोटेड रेट सस्ता है तो बोरो कीजिए, कोटेड रेट्स महंगा है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो हमें ये पता चल गया कि 3/8 FRA में हमें क्या करना चाहिए, बोरो करना चाहिए। तो रास्ते तो दो ही, देखो एक तो सीधा 8 मंथ में चले जाओ और एक दूसरा 3 मंथ में जाओ फिर 3/8 FRA में जाओ। रास्ते क्या है देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, दो रास्ते, एक सीधा 8 महीने में चले जाओ और एक आप जाओ 3 मंथ पहले, फिर 3 मंथ से लेके 8 मंथ में जाओ। तो हमें ये पता चल गया 3/8 में हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो मतलब 3 मंथ में भी बोरो करेंगे क्योंकि एक रास्ता पूरे बोरो कंप्लीट करेगा और डायरेक्ट 8 मंथ में हम इन्वेस्ट करके आर्बिट्राज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ जाना चाहिए अगर 3/8 FRA में बोरो होगा तो 3 मंथ में भी बोरो ही होगा क्योंकि दोनों एक ही रास्ते से होके जाएगा। 3/8 FRA तभी तो करोगे जब 3 मंथ का आपका बोरिंग होगा, तभी तो 3/8 FRA में बोरो करोगे। अगर 3 मंथ में इन्वेस्टमेंट है तो 3/8 FRA में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी इसका रास्ता सेम होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि 3/8 FRA में बोरो करना मतलब 3 मंथ में भी बोरो करना और 8 मंथ में हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, सिंस कोटेड 3/8 FRA चीपर है थ्योरिटिकल से, हमें 3/8 FRA में बोरो करना चाहिए। मतलब हम बोरो क्या करेंगे 3/8 FRA और उसके साथ 3 मंथ तो अटैच ही रहेगा, 3 मंथ एंड 3/8 FRA में बोरो करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे 8 मंथ में। मतलब आपके पास पहले बोरो कर लीजिए, मान लीजिए 1 रुपये आपने बोरो किया, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए बोरो किया। तो 1 रुपये अगर मैं 3 महीने के लिए बोरो करूंगा फिर फर्दर 5 मंथ के लिए बोरो करूंगा। तो अगर मैं 1 रुपये 3 महीने के लिए बोरो करूंगा, 3 महीने के मुझे 1.03 चुपाना होगा, फिर फर्दर मैं वापस से 3/8 FRA में बोरो करूंगा तो उसका मेरा रेट है ये रहा, 13 लगेगा कि 14 लगेगा मुझे बताइए। आप बिडास के जैसे हम करते थे ना, ये वही वाली बात है, सस्ता जो रेट है ये वाले रेट में इन्वेस्टमेंट करा के देगा, ये स्प्रेड है, बैंक स्प्रेड खाता है। तो बोरोइंग के लिए रेट बड़ा वाला होगा, तो इसमें आप बोरो करोगे 14 में, आप बोरो करोगे कितने महीने के लिए बोरो करोगे 3/8 यानी 14 × 5/12 इफेक्टिवली क्या लगेगा 5.833%। तो अब देखिए, मैंने 1 रुपया बोरो किया, 3 महीने का इंटरेस्ट 3% लगा और 5 मंथ का इंटरेस्ट रेट 5.833% लगा, तो 8 महीने के बाद मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। 1 रुपये बोरो किया, 8 महीने के बाद मुझे इतना रुपया देना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है, जो मैंने 1 रुपये बोरो किया है ना वो मैं तुरंत 8 महीने के लिए इन्वेस्ट भी कर दूंगा। मतलब एक तरफ 1 रुपया बोरो किया जिसको चुकाना है 8 महीने के बाद इतना, और दूसरी तरफ 1 रुपया को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, वही बोरोड अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा किस रेट पे, 8 मंथ का लाइबर 12% में इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मुझे इनफ्लो कितना मिलेगा। तो अब देखिए 8 मंथ के बाद जो मैंने 1 रुपये बोरो किया था इंटरेस्ट लगा के मुझे इतना चुकाना पड़ेगा, और 8 मंथ के बाद जो मैंने 1 रुपये इन्वेस्ट भी किया था बोरो करके उस पे मुझे इतना मिल जाएगा। तो मतलब पर रुपी बोरोड करने पर आपका 0.03 का गेन आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आपका गेन आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आई, देखो आर्बिट्राज है। मतलब हमें पता चल गया कि आपका 3 मंथ और 3/8 FRA जो है ना वहाँ पे 3/8 FRA सस्ता है। तो हमें पता चल गया 3 मंथ और 3/8 FRA में 8 महीने के लिए टोटल बोरिंग हो जाएगा हमारा और सीधा 8 महीने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो एक तरफ बोरो किया और वही बोरोड अमाउंट से हमने इन्वेस्ट कर दिया और अल्टीमेटली हमने आर्बिट्राज गेन कर लिया। ये आर्बिट्राज गेन बताइए कब पता चल जाएगा आपको, आज ही पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये आर्बिट्राज गेन के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आर्बिट्राज का मतलब ही नो स्पेकुलेशन, नो जुआ। आर्बिट्राज का मतलब है जहां पर मिस प्राइसिंग होगा तुरंत पैसे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कमाई होगी। हाँ, ये पैसे जरूर आपको 8 मंथ के बाद मिलेगा पर कंफर्मेशन आपका आज ही हो जाएगा, ये समझिए। कंफर्मेशन 0th day में ही हो जाएगा और आपको मिलेगा कब, इंटरेस्ट तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में ये देना है और लास्ट में ये मिलना है, ये 8 मंथ के बाद मिलेगा। तो अगर कोई बोलेगा सर प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाले सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट में प्रेजेंट वैल्यू 0.03 डिवाइडेड बाई जो आज का 8 महीने का 8 मंथ का रेट होगा उसे आपको पुल करना पड़ेगा, जो भी आज का 8 मंथ का रेट होगा, है ना। और 8 मंथ का रेट तो यही है, ऑब्वियस सी बात है 12% है डायरेक्ट 8 मंथ का रेट। तो 0.03 को प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे, बस बात खत्म। तो आप बताइए आर्बिट्राज अगर आपको समझ में आया तो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 मिस्टर पार्कर और एक ये वाला। मैं सोच रहा हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 19 आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 में आर्बिट्राज का क्वेश्चन है, पहले ये करा देता हूँ उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी करा दूंगा, सिंपल है दोनों। चलिए अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ। बोला फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट येन का नील है, मतलब येन में फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गई नहीं, को काट दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, स्पॉट
ये आपका आईएसओ कोड से उल्टा है, येन बाय येन पर डॉलर है, स्पॉट येन पर डॉलर 116 है, हमें इससे इससे भी मतलब भी नहीं। अब आगे देखिए, 3 महीने का रेट है 4.5%, तो एफेक्टिवली कितना होगा, 4.5 × 3/12 यानी 1.125%, और उसको ₹1 में लगा दीजिए। ₹1 अगर हम बोरो या इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 3 महीने के बाद इतना मिलेगा या देना पड़ेगा। तो आप देखिए 4.5% 3 महीने का रेट का एफेक्टिवली मैंने फैक्टर निकाल लिया, और फिर 5% जो 6 महीने का है 5 × 6/12, ये 3/12 6/12 मंथ्स की वजह से, तो ये 2.5% आया, मैंने 1.025 निकाल लिया। ये दोनों मैंने निकाल लिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अब आप बताइए 3/6 FRA कैसे निकालेंगे, 6 months rate divided by 3 months rate आपको बताया, तो 1.025 divided 1.0125 हो गया आपका, इन 3/6 FRA आ गया 1.0136, मतलब एफेक्टिवली 3 महीने का रेट कितना आ गया 1.36%। पर ध्यान रहे, एग्जाम में हमेशा पर एनम में बताना होता है, किसमें बताना होता है, पर एनम बेसिस में बताना होता है। तो 1.36 को आप 3 महीने का इतना है, तो एक साल का कितना होगा, इंटू 12/3 कर दिया, 5.44% आ गया। तो कितना सिंपल है, 3 months FRA पूछ रहे एट 3 months फॉरवर्ड, यानी ये 3/6 FRA पूछ रहा है आपसे, बस बात खत्म। ये तो एकदम अच्छे से आ गया। पॉइंट नंबर टू में क्या बोला, 6 months और 12 months का LIBOR दिया हुआ 5% 6.5% respectively, quotation भी दिया हुआ 6/12 FRA का, बोला बताओ ना आपको आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है क्या। कितना सिंपल है, देखिए 6 months का और 12 months का LIBOR कितना है, 5 और 6.5 5%, यानी 5% × 6/12 करोगे 2.5% आएगा 6 महीने का, यानी 1.025 आएगा। 12 months का 6.5% 12 months ही है, तो पूरा 6.5% ही होगा, यानी 1.065 आया। तो थ्योरिटिकली आप मुझे बताइए 6/12 FRA क्या होगा, 1.065 divided by 1.025। मैं स्पीड तो ज़्यादा नहीं बोल रहा, अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ तो बता देना, मुझे लग रहा है मैं स्पीड बोल रहा हूँ। तो 1.065 divided by 1.025 करेंगे तो थ्योरिटिकली 6/12 FRA आ जाएगा, डेट इज वट 1.0390, यानी 3.90%, वो भी 6 महीने का, क्योंकि 6 और 12 के बीच में 6 महीने का पीरियड आता है, 6 months का पीरियड है, तो 6 months का इफेक्टिवली ये आएगा। तो पर एनम का कितना होगा, 7.8%। तो अब देखिए थ्योरिटिकली 6/12 FRA होना चाहिए 7.8% और कोटेड है 6.5 6.75, तो आप मुझे बताइए कोटेड 6/12 FRA सस्ता है कि महंगा, सस्ता है, क्योंकि थ्योरिटिकली तो ज्यादा होना चाहिए, कोटेड वाला सस्ता है। सस्ता में क्या होगा, बोरो होगा आपका, सस्ता में बोरो होगा, तो हमें पता चल गया 6/12 FRA में आप बोरो करोगे, है ना, मतलब 6 months में भी बोरो करोगे। तो 6 months और 6/12 FRA में हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, और सीधा 12 months में हम इन्वेस्ट करेंगे। मैं एक बार रफ में आपको करा देता हूँ, देखिए बोरो किस में होगा, 6 months और 6/12 FRA में, 6 months का रेट कितना है, ये देखिए 6 months का रेट है 1.1025, 1 × 1.025 6 months का रेट है, और 6/12 FRA हमारा कोटेशन दिया हुआ जो है ये वाला होगा 6.75 होगा, बोरो बड़ा वाला होगा 6.75 × 6/12, एफेक्टिवली 3.375 आएगा, आई थिंक यानी 1.03375 होगा इसका फैक्टर। तो बोरो का ये होगा आपका, और इन्वेस्ट क्या होगा, इन्वेस्ट हम 1 रुपया करेंगे, बोरो क्या होगा सीधा 12 महीने के लिए इस रेट पे 6.5% में, यानी 1.065 में। तो ये आपका आउटफ्लो होगा, ये आपका इनफ्लो होगा, आपका गेन आ जाएगा, बस बात खत्म। तो कितना सिंपल है बताइए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मैंने किया, देखिए बोरो करेंगे 6 months में, 6/12 FRA में, क्यों, क्योंकि पता चला इसमें बोरो करना चाहिए तो इसमें भी बोरो ही होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है 12 महीने का, और इधर डायरेक्ट 12 months हो गया आपका। तो आपका 6 months का LIBOR तो ये रहा 1.025, 6/12 FRA आपका 6.75% है, तो एफेक्टिवली 3.375% होता है, उसका 1 का फैक्टर लगाएंगे, 1 + 3.375% यानी 1.03375 होगा आपका, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप देखिए आपका आउटफ्लो इतना हो रहा है, बोरो करेंगे तो आउटफ्लो ही तो होगा आपका, और इन्वेस्ट करेंगे तो इनफ्लो होगा आपका। आपका अल्टीमेटली क्या आया, 1 रुपये अगर आप बोरो करें, यहाँ पर $1 की बात हो रही है, डॉलर का क्वेश्चन दिया हुआ, पूरा डॉलर ही लिखा हुआ यहाँ पर, आई थिंक ये डॉलर का कोट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि $1 अगर आप बोरो करोगे, $1 बोरो करोगे तो 12 months के बाद इतना डॉलर चुकाना पड़ेगा, और उसी $1 को फिर इन्वेस्ट कर दोगे तो इतना डॉलर मिल जाएगा, यानी आपका अल्टीमेटली पर डॉलर आप इतना डॉलर कमाओगे, $1 में आप $0.0054 कमाओगे, है ना। आर्बिट्राज गेन है ये, क्या पता है, ये आर्बिट्राज गेन है, और इसी को मैंने वापस से एक्सप्लेनेशन में लिखा है, आप चाहो तो ऐसा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया, अभी उसको बताने की जरूरत नहीं है।
अब चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, इसको आप एलडीआर में मार्क कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ भैया, बोलो सिंपल बोलो, अभी तक सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बोलो अभी तक सही जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 अब मैं आपको कराता हूँ, फटाफट से कराऊंगा, फटाफट से बोलो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा अभी तक, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे डेरिवेटिव्स में मजा आया था वैसे यहाँ पर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? जैसे फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में मजा आया था वैसे यहाँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो? नहीं बताओगे तो मैं आगे स्टार्ट ही नहीं करूँगा। हेड्स बहुत ज्यादा लंबे हो गए, आज क्लास खत्म करा के हेयर कटाने जाऊंगा। बोलो फटाफट, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, कह रहे याद आ रहे क्लास में जो अपने पढ़ाया था, मजा आ गया, मजा आ गया, सब बोले मजा आ गया, सुपर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 18 में सब होगा, आईआरआरएम को आज ही खत्म कर देंगे पूरा। देखिए एमएस पार्कर एंड कंपनी इज कंटेम्प्लेटिंग टू बोरो एन अमाउंट ऑफ रुपीज 60 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन दिस कमिंग 6 मंथ्स टाइम फ्रॉम नाउ। करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, बट इट मे गो अप इन 6 मंथ्स टाइम। द कंपनी वांट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो देखिए मेरी बात सुनिए, ये पार्कर जो है ना वो 60 करोड़ बोरो करना चाहता है 3 महीने के लिए, आज नहीं 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये 3 महीने के लिए बोरो करना चाहता है। तो एफ आर ए क्या होगा? 6/9 एफ आर ए, छठा महीना से नौवा महीना तक 6/9 एफ आर ए आपका दिया हुआ भी 9.3%। तो सिक्स इस रेट में हम एग्रीमेंट कर लेंगे, यानी इसमें एफ आर ए बोरो होगा आपका, यानी 6 महीने के बाद हम बोरो करेंगे 60 करोड़ 9.3% में, ये हमने एग्रीमेंट कर लिया। फिर पूछा क्या, व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट इफ द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स हैपेंस टू बी 9.6% 8.8%। देखो अगर मैं हेजिंग की बात बोलूं तो हेजिंग में आपको ये पता चलेगा कि भले 9.6% हो जाए या 8.8% हो जाए, आपका इफेक्टिवली तो 9.3% नहीं लगेगा। वो भी कैसे लगेगा मैं बता देता हूं, आपने 9.3 में बोरो किया, एफआरए का बोरो किया है ना, एफआरए का बोरो किया, बाद में 9.6 हो जाएगा तो 9.6 में इन्वेस्ट करोगे सौदा काटने के लिए, 0.3% का गेन होगा आपका। लेकिन जब आप रियल में बोरोइंग करोगे तो रियल में तो 9.6% लेगा जो करंट रेट है, तो 9.6% रियल बोरोइंग में लग जाएगा आपका और आपका एफआरए में गेन आएगा 0.3% का, यानी एफेक्टिवली कितना लगा, 9.6 माइनस 0.3 9.3% ही लगा आपका। दूसरा कहानी बता रहा हूं, अगर आपने 9.3 में एफआरए बोरो किया, मान लीजिए 8.8 हो गया आपका, तो आपका 0.5% तो नुकसान होगा, क्योंकि 9.3 में बोरो 8.8 में इन्वेस्ट, 0.5 का नुकसान आउटफ्लो, ये ध्यान रखना आउटफ्लो होगा 0.5 का। और आप रियल में बोरोइंग करोगे 8.8 में तो 8.8 इधर आउटफ्लो है, उधर 0.5 का आउटफ्लो है, यानी 9.3% ही आउटफ्लो होना है, क्योंकि हमने एक रेट फिक्स कर लिया। मतलब क्या, अब आगे बढ़ो या घटो हमारा 9.3 लगना है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं मांग रहा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा फाइनल सेटलमेंट अमाउंट बताओ, मतलब एफ आर ए का सेटलमेंट अमाउंट मांग रहा है, वो आपसे हेजिंग की बात ही नहीं कर रहा है। मतलब हमें यहाँ पर स्पेक्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन देना है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फाइनल सेटलमेंट अमाउंट पूछ रहा है, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट मतलब ये एफआरए का सेटलमेंट पूछ रहा खाली। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पेक्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन करेंगे। तो एक बार ऑरली में सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ क्या होगा। देखिए 60 करोड़ का नॉमिनल अमाउंट है, 9.3 में एफआरए बोरो करेंगे 3 मंथ्स के लिए, 9.6 हो जाएगा तो आपका क्या होगा, 0.3% का एफआरए में गेन होगा, क्योंकि इसमें बोरो किया, इसमें इन्वेस्ट करके सौदा काटोगे आप, 0.3% का फायदा हुआ आपका। लेकिन 0.3% तो पर है ना, मैं तो 0.3 × 3/12 करना पड़ेगा, यानी आपका 0.3/4 सीधा कर देता हूँ, 0.075% का आपका फायदा होगा। तो 60 करोड़ जो आपका है इंटू 0.075% आपका फायदा हो रहा है, यानी 4,50,000 रुपीज का आपका फायदा होगा। बताइए ये फायदा कब मिलेगा आपको, 0 मंथ में आपने एफ आर ए किया, छठा महीने में आप बोरो होगा एग्रीमेंट के हिसाब से सौदा काटोगे इन्वेस्टमेंट भी, लेकिन इन दोनों का इंटरेस्ट आउटफ्लो इनफ्लो तो 9वें महीने में होगा। तो आपको ये जो पैसा, मैंने पहले भी ऐसा एग्जाम्पल कराया था, मैंने बताया था आपको जो पैसा है वो 9वें महीने में मिलेगा, तो 9वें महीने में मिलेगा। अब आप बोलो सर हम तो आज ही चाहते हैं, हमें कंफर्मेशन कब होगा, 6 महीने में होगा, क्योंकि 6 महीने का ही आपको 6 महीने में ये एक्चुअल में रेट हो गया आपको, तो आपको कंफर्मेशन 6 महीने में होगा। तो आपको क्या करना होगा, 4,50,000 को 3 मंथ्स बैक पुल करना होगा,
प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए, है ना। छठे महीने में कंफर्मेशन होगा, नौ महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जब बोरो और इन्वेस्ट करते तब इंटरेस्ट का आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता, इंटरेस्ट का आउटफ्लो इनफ्लो बाद में होता है। तो नौवे महीने में आपका कंफर्मेशन, सॉरी नौवे महीने में मिलेगा, कंफर्म छठे महीने में होगा। तो थ्री मंथ्स बैक हम पुल करेंगे किसको, 4,50,000 को। कौन सा रेट से, करंट रेट से। करंट रेट क्या है, 9.6%। तो 9.6% यानी तीन महीने का कितना हुआ, 2.2% इन डिवाइड बाय 1.022 या क्या 4 पूछो, 2.2 नहीं होगा, 9.6 2.4 होगा, सॉरी 4,50,000 डिवाइड बाय 1.024 होगा, 439453 आपका आंसर आएगा। तो अब मैं प्रेजेंटेशन बता देता हूँ, ठीक है, समझ में तो आएगी आपको, प्रेजेंटेशन बता दूँ। देखिए अमाउंट रिक्वायर्ड है 60 करोड़, 6/9 FRA 9.3%, तो एफेक्टिवली तीन महीने का हुआ 2.325%। आप डेज के हिसाब से भी कर सकते हो, आईसीए ने कुछ कुछ क्वेश्चन में डेज में किया, कुछ कुछ क्वेश्चन में मंथ्स में किया, आप चाहो तो डेज के हिसाब से भी कर सकते हो, 90 डेज वगैरह लेके भी कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 60 करोड़ आपका एफेक्टिवली इस रेट पे FRA आपका हुआ है, देखा जाता इस रेट पे आपका FRA हुआ तीन महीने का, हमें इस पे बोरो करना है। अब केस वन में अगर 9.6% हो गया बोरो, तो एज पर एग्रीमेंट रेट हम करेंगे 2.325% के हिसाब से बोरो करेंगे, इतना आउटफ्लो होगा। इन्वेस्ट हम करेंगे जो आज का रेट हो जाएगा 9.6% इंटू 3/12, ठीक है। आप एक काम करना, एग्जाम में आप इसको ऐसे मत लिखना, आप ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर है, इंटू 9.3% इंटू 3/12, या फिर इंटू 90/360 भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से आप लिखोगे यहाँ पर। तो आउटफ्लो इनफ्लो गेन आपको पता चल गया, 4,50,000 का गेन है। अब ये गेन तो नौवे महीने में, मुझे छठे महीने में लाना है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू में खींच के बता दिया, फाइनल सेटलमेंट गेन हमारे ये आ गया। अब अगर हम इधर देखें, केस टू में देखें, आपने 9.3%, यहाँ पर भी मैं वही लिख देता हूँ, 9.3% में आपने FRA में बोरो किया है तीन महीने के लिए, और अब बाद में छः महीने के बाद सौदा काटोगे, इन्वेस्ट करोगे, करंट रेट 8.8% में तीन महीने के लिए, तो आपको यहाँ पर लॉस दिख रहा है, लॉस दिख रहा है 7,50,000 नुकसान हो गया यहाँ पर आपका, FRA में नुकसान हो गया, आप ये समझे, FRA में नुकसान हो गया आपका। हेजिंग में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उधर कम लगेगा, 8.8 लगेगा, अल्टीमेटली 9.3 लगना है, बट FRA में इतना नुकसान हुआ। प्रेजेंट वैल्यू में कौन से रेट से खींचेंगे, करंट रेट 8.8%, यहाँ पर करंट रेट था 9.6%, यहाँ पर 8.8% करंट रेट है, यानी 1.022 से हम खींचेंगे आपका 733855 फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आ जाएगा। इसी को अगर मैं आईसी के हिसाब से फॉर्मूला में लिखाऊं, तो फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 7,50,000 लिखते हैं, फिर आप लिखोगे 1+9.6% जो आपका करंट रेट है, इंटू 90/360 लिख के, अब ऐसे करोगे वैसे भी कर सकते हो, लंबा चौड़ा जरूरत नहीं, सीधा ही आप कर लिया, बस बात खत्म। तो मैंने बता दिया आईसी का जो तरीका है वो फॉर्मूला ओरिएंटेड रहता है, उसकी कोई मार्क्स भी नहीं होते मेरे ख्याल से। तो अब देखिए क्या ये पूरा का पूरा परफेक्ट है, एकदम अच्छे से समझ में आया है ना, और आप प्रेजेंटेशन बस अच्छे से करना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, फुल नंबर मिलेंगे। बोलो क्या ये समझ में आ गया, एकदम अच्छे से, सिंपल था। यहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट पूछा, इसलिए हमने सिर्फ स्पेक्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया। डन, तो यहां तक सारा हो चुका हमारा। अब एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये छोटा, ये दो छोटा छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपका हम सीधा आ जाएंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में, FRA खत्म ही होने वाला हमारा। चलिए अब हम फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हम देखते हैं फिनकॉर्प जो है उसने 6/9 FRA लिया 100 करोड़ में, 5.25%, मतलब मैंने 6/9 FRA का एग्रीमेंट कर लिया 5.25% में तीन महीने के लिए। फिक्सिंग डेट मतलब वो छठा महीना आ गया जिस दिन आपको फिक्स करना है, मतलब जिस दिन आपको क्या करना, सौदा काटना है। फिक्सिंग डेट में आपका माइबोर का रेफरेंस रेट दिया हुआ है 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ, हम कौन सा लेंगे। देखो हमने तीन महीने का पीरियड का बोरो किया था FRA, तो तीन महीने का पीरियड का तो इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे, तो तीन महीने का पीरियड क्या होगा, ये देखिए पीरियड लिखा हुआ है ना, ये वाला होगा 5.5%। तो आपने बोरो किया कितना, 100 करोड़, 5.25% और 360 डेज है यहाँ। अब आपको बता दूं आईसी ने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने ये बोला 6/9 FRA, हालांकि डेट दिया हुआ नहीं तो डेज का कोई मतलब नहीं है, देखा जाए तो आप सीधा 90/360 लिख सकते हो यहाँ पर। बट आईसी ने क्या किया वो मैं बता देता हूँ, आईसी ने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने बोला कि आपका ये 6/9 FRA, 6/9 FRA मतलब अप्रैल में जून जुलाई का सितंबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात कर रहा है, अक्टूबर में होता है 31 डेज, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में
31 डेज, तो 92 डेज उस हिसाब से पकड़ के लिया है। मतलब मैंने बोला ना कभी कभी ये आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स पढ़ाते हैं, 92 बाय 360, मतलब इतना डीप सोचो आप कि कौन सा महीना हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो सकता है, उस हिसाब से इन्होंने कराया। बट खैर मैंने आपको बता दिया आईसीए ने क्या किया। अब इन्होंने पूछा क्या हमसे, इन्होंने पूछा कि प्रॉफिट और लॉस बताइए टीएम फिनकॉर्प का इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट में 1% होता है। तो यहाँ पर देखिए 5.25 में सौदा किया था, बोरो किया था, अब सौदा काटेंगे इन्वेस्ट करेंगे 5.5 में, यानी 0.25% का फायदा हो रहा है पर एनम के हिसाब से, 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट, हमें पर एनम में बताना, हम बताएंगे 25 बेसिस पॉइंट, बस बात खत्म, 25 बेसिस पॉइंट हो चुका, बस बात खत्म। अब सेटलमेंट अमाउंट तो सिंपल है, मैंने कहा ना 100 करोड़ का 5.25%, ये आईसीए ने 92 बाय 360 लिए, आप चाहो तो ले सकते हो। सौदा काटेंगे कैसे, इस रेट 100 × 5.5% 90 बाय 360, तो आपका गेन आएगा इतना, गेन को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है, कितना महीना बैक 6 बनाई ने, तो 3 मंथ्स बैक कौन से रेट से आएगा, इसी रेट से आएगा, है ना, यहाँ पर भी 92 बाय 360 लिए, तो आप आईसी के हिसाब से 92 बाय 360 ले सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया, 90 भी ले सकते हैं आराम से, बट आईसी ने जो सोल्यूशन किया वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आईसीए बहुत आजकल गंद मचा रही है बहुत सारी जगह पेपर चेकिंग वगैरह के मामले में। हेलो सर, आपको देखकर बहुत अच्छा फील आता है, गुड वाइब्स आती है, थैंक यू सो मच मनु जी। यस विशाल जी, अगर फाइनल सेटलमेंट लिखा हुआ रहा तो हमेशा आप स्पेक्यूलेशन एज्यूम करोगे। प्रियांशु जी कह रहे सर अब अमेजिंग टीचर हो, थैंक यू सो मच प्रियांशु जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी फटाफट कराता हूँ मैं। टू कंपनीज एबीसी एंड एक्सवाईजेड अप्रोच द डीएफ बैंक फॉर एफआरए के लिए अप्रोच कर रहे हैं, दे वांट टू बोरो ए सम ऑफ रुपीस 100 करोड़ आफ्टर 2 इयर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी ये 2/3 एफआरए हो गया, 2/3 एफआरए, क्योंकि 2 साल के बाद 1 साल के लिए, यानी 2 साल से लेकर 3 साल तक का एफआरए हो गया, इसे हम कहेंगे 2/3 एफआरए। तो 2/3 एफआरए यहाँ पर इनको चाहिए। बैंक हैज कैलकुलेट यील्ड कर्व ऑफ बोथ द फॉलोइंग, यहाँ पर देखो 1 ईयर का जैसे लाइबोर होता है, 1 ईयर का लाइबोर दिया हुआ है, 2 ईयर का लाइबोर दिया हुआ है, 3 ईयर का लाइबोर, लाइबोर नहीं बोलेंगे रेफरेंस रेट जो है ये दिया हुआ अलग अलग, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का, इधर भी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का दिया हुआ है। एक बार इसी में स्टिक रहते, एक बार इसको भूल जाते, एक बार इसमें स्टिक रहते, आप बताइए ये क्या, ये परसेंटेज पर एनम है, ये भी परसेंटेज पर एनम है, ये भी परसेंटेज पर एनम है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात बस मुझे आपको बताना है, अगर 6 मंथ्स लाइबोर आपका दिया हुआ है 10%, तो मानते हैं 10% पर एनम कंपाउंडेड 6 मंथ्स मानते हैं, हम मानते हैं कि इसमें 6 मंथ्स की कंपाउंडिंग, अनलेस एनुअली कंपाउंडेड लिखा हुआ है, तो 6 मंथ्स का मतलब 6 मंथ्स कंपाउंडिंग है। आप बोलोगे 12 मंथ्स मतलब 12 मंथ्स कंपाउंडिंग, लेकिन अगर आपको कोई बोले 2 ईयर का रेट दिया हुआ है, 2 ईयर का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, तो ये पर एनम 1 साल का रेट दिया हुआ है, ये कभी भी कंपाउंडेड 2 ईयर्स हो ही नहीं सकता, इन्हें कंपाउंडिंग 1 ईयर से ज्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए आप, ये जो 2 ईयर्स का दिया हुआ है ना पर एनम, ये कंपाउंडेड एनुअली होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप पुराना से रिलेट करोगे सर, वहां पर तो 6 मंथ्स में आपने 6 मंथ्स कंपाउंडिंग पकड़ा था, यस पकड़ा था, 9 मंथ्स में भी 9 मंथ्स कंपाउंडिंग पकड़ना, सीधा × 9/12 करना, 10 मंथ्स में भी सीधा × 10/12 करना, बट जब 1 ईयर से ज्यादा पीरियड की बात आती है तब वो एनुअली कंपाउंडिंग ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मुझे 2/3 एफआरए निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, इफेक्टिव 2 इयर्स का इंटरेस्ट रेट फैक्टर चाहिए, इफेक्टिव 3 इयर्स का इंटरेस्ट रेट फैक्टर चाहिए, तभी तो 2/3 एफआरए निकलेगा। तो 2 इयर्स का रेट है 4.2%, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 रुपया बोरो या इन्वेस्ट करूँ तो 2 साल के बाद वो कितना बनेगा, 1 × 1.4, मैं बोलूँगा 1 + 4.2% + 4.2% 2 बार करूँगा, यदि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1.042 to the power 2 होगा, और 3 साल का अगर आप बोलोगे तो 1.0448 to the power 3 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड में 4.2% दिया हुआ है ना, ये होगा 1.042 to the power 2, 4.48% 3 इयर्स का दिया हुआ है, ये होगा 1.0448 to the power 3, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा आपका यहाँ पर, तो आपका फैक्टर आ गया, ये 2 इयर्स का है, ये 3 इयर्स का है, तो 2/3 एफआरए क्या होगा, 3/2 डिवाइड करेंगे, है ना, बड़ा से छोटा, तो ये तो पहले बता दिया था, डिवाइड बाय दिस, ऐसे करके 5.04% आ गया। सेम इसी तरीके से एबीसी लिमिटेड का भी आप निकालोगे, एबीसी लिमिटेड का 2 इयर्स का 1.0548 to the power 2 ये वाला आएगा, 1.0578 to the power 3 ये वाला आएगा, और इसको आप 1.1836 डिवाइड बाय 1.1126 करोगे, आपका 6.38% आ गया। यहाँ पर पहले वाले केस में पूछा ही इन्होंने आपसे ये,
कि आप 2/3 FRA बताइए कि कितना कोट करना चाहिए। तो थ्योरिटिकली हमने बता दिया 2/3 FRA XYZ में 5.04% होगा और ABC में 6.38% होगा। ये तो हो गई बात खत्म। ये आपकी किस चीज की बात थी? FRA की बात थी। अब नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट रेट गारंटी, जो कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन की बात करें। आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव्स के अंदर भी पढ़ा था। डेरिवेटिव्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जब हम ऑप्शन लेते हैं ना, तो वहां पर हमारे पास राइट होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। यानी जो ऑप्शन होल्डर होता है उसके बाद राइट टू कॉल, उसके पास राइट टू कॉल रहता है या राइट टू पुट रहता है, मतलब राइट टू बाई या राइट टू सेल रहता है। वैसे यहाँ पर भी आपका देखिए क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट रेट गारंटी लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट गारंटी मतलब हमें गारंटी मिलेगी, मतलब ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन गारंटी एक ही चीज होगी, हमें गारंटी मिलेगी, हमें ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट रेट पे। हमें इसके लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था डेरिवेटिव्स में कि हम अगर राइट खरीदना चाहते हैं तो हमें प्रीमियम भरना होता है, तो राइट खरीदने के लिए हमें 0.1% प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। देखिए, सपोज बैंक ऑफर इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर ए प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड इफ इंटरेस्ट रेट इन टू ईयर्स टर्न्स आउट टू बी 4.5, 5.5। ये बात किसकी कर रहा है? एक्स वाई जेड की बात कर रहा है। एक्स वाई जेड ये वाला हो गया। तो हमें यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लो आपने गारंटी ले लिया इतना प्रीमियम भर के, स्ट्राइक रेट नहीं बताया। स्ट्राइक रेट कौन सा होगा पता? जो थ्योरिटिकली एक्स वाई जेड का निकाला था ना 2/3 FRA, यानी 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स तक के लिए, यानी 2 ईयर्स के बाद 1 साल हम इस रेट पे बोरो कर सकते, इसकी हमने गारंटी ले ली। इस रेट पे बोरो करने की हमने क्या कर ली? गारंटी ले ली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 4.5% हो जाएगा, ठीक है, हमसे पूछा गया कि इंटरेस्ट पेबल एक्स वाई जेड को एफेक्टिवली कितना पैसा देना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एफेक्टिवली इसका इंटरेस्ट पेबल कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने 5.04% में FRA बोरो करने का एग्रीमेंट नहीं किया है, ऑप्शन लिया है, फर्क है। यहाँ पर देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर हमने एग्रीमेंट किया था कि बोरो करना ही पड़ेगा, राइट के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी था। अगर कम होता तो नुकसान, ज्यादा होता तो फायदा, वो हमने देखा था। यहाँ पर FRA एग्रीमेंट नहीं, यहाँ पर ऑप्शन लिया आपने FRA में, इंटरेस्ट रेट की गारंटी ली है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक्साइज करना FRA को, चाहो तो FRA को लैप्स करवा देना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने 5.04% में मान लीजिए ऑप्शन खरीदा है बोरो करने का, अगर 4.5% होगा तो आप बताइए क्या आप 5.04% का ऑप्शन को एक्साइज करोगे कि लैप्स कराओगे? आप मुझे बस इतना बताइए। हम क्या पागल है कि 5.04% में जो हमने सौदा किया है बोरो करने का, वो हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, उसको लैप्स करवा देंगे हम यहाँ पर? तो पॉइंट इसमें तो क्या होगा, आपका जो ऑप्शन है ना वो लैप्स हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। आपका एफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा पता है? इंटरेस्ट रेट पड़ेगा एक तो 4.5% आप मार्केट में रियल में बोरिंग करोगे ये आपका पड़ेगा, और एक आपने 0.1% का जो इंटरेस्ट दे दिया ना वो आपका पड़ेगा। यानी यहाँ पर मेरा एफेक्टिवली कॉस्ट कितना पड़ेगा? 4.6% पड़ेगा। बताइए कि आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो, आप मुझे ये बताइए क्या इस बात से आप सहमत हो या नहीं हो। मैं फिर से रिपीट करूँ, मैंने सिर्फ गारंटी ली यहाँ पर, 0.1% मेरा लग चुका है, लग चुका है, ये तो लगेगा। मैंने ये बोला 4.5 होगा ना, तो वो जो गारंटी उसको मैं लैप्स करा दूंगा, मैं उसको एक्साइज ही नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा एक्साइज करके क्या मतलब है, 5.04 में बोरो का एग्रीमेंट किया है, 4.5 में इन्वेस्ट करके सौदा काटूंगा, खुद के पेड़ में कुल्हाड़ी मारना है, मैं उसको लैप्स कराऊंगा। तो 4.5 में रियल में मार्केट से बोरो करूंगा, 0.1 मेरा लगे, यानी 4.6% मेरा लगेगा इफेक्टिवली, बात खत्म। अगर 5.5 हुआ तो देखिए रियल में तो मुझे 5.5 में बोरो करना पड़ेगा, मेरा लगेगा, और 0.1% भी मेरा प्रीमियम का लगेगा, लेकिन इस बार मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ऑप्शन को एक्सरसाइज कराऊंगा। मैं इस बार कैसे एक्सरसाइज कराऊंगा? मैं बोलूंगा 5.04 में देख बोरो करने का एग्रीमेंट था, अब तो 5.5 हो चुका, 5.5 में इन्वेस्ट करके सौदा काटूंगा, मतलब 0.46% का फायदा है मेरा। तो 0.46% का मेरा फायदा यहाँ पर -0.46%, यानी मेरा इफेक्टिवली कितना लग रहा आप देख लीजिए, 5.5 + 0.1 = 5.6 - 0.46, मेरा 5.14% एफेक्टिवली लगा। वही चीज मैंने देखिए यहाँ पर प्रेजेंट की है, ये देखिए
4.5% होगा, लैप्स करवा दीजिएगा, इसमें एक्सरसाइज कराएगा। इंटरेस्ट बैंक को तो देना ही पड़ेगा, तो रियल में आपको बोरिंग तो करनी है, तो रियल में जो भी रेट होगा 4.5, 5.5 ये तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 4.5 करोड़, 5.5 करोड़ ये आपको देना ही पड़ेगा रियल में, वैल्यू वाइज अगर मैं आपको बताऊँ। और आपका जो है प्रीमियम का खर्चा भी आपका दोनों मामले में लगेगा, ये दोनों तो सेम ही है, 4.5, 5.5 लगेगा ही, प्रीमियम भी आपका कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, वैल्यू वाइज लिख देना, है ना, 100 करोड़ का है ना टोटल अमाउंट, ये रहा वैल्यू वाइज लिख देना आप यहाँ पर। और आपका पे ऑफ जो है 4.5 में तो आपने लैप्स कर दिया, और यहाँ पर आप एक्सरसाइज करोगे तो 0.46% जो अभी हमने निकाला था ये हमें मिलेगा, ये इनफ्लो है आपका, ये इनफ्लो है, तो अल्टीमेटली नेट आउटफ्लो आपका इन दोनों में ये लग रहा है। तो हमने बता दिया नेट आपका क्या लगेगा, यहाँ 4.6 लगेगा, यहाँ 5.14 लगेगा नेट आपका। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, अगर गिरेगा तो बेनिफिट है, गिरने का बेनिफिट मिलेगा, बढ़ेगा तुम्हारा 5.04 ही लग रहा है, प्लस 0.1% का प्रीमियम, मैंने 5.14 उससे ज़्यादा कभी लग ही नहीं सकता, कितना ही बढ़ जाए। तो क्या ये भी क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट फ्यूचर समझाऊंगा, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर समझाऊंगा, फिर इसके बाद में आपको इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के अंदर कैप फ्लोर समझाऊंगा मैं आपको, और फिर स्वैपिंग समझाऊंगा, फिर खत्म, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, स्वैपिंग समझाऊंगा उसके बाद, और उसके बाद कुछ नहीं, एक स्वैप्शन है वो भी स्वैपिंग का हिस्सा, एक चीपेस्ट टू डिलीवर, एक चीपेस्ट टू डिलीवर वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है 5 से 10 मिनट का, वो समझाऊंगा, फिर खत्म ही हो जाएगा हमारे चैप्टर, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। तो चलिए क्या अभी हम इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ही नहीं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में आ जाए, अब हम तब तक मैं पानी मंगवा लेता हूँ, तब तक मुझे ये बताइए अभी तक कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आया, कितना समझ में आया मुझे ये बता दीजिए, अभी तक पानी मंगवाता हूँ। बताओ मुझे फटाफट से, पानी दे रहा हूँ, क्लास स्लो जा रही तो भी बता दो, मैं स्पीड पकड़ लूंगा, अगर सही जा रही तो भी बता दो। यस सर मजा आ रहा है, कुछ कुछ में थोड़ा फास्ट लग रहा है, उसको पॉज करके फिर से देख ले रही हूँ फटाफट। चलो बहुत बढ़िया सर, अब ग्रेट हो, ऐसा चैप्टर इतना इजीली समझा रहे हो सर, कॉफ़ी भी मंगवा लो, आज कॉफ़ी नहीं पिया, आज क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, छोटी है ना, तो इसलिए आज कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। यू आर वेरी गुड इन कंसेप्ट, नाइस, थैंक यू, स्पीड इज़ फाइन, यस सर सर समझ में आ रहा है, 100% अंडरस्टैंडिंग विथ 200% मजा, चलो ये तो चाहिए हमें, मजा ही तो चाहिए हमें, नहीं सर अभी की स्पीड ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है, थैंक यू सो मच गुरु जी सर। 5.4 माइनस क्यों नहीं किए, 0.46 माइनस किए, एक ही बात है, आउटफ्लो निकाल रहे हैं, आउटफ्लो को पॉजिटिव में रख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल तो आउटफ्लो होना है ना, इसलिए 5.4 आप माइनस पे रख के उसको प्लस रख सकते हो, बात एक ही है। यहाँ जी बोले ऑलवेज हैड योर रिकॉर्डेड सेशन, इट्स माई फर्स्ट लाइव सेशन विद यू एंड आई एम लविंग द लाइव सेशन, थैंक यू सो मच स्नेहा खंडेलिया जी। लता जी बोरी इट्स वेरी बैड दैट वी हैव ओनली वन लाइक ऑप्शन, हाँ ये बात भी है ना सर, AFM थ्योरी करवा दीजिए रिवीजन, हाँ AFM की थ्योरी जो 5 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका रिवीजन कराने का प्लान तो कर रहा हूँ, नहीं प्लेन पानी है, कोकोनट वाटर नहीं है ये, 1000% सेटिस्फेक्शन ये प्रतीक सर की गारंटी है, यस ये तो मेरी गारंटी है, इट्स फन टू लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू सर, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें FRA के साथ साथ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर दोनों का कंसेप्ट है, दोनों आपको फटाफट करा दूंगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, चलिए फटाफट से करते हैं। इलेक्ट्रा सीबीएस इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक होलसेल है, द बिजनेस ऑफ द फर्म इज हाईली सीजनल इन नेचर, इन 6 months ऑफ ए ईयर फर्म का है ह्यूज कैश डिपोजिट रहता है, एंड स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम एंड अदर 6 months फर्म का कैश क्रंच रहता है, लीडिंग टू बोरिंग ऑफ मनी टू कवर अप इट्स एक्सपोजर फॉर रनिंग द बिजनेस, मतलब पूरे साल भर में 6 महीना कैश अच्छा खासा पड़ा रहता है और अगला 6 महीना कैश क्रंच रहता है, तब इन्हें बोरोइंग की भी जरूरत पड़ती है, इनको बोरो करना पड़ता है पैसा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट फर्म्स विल बोरो
सम ऑफ यूरो 15 मिलियन फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन इन अबाउट 3 मंथ्स. जो एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन क्या है, इसका मतलब है 6 महीने का स्लैक सीजन है ना, ऊपर बोला है जो 6 महीने का पीरियड होगा, 6 मंथ्स पीरियड होगा ये. और ये कब आने वाला है, 3 महीने के बाद आने वाला है. तो आप बताइए 3 महीने के बाद हमें 6 महीने के लिए बोरो करना है, तो एफआरए क्या होगा, 3/9 एफआरए होगा. देखिए इन्होंने घुमाने के लिए 3/6 एफआरए भी दिया, ये आपके लिए कोई काम का नहीं है, समझ में आया. 3/9 एफआरए आपको चाहिए 3 महीने के बाद 6 महीने तक के लिए, यानी 3 महीने से लेकर 9 महीने तक 3/9 एफआरए ये होगा. तो हम क्या करेंगे, 3/9 एफआरए में बोरोइंग का एग्रीमेंट कर लेंगे 5.94% में, बात खत्म. 5.94% में हम क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे यहाँ पर. अब ये लाइन में आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है. आपको यहाँ पर पूछा गया यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हाउ वे एफआरए सेल बी यूजफुल इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स टर्न्स आउट टू बी 4.5-6.5%. बोले एफआरए कितना यूजफुल होगा ये बताइए. यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ आपको स्पेकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूँ. ये स्पेकुलेशन ही, यहाँ पर आप पूरा हैजिंग ही करते हैं आई थिंक. यस, इन्होंने हैजिंग करके बताया, बट यहाँ पर ये बता रहे कि एफआरए कैसे यूजफुल होगा. यहाँ पर तो नेट सेटलमेंट पूछा था, यहाँ जब भी फाइनल सेटलमेंट नेट सेटलमेंट वगैरह पूछे तब आप स्पेकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना. यहाँ पर बोले एफआरए कैसे आपको मदद करेगा, तब हम पूरे हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे. तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैंने 5.94% में एग्रीमेंट कर लिया बोरो करने का और बाद में 4.5% हो गया, तो क्या होगा, एफआरए में मेरा नुकसान होगा कि नहीं होगा? यस, क्योंकि 5.94% में मैंने बोरो किया है, बाद में इन्वेस्ट करूंगा सौदा काटने के लिए किसमें, 4.5 में, तो मेरा एफआरए में 1.44 का नुकसान होगा. एफआरए में 1.44 का मेरा नुकसान होगा. और रियल में मैं बोरोइंग कितना में कर पाऊंगा, रियल में बैंक से मैं बोरोइंग कितना में कर पाऊंगा, 4.5 में बोरो कर पाऊंगा. तो ये भी आउटफ्लो, ये भी आउटफ्लो, यानी मेरा इफेक्टिवली देखिए 5.94% ही लगेगा मेरा इफेक्टिवली. अगर 6.5% हो गया, 5.94 में बोरो किया था, 6.5 में इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे, यानी 0.656% का मेरा फायदा हो रहा है. कितने का, 0.56%, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, बोरो 5.94, 6.5 में इन्वेस्ट, यानी आपका 0.56, मैंने एकदम सही बोला है, इसका आपका फायदा होगा. और अब रियल में मार्केट से आप कितने में बोरो करोगे, 6.5 में बोरो करोगे, 6.5 में बोरो करेंगे, 0.56 का हमारा गेन आ रहा है उधर एफआरए में, अल्टीमेटली 5.94% ही हमारा इफेक्टिवली कॉस्ट लग रहा है. तो वही आंसर है, इफेक्टिवली आपका 5.94% ही लगने वाला दोनों जगह पे. बस इसको प्रेजेंट कैसे करना वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ. देखिए एफआरए में अगर इंटरेस्ट रेट 4.5% हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट 6.5% होगा क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, हमने एफआरए में एग्रीमेंट कर रखा हुआ है कितना, 3/9 एफआरए में 5.94% में कितना पैसा, 50 मिलियन यूरो का. तो हम बोलेंगे बोरो एफआरए 50 मिलियन यूरो 5.94% 6 महीने का पीरियड 6/12. इधर भी बोरो एफआरए 50 मिलियन 5.94%, ये लाइन तो दोनों में सेम ही है क्योंकि एफआरए हमने बोरो किया. अगर 4.5 हो गया तो इसमें सेटल करेंगे, इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे. ये देखिए तो हमारा इतना इन्वेस्ट का ये इनफ्लो है, तो आपका देखिए ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है आपका, अल्टीमेटली लॉस आ रहा है आपका, आउटफ्लो आ रहा है आपका 3,60,000 यूरो का आउटफ्लो आ रहा है. और एक्चुअल में जब हम बोरो करेंगे तो एक्चुअल में हमारा कॉस्ट कितना लगेगा, 50 मिलियन यूरो, हम एक्चुअल जो 4.5% उसमें मार्केट से बोरो कर लेंगे, हमारा इतना कॉस्ट आ रहा है. तो दोनों जगह का मिला के हमारा कॉस्ट जो है वो इतना आ रहा है, किस पे, 50 मिलियन यूरो पे. तो हम रेट निकाल रहे हैं, हम बोलेंगे इतना आपका कॉस्ट आ रहा है 50 मिलियन यूरो पे इंटू 100 पर एनम बताना, इंटू 12/6 कर दिया 5.94%. मैंने पहले आपको मुंह से जो बोला था वो परसेंटेज वाइज बोले, यहाँ पर वैल्यू वाइज कर रहे, बस इतनी सी बात है. आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर देखिए 5.94 में बोरो है, 4.5 में इन्वेस्ट है, मतलब इतना परसेंट का नुकसान है और यहाँ पर इतना परसेंट का आउटफ्लो है. तो ये दोनों मिला के देख लीजिए 5.94% का आपका आएगा कॉस्ट इफेक्टिवली. और इधर भी अगर आप देखोगे 5.94 में बोरो किया, 6.5 में आपने इन्वेस्ट किया, वैल्यू वाइज हमने बता दिया इतने का हमारा गेन आ रहा है इस बार, यहाँ पर ये हमारा गेन आ रहा है. तो इतना हमारा परसेंटेज वाइज गेन है जो मैंने आपको बताया भी था. और एक्चुअल में कॉस्ट 6.5 लगेगा, तो 6.5 का आउटफ्लो है, गेन इनफ्लो हो गया, अल्टीमेटली 6.5 माइनस 0.56 इतने का आपका कॉस्ट है. अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर कॉस्ट को पॉजिटिव में रखा है, फायदा को मैंने ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्टीमेटली कॉस्ट ही निकालना है. एक जन ने डाउट पूछा था, तो अब देखिए वैल्यू वाइज हमने निकाल लिया, यहाँ पर इतना गेन आ रहा है और इधर बोरिंग करने पर इतना इंटरेस्ट का आउटफ्लो होगा, अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट आपका इतना आ रहा है, क्योंकि ये माइनस पे रहेगा, ये प्लस पे रहेगा,
अल्टीमेटली परसेंटेज निकाल लिया। बताओ क्या एफ आर ए का क्वेश्चन नहीं कर सकते आप? बोलो, आप खुद बोलो मुझे, कितना सिंपल है क्वेश्चन। इससे ज्यादा सिंपल आप क्या उम्मीद करोगे सीए फाइनल में, मुझे बताइए। इससे भी ज्यादा कोई सिंपल की उम्मीद रखता है क्या, मुझे बताइए। 3/9 एफ आर ए, मैंने कुछ गलत थोड़ा ना लिखा कहीं पर, ठीक है तो लिखा 3/9 एफ आर ए तो लिखा सही है। बोलो क्या समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आए तो अब फाइनली हम जाएंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की तरफ। ये बहुत सिंपल है, बस ये भी वैसे ही करना है। बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात मेरे दिल पे है जो मुझे आपको बता, ठीक है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बोलो, तब तक मुझे फटाफट से बताइए। एक तो लाइक ठोक के बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और दूसरा नहीं समझ में आया तो डिसलाइक ठोको, एंड तीसरा अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एल डी आर में रखना है क्वेश्चन। देखो एलडीआर बताने की जरूरत नहीं, देखो ना जहां पर ये डबल दिया हुआ है ना ब्लू बुलेट मेरे क्वेश्चन में, वही एलडीआर है। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर एलडीआर बताइए, एलडीआर बताइए, जो डबल दिया हुआ यही एलडीआर है, और जो सिंगल दिया हुआ वो मिनी एलडीआर है। क्लियर है? चलिए अभी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है फॉरवर्ड तो है, ओवर द काउंटर होता है, हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था। फ्यूचर्स आपका एक्सचेंज ट्रेडर होता है, ट्रेडेड होता है, वहां पर लॉट साइज वगैरह होता है। फॉरवर्ड में कोई लॉट साइज वगैरह नहीं होता, वो ओवर द काउंटर होता है, पार्टी टू पार्टी हो जाता है, हम दो भी आपस में कर सकते हो। पर फ्यूचर एक्सचेंज में होता है, वहां पर लॉट साइज वगैरह ये सब सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज है उसका मैं डिटेल में भी कंसेप्ट नहीं बताने वाला, वो मैं रेगुलर क्लास में खोल के बता दो तो अभी बताऊंगा, आधा घंटा लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अभी बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 3 months फ्यूचर जो दिया हुआ है, 3 months आपका लॉट साइज है यूरो 50,000 का, आपका 3 months फ्यूचर दिया हुआ है मैच्योरिंग इन ए पीरियड ऑफ 3 months, हमें तो 6 months पीरियड का मैच्योरिटी चाहिए, मतलब हमें चाहिए 3/9 का फ्यूचर्स। आपको पता है ये क्या दे रहे हैं, 3/6 का फ्यूचर दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर 3/6 का फ्यूचर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर हम क्या करें, चैलेंज हमारे लिए क्या है, हम बोलेंगे भाई हमें तो 6 महीने का पीरियड का हेजिंग करना है, आप तो मैं 3 महीने का पीरियड का दे रहा हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे, 6 महीने का होगी। जैसे कि अगर आपको 6 महीने के लिए 50 मिलियन, कितना था यहाँ पर क्वेश्चन, 50 मिलियन यूरो आपको हैच करना है 6 महीने के लिए, आपको मिल रहा है 3 महीने का ही फ्यूचर, तो आप क्या करोगे, आप 3 महीने का फ्यूचर मिल रहा है ना, हमको 6 महीने का चाहिए, तो 3 महीना + 3 महीना 6 महीना होता है, तो हम 50 मिलियन को डबल कर देंगे 6 महीने के लिए। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 50 मिलियन यूरो हम 6 महीने के लिए करना चाहते थे, बट हमें 3 महीने का ही मिल रहा है, तो 3 महीने का मिल रहा है इसलिए 2 50 मिलियन 50 मिलियन 2 हो जाएगा, 3 महीने का 2 हो जाएगा, मतलब 6 महीने का ओवरऑल 100 मिलियन हो जाएगा। इसको मैंने डिटेल में ऐसे तो क्लास में समझाया था, अभी इतना समय नहीं है, अभी समय की पाबंदी है, तो अब एग्जाम के लिए याद रखिएगा, आपका टाइम पीरियड के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 5 महीने का फ्यूचर चाहिए 50 मिलियन यूरो का, मान लीजिए आपको 2 महीने का फ्यूचर मिला हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे अब क्या करोगे, 50 मिलियन यूरो ठीक है डिवाइड बाय 2 × 5 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, यानी आपका अराउंड 125 मिलियन का आपको हैच करना, आप पीरियड के हिसाब से आप बढ़ा दीजिएगा अगर पीरियड शॉर्ट है तो, इतना ही बताऊंगा, आई थिंक इतना सफिशिएंट है ना बताने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ फ्यूचर हमें शॉर्ट करना है कितना, मैं शॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ आपको मैं बताऊंगा। आप बोलोगे सर फ्यूचर में भी तो बोरो करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में आपका प्राइसिंग होता है, वैल्यूज होता है, वहां पर इंटरेस्ट रेट्स नहीं होता, तो वो मैं बता दूंगा शॉर्ट का मतलब। अभी बस इतना समझिए यूरो 50 मिलियन 3 महीने का फ्यूचर है, इसलिए हम इसे 100 मिलियन यूरो हम शॉर्ट करें। लॉट साइज आपका दिया हुआ है यहाँ पर 50,000, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, 100 मिलियन यूरो का हमें फ्यूचर शॉर्ट करना है, लॉट साइज 50,000 यूरो का दिया हुआ है, तो 100 मिलियन यानी कितना होता है 1,000 लाख होता है, है ना। Yes, 100 मिलियन यानी 1,000 लाख होते हैं, तो 1,000 लाख आपका डिवाइड बाय 5,000 यानी 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हम एंटर करेंगे। अब मुझे आपको एक अच्छी चीज बतानी है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5.85%। मेरी बात ध्यान से सुनो, आंसर ऐसे भी निकल सकता है 5.85% में अगर आप बोरो करोगे कितना, 100 मिलियन यूरो, ध्यान रखना 100 मिलियन यूरो, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। आप बोले सर ये क्या लिख रहे हो 3 महीना, सर आप गलत करो, सर अब 3 महीने क्यों लिख रहे हो, 6 महीना लिखे, नहीं ये फ्यूचर 3 महीने का है, इसलिए तो 50 की जगह 100 मिलियन बनाया था, इसी वजह से तो 50 को 100 मिलियन बनाया था, क्योंकि 3 months का फ्यूचर है, तो 100 मिलियन इस रेट पे होगा 3 months का। हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे,
बाद में 4.5 हो गया, तो 4.5 में इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे। तो आप बताइए हमारा इफेक्टिवली फ्यूचर में नुकसान हुआ, क्योंकि बोरो क्या था 5.85% में, इन्वेस्ट करेंगे 4.5% में, हमारा नुकसान कितना हुआ 1.45% का हमारा नुकसान हुआ। आपको दिख रहा होगा 1.45 का नुकसान हुआ हमारे यहाँ पर, और इसके साथ साथ हमारे एक्चुअल में हम 4.5% में मार्केट से बोरो करेंगे, तो एफेक्टिवली हमारा कितना लगेगा 5.95% ही लगेगा हमारा एफेक्टिव, वही होने वाला है एफेक्टिवली वही लगेगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हम ये रेट का इस्तेमाल नहीं करते फ्यूचर में, फ्यूचर में हम इस्तेमाल करते वैल्यू का। आपको याद होगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपने पढ़ा था, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस गिरता है, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो प्राइस बढ़ता है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सोचना है। जैसे अगर आपको यहाँ पर देखिए 5.85% में इन्होंने प्राइस दिया हुआ 94.15, 5.85% में आपका प्राइस दिया हुआ 9.85, 94.15, ये कैसे लिखा पता है 100 - 5.85 कर लीजिए, या फिर आप 100 - 5.85 आप करोगे 94.15, तो ये प्राइस होगा। फिर अगर मान लीजिए आप बोलोगे सर अगर प्राइस 6% दिया हुआ रहता, रेट अगर 6% दिया हुआ रहता तो प्राइस कैसे निकालते हैं 100 - 6 94 बोलते हैं। अगर आपका रेट 8% दिया हुआ रहता तो हम कैसे लिखते हैं 100 - 8 92 लिखते हैं हम यहाँ पर। इस प्रकार से हम ये करेंगे। तो एक प्राइस मैंने आपको समझा दिया, अब शॉर्ट वगैरह की बात समझा देता हूँ, शॉर्ट करना है कि क्या करना है, मेरी बात सुनो। आप फ्यूचर में सेटलमेंट फ्यूचर में हैजिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको रेट बढ़ने का डर, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको डर किस चीज का, रेट बढ़ने का। फिलहाल 5.85% है, आपको डर है कि कहीं रेट बढ़ ना जाए, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो ऊंचा रेट में आपको बोरो करना पड़ेगा। तो आप यहां पर मेरी बात सुनो, रेट बढ़ने का डर है इसलिए आपने 5.85% में बोरो किया था, ताकि बढ़ जाएगा तो बढ़ा हुआ रेट में इन्वेस्ट करके हम कमा लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है, और आप देखिए इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ के मान लीजिए 6% हो जाएगा, तो जो प्राइस यहाँ पर 94.15 है वो आपका 94 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्राइस गिरने का डर है कि बढ़ने का डर है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 5.85% में आपका है 94.15, 5% में होगा आपका 95, 6% में आपका होगा 94। मुझे आप बताइए, आपको रेट तो बढ़ने का डर है, रेट बढ़ने से आप देखिए प्राइस गिर रहा है, रेट बढ़ने से प्राइस गिर रहा है, तो रेट बढ़ने का डर है मतलब प्राइस गिरने का डर है, सिंपल सी बात। वैसे भी रेट और प्राइस तो अपोजिट रहता है, रेट बढ़ने का डर है मतलब प्राइस गिरने का डर है। जब प्राइस गिरने का डर होता है तो फ्यूचर्स बाई करते हैं कि सेल करते हैं, मेरा बस ये सवाल का जवाब दे दीजिए, बस बात खत्म। अगर प्राइस गिरने का डर होगा तो आप फ्यूचर को बाई करोगे कि सेल करोगे, मैंने डेरिवेटिव्स में पढ़ाया था। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर्स बाई कीजिए, अगर आपको लग रहा है प्राइस गिरेगा तो फ्यूचर सेल कीजिए। बताया था स्ट्रॉन्ग बिलीव या अफ्रेड की बात बोल दो, अगर आपको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर बाय कीजिए, अगर आपको लग रहा है प्राइस गिरेगा, डर है या लग रहा है गिरेगा, तो फ्यूचर सेल करोगे। अब यहाँ पर तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है कि कहीं प्राइस गिर ना जाए, इसलिए तो हम सौदा करना चाहते, तो यहाँ पर हम फ्यूचर क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। उससे ज्यादा मैं अभी रिविजन में आपको नहीं बताने वाला। तो अब आप आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको प्राइस गिरने का डर है, फ्यूचर सेल करोगे, शॉर्ट करोगे, इसलिए मैंने ये शॉर्ट शब्द लिखा है यहाँ पर। तो मतलब हम यहाँ पर रेट से नहीं खेलेंगे, हम यहाँ पर प्राइसिंग से खेलेंगे। तो देखिए केस ए में 4.5% हो जाना मतलब 95.5 की वैल्यू, और इधर 6.5% हो जाना मतलब 93.5 की प्राइसिंग। यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंटेशन कैसे आपको करना, हालांकि एंड में ये लोग परसेंटेज में आ रहे कहीं ना कहीं घूम के, मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5.85% में फ्यूचर्स बोरो करेंगे, फ्यूचर्स बोरो करेंगे मतलब फ्यूचर सेल करेंगे प्राइस में 94.15 में फ्यूचर सेल करोगे। तो अब देखिए हम यहां पर सेल करेंगे 3 मंथ्स फ्यूचर, क्योंकि 3 महीने का फ्यूचर है, 3 मंथ्स फ्यूचर सेल करेंगे 94.15 में। देखिए दोनों जगह हमने तो निकाली रखा था 2000 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉट साइज 50,000, ये दोनों मिला के आपका 100 मिलियन होता है। 2000 × 50,000 आप कर लीजिए, 100 मिलियन होता आपका। तो ये आप क्या करोगे 94.15 में आप सेल करो, इधर भी आप देखिए 100 मिलियन जो है 94.15 में सेल करो। अब बाद में अगर 4.5% हो जाएगा तो आप सेल को कैसे कटोगे, बाई करके, बाई किस रेट में करोगे, ये 100 - 4.5 95.5 में हम बाई करेंगे फ्यूचर, 2000 × 50,000 95.5 में बाई किया, और इधर देखिए 93.5 में बाई किया। तो देखिए सेल का रेट छोटा है, बाई का रेट बड़ा है, मतलब लॉस
तो लॉस आपका कितना पता है, 2000 × 5000 × इनका डिफरेंस जो है ना 1.35, इसी को भी परसेंटेज लिख देते। आईसीएफ पता प्राइसिंग लिख रहे पर इसको फिर हम लास्ट में परसेंटेज ही मान लेते, तो जो भी प्राइसिंग में फर्क होगा वही आपका परसेंटेज है। और ये तो ऐसे भी आता आपका 5.85% -4.5% यानी 1.45%। इसमें ऐसे की कोई गलती नहीं, एक्सचेंज में इस तरीके से होता। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 1.35 का लॉस है यानी 1.35% का नुकसान है, और 3 महीने का ही, क्योंकि 3 महीने का ही फ्यूचर है। तो ये आप एग्जाम में स्किप मत कर देना, 3 महीना मतलब परसेंटेज जो निकालोगे प्राइसिंग से, यहाँ पर भी जो परसेंटेज निकालोगे प्राइसिंग से 3 महीना लगाना मत भूलना। तो अब आपको पता चल गया कि फ्यूचर सेटलमेंट लॉस मेरा इतना आ रहा है, 2000 कॉन्ट्रैक्ट इंटू लॉट साइज इंटू इतना परसेंटेज दोनों का डिफरेंस इंटू 3/12 लगाना मत भूलना। तो आपका इतने का फ्यूचर सेटलमेंट लॉस आ रहा है, और इधर भी फ्यूचर सेटलमेंट गेन आएगा, इधर लॉस नहीं है। देख लीजिए इधर आपका सेल का रेट बड़ा है, बाई का छोटा है, इधर आपका गेन है, ठीक है गेन है। तो गेन मेरा, गेन मतलब इनफ्लो, लॉस मतलब आउटफ्लो। अब एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट हमारा कितना लगेगा, एक्चुअल तो आपका 4.5% 6.5% ही लगेगा। तो एक्चुअल में अब आप गलती कर सकते हो, एक्चुअल में 50 मिलियन ही लेना। अब आपका दिमाग अगर हम नहीं तोड़ा होगा आप क्या गलती करोगे बताए। आप पहले बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने 100 मिलियन का लिया था, ठीक है यस, ये फ्यूचर्स कर रहा हूँ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में 100 मिलियन लेना क्योंकि 3 मंथ्स का पीरियड है, बट एक्चुअल बोरोइंग में तो हमारा क्या आएगा 50 मिलियन ही आएगा और 4-6 मंथ्स ही आएगा, है ना। ये थोड़े ना फ्यूचर में करी तो बाहर अलग से करेंगे, 4-6 मंथ्स आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल बोरिंग करेंगे 50 मिलियन यूरो, 4.5% 6/12 करके आपका ये इधर कॉस्ट लगेगा, इधर ये कॉस्ट लगेगा 6.5% में 6 महीने का। तो दोनों मिला के आउटफ्लो आउटफ्लो टोटल कॉस्ट, इधर इनफ्लो और आउटफ्लो टोटल कॉस्ट, बट बोला ना इफेक्टिवली आपका कॉस्ट दोनों में सेम ही है, और इसका परसेंटेज निकालोगे तो 5.85% ही आएगा। तो इसको मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करना देखिए। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में सबसे पहले आपको पता चल गया बोरो करना है, पढ़ने का डर है बोरो करेंगे, लेकिन प्राइसिंग है तो उसका उल्टा होता है, प्राइसिंग मतलब गिरने का डर, प्राइस गिरने का डर है मतलब शॉर्ट करना। तो यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, कितना करेंगे, 3 मंथ्स का फ्यूचर है, चाहिए 6 महीने का, तो डबल कर दो 50 मिलियन की जगह 100 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज भी 50,000, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए 2000, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉट साइज 50,000 हो गए। तो इसी का हम फ्यूचर में सेल करेंगे, किस रेट पे, 94.15 पे, ये रहा हमने किया दोनों जगह में। फिर सौदा काटेंगे 95.5 93.5 में सौदा काटेंगे, एक तरफ लॉस आ रहा है इतना परसेंटेज दोनों का डिफरेंस, एक तरफ इतना परसेंटेज लॉस गेन आ रहा है इतना परसेंटेज, 3/12 लगाना मत भूलना, आउटफ्लो इनफ्लो आ जाएगा, फ्यूचर सेटलमेंट लॉस फ्यूचर सेटलमेंट गेन आ जाएगा आपका। और फिर एक्चुअल में हमारा क्या कॉस्ट है वो देख के ओवरऑल हम इफेक्टिव रेट निकाल देंगे, और हम बोलेंगे कि इस वजह से हमारे क्या हो रहा है, FRA या फ्यूचर हो हमारा हेजिंग करने पर हमारा इफेक्टिवली 5.85% ही लग रहा है। एक लाइन है आईसे ने लिखा हुआ है, वो आप बोलोगे तो मैं डाल देता हूँ, ये देखिए दस द फर्म लॉक इटसेल्फ 5.85% में अपने आप को लॉक कर देता हूँ। तो बताइए क्या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर भी क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर क्लियर हो गया तो अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस पढ़ाने वाला हूँ। मुझे आप एक बार हरी झंडी दे दो, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया, लॉट साइज का ध्यान रखना है सर, 3 मंथ्स का फ्यूचर से 3 महीने के लिए चाहिए, तो मैं एक और बात ध्यान रखना है कि उसको डबल करना पड़ेगा, है ना। और फिर फ्यूचर्स में हम प्राइसिंग के हिसाब से लिखेंगे, बोरो मतलब सेल, सेल को काटेगा बाई, तो उसका जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वही आपका गेन या लॉस है, लेकिन बाद में परसेंटेज लगा देंगे, 3/12 भी मंथ पीरियड भी लगाना पड़ेगा। फिर उससे इनफ्लो आउटफ्लो निकाल लिया, फ्यूचर सेटलमेंट गेन या लॉस निकाल लिया, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आपका है तो उससे इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो क्या 100% आप बताइए फ्यूचर संभाल लोगे, हाँ या ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 100% फ्यूचर संभाल लोगे तो ही हम आगे बढ़ते। अब इंटरेस्टेड ऑप्शन में आपको पढ़ाऊंगा, ऑप्शन मतलब समझ जाइए, यहाँ पर आपको वन साइडेड प्यार, एक तरफा प्यार है ना, एक तरफा ही प्यार रहेगा और राइट सिर्फ रहेगा, ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। यस लेट्स ऑफ कह रहे कि हाँ सर एक बार फिर भी लिख के खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, तो जरूरी है, बिना सॉल्व कर एग्जाम में बैठोगे होगा ही नहीं। इतना ही मैं अच्छे से समझा दूँ, इतना ही ज्यादा मैं समझा दूँ आपको, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे नहीं होगा, सॉल्व तो खुद से करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो खुद से करना ही पड़ेगा, वैसा समझाने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो फास्ट हो जाएगा।
आज ही जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है करके निपटा दीजिए। तो चलिए क्या शुरू करें, शुरू करें बताओ जी फटाफट से। इंटरेस्टेड ऑप्शन स्टार्ट करें। देखिए इंटरेस्टेड ऑप्शंस में बेसिकली मैंने जैसे कहा था आपको राइट मिलता है, कोई ऑब्लिगेशन ही रहता है, और एक इंश्योरेंस की तरह आपके लिए बिजनेस को एक प्रोटेक्शन देता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या क्या होता है, कैप ऑप्शन होता है, फ्लोर ऑप्शन होता है, कॉलर होता है, कॉलर स्ट्रेटेजी होता है। मैं एक एक करके समझाऊंगा। तीन टाइप के यहाँ पर इंटरेस्टेड ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कैप ऑप्शन, फ्लोर ऑप्शन और आपका एक आ गया कॉलर स्ट्रेटेजी। ये तीनों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम कैप ऑप्शन की बात करते हैं, मैं आराम से समझाता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में फंड्स बोरो किया हुआ, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपीस बोरो किया हुआ है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में करता है तो कोई बात नहीं, अलग बात। उसमें 10% में बोरो करता तो हर साल 10% ही लगता। मान लो मैंने 10 ईयर्स के लिए फंड्स बोरो किया है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में। फ्लोटिंग रेट मतलब कोई भी रेफरेंस रेट का इस्तेमाल कर सकते हो, माइबोर वगैरह ये सब, ठीक है, फ्लोटिंग रेट में बोरो किया तो आप बताइए मुझे डर नहीं होगा। जैसे हम होम लोन वगैरह भी लेते हैं तो वहां पर फ्लोटिंग रेट लगता है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त है, उसने होम लोन लिया था, जब उसने लोन लिया था ना तब उसका 5.5% या 6% समथिंग उसका लग रहा था, बड़ा खुश था, बोले क्या है 5.5-6% में होम लोन मिल रहा है, मैंने ले लुआ के मैंने फ्लैट खरीद लिया, एकदम अच्छे से बना लिया, मैंने बोला ठीक है अच्छी बात। बाद में रेट बढ़ गया, उसका इंस्टॉलमेंट बढ़ गया, अब वो बेचारा बोल रहा है कि यार ये तो रेट तो बढ़ गया, अब तो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा लग रहा है, पहले तो कम लगता था। तो वही फ्लोटिंग रेट में अगर आप बोरो करोगे तो एक डर रहता है, किस चीज़ का डर रहता है कि कहीं रेट बढ़ना चाहिए। अगर 10% होगा आपसे 10% लिया जाएगा, 12% होगा आपसे 12% लिया जाएगा, 15% होगा आपसे 15% लिया जाएगा, 20 होगा आपसे 20 लिया जाएगा। लेकिन फ्लोटिंग का एक और फायदा भी है, अगर गिरेगा तो आपको कम भी देना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए फ्लोटिंग की तरफ हम कब जाना प्रेफर करेंगे, जब आपको लगेगा फ्यूचर में रेट गिरेगा तब आप फ्लोटिंग में जाना चाहोगे, कि अगर आपको लगेगा रेट बढ़ेगा तब आप फ्लोटिंग में जाना चाहोगे? मेरा मानना ये है कि अगर आपको लग रहा बिलीव आ रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा तब आप फिक्स में रहें, ताकि बढ़ा हुआ आपको इफेक्ट ना करे। और मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है कि गिरेगा तो फ्लोटिंग में रहिए, ताकि जब गिर जाएगा तो आपको कम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने अब यहाँ पर क्या किया, मैंने फ्लोटिंग ही लिया है पर मैं बचाव चाहता हूँ, मैं प्रोटेक्शन चाहता हूँ, तो आपको कैप ऑप्शन मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर एस ऑफ नाउ मान लीजिए रेफरेंस रेट 10% चल रहा है, और रेफरेंस रेट 10% चल रहा है, मेरा फ्लोटिंग रेट में बोरिंग है 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए मेरा फ्लोटिंग रेट पे बोरिंग 1 करोड़ रुपीस का बोरिंग। अब मुझे क्या लग रहा है कि फ्यूचर में रेट जो है वो बढ़ेगा, मेरा डर एक होता है ना, मुझे मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है, डर रहा हूँ मैं, रातों को नींद नहीं आ रही है कि कहीं अगर रेट 12% 15% हो गया तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्लोटिंग बोरिंग है, मैं चैन से सो नहीं पा रहा। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि तू कैप ऑप्शन ले लेना, कैप ऑप्शन। मैं बोले ये क्या चीज़ होती है कैप ऑप्शन, मतलब तुझे टोपी पहना दिया जाएगा, कैप लगा दिया जाएगा। कैप मतलब मान लीजिए अगर रेफरेंस रेट है 10%, उसमें तू कैप ऑप्शन ले ले, तुझे बदले में प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, मैं किसी पार्टी को क्या करूंगा, प्रीमियम दूंगा और 10% में कैप लगा दूंगा। इसका मतलब ये मैं पार्टी को बोलूंगा, देख सुन मैं तुझे दे रहा हूँ प्रीमियम, लमसम तुझे मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, ये तू रख। अगर आगे जाके जो रेफरेंस रेट है वो 10% से ज्यादा चला गया तो जितना ज्यादा जाएगा उतना तू मुझे देगा, जितना ज्यादा जाएगा उतना तू मुझे देगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल आगे जाके रेट 15% हो गया तो मेरा कितना लगेगा, हाँ रियल बोरिंग में तो मेरा 15% लगेगा, लेकिन कैप जो है ना वो मुझे 5% दे देगा। 10 के ऊपर 15 गया, 5% कैप में एक्साइज होके मुझे मिल जाएगा। तो मेरा इफेक्टिवली कितना लगा, 15 उधर लगा रियल में और 5 तो मुझे मिल गया, मेरा इफेक्टिवली तो 10% ही लगा ना, 10% लगा। बोले सर 10% नहीं प्रीमियम भी, तो हाँ 10% प्लस प्रीमियम, यानी जिस रेट पे आप कैप लगा दोगे वही रेट आपका इफेक्टिवली लगेगा आगे जाके और प्लस प्रीमियम लगेगा, लेकिन कम होने पर आपको फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 10% में कैप लगाया है और बाद में हो गया 6%, तो मुझे मार्केट में तो 6% देना है और कैप तो लैप्स हो जाएगा, वहां पर तो ऑप्शन है मेरे पास, कैप लैप्स हो जाएगा तो मेरा लगेगा क्या 6% प्लस प्रीमियम लगेगा। तो आप बताइए मेरा मैक्सिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम मेरा कैप रेट यानी 10% प्लस प्रीमियम ही लगेगा, उससे ज्यादा मेरा मैक्सिमम नहीं लगने वाला। वही होता है क्या कैप ऑप्शन, जहां पर आप एक कैप लगा देते हो अगर आप कैप बाई करते हो, तो बोले उसे दूसरी पार्टी ऐसी मिल जाएगी जो आपको कैप बेचेगी। यस दूसरी पार्टी को लगता है कि रेट तो बढ़ने वाला नहीं है,
हल्का फुल्का मूवमेंट होगा, इतना कुछ खास बढ़ने वाला नहीं। वो पास वाला आदमी बेवजह डर रहा है, वो सोचेगा मैं प्रीमियम कमा लूंगा, तो वो प्रीमियम कमाने के चलते वो क्या करता है, कैप कैप को बेच देता है, कैप को राइट कर देता है और हम यहाँ पर कैप को खरीद लेते हैं। तो कैप ऑप्शन मतलब ऊपर का, मतलब ऊपर में कैप लगा दिया आप। अब एक बात बता रहा हूँ इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया था वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था, बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा फ्लोटिंग रेट पे, तो मुझे डर किस बात का होगा पता, मुझे डर होगा गिरने का। अभी मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में, कल को 5% हो गया तो मुझे सिर्फ 5% ही मिलेगा, तो मुझे डर आ रहा है गिरने का। तो जब मेरा गिरने का डर होगा ना, तो ऐसा सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ पता, फ्लोर बाई कर सकता। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने 10% पे फ्लोर खरीद लिया। फ्लोर खरीद लिया मतलब मैंने ऐसे पार्टी को ढूंढा कि 10% से जितना नीचे जाएगा उतना तू मुझे देना। तो कल को अगर मान लीजिए 6% चला गया तो इन्वेस्टमेंट में तो मुझे 6% ही मिलेगा, लेकिन उधर फ्लोर मेरा एक्साइज हो जाएगा, 4% मुझे फ्लोर से मिल जाएगा। 6+4 कितना, 10% हो गया। तो कैप मतलब ऊपर का है ना, ऊपर का रेफरेंस रेट, फ्लोर मतलब नीचे का हो गया। और कभी कभी हम कॉलर स्ट्रेटेजी करते हैं जिसका मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, वहां पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम बोरो ही कर रखे हुए, हम क्या करते हैं कैप खरीद लेते हैं उसमें प्रीमियम देना पड़ता है, और फ्लोर को बेच देते हैं उसमें प्रीमियम मिल जाता है, प्रीमियम प्रीमियम आपस में कट हो जाता है। तो आपका इधर क्या होता है, कैप और फ्लोर के बीच में आपका फिर आगे जाके लगने वाला। तो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही करा दूंगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, वो एग्जाम्पल आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के हिसाब से आपको एग्जाम में करना। एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, आईसी ने पहले गलती भी कर रखी है कुछ कुछ जगह में। तो ये जो चीजें ना, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनेगा, इसी के साथ ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना, तब आपको कैप ऑप्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल भी परेशानी या प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए 2 ईयर का इंटरेस्ट रेट कैप है आपका, नॉमिनल प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ $10 million का, 6 मंथ्स का लाइबोर है आपका लगने वाला, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट में 6 मंथ्स का लाइबोर है, कैप है 5% का, एग्रीमेंट डेट क्या दिया हुआ है पता है, 15 जनवरी 2001 को आपने एग्रीमेंट किया है, रिसेट डेट है 15 जुलाई 15 जनवरी, यानी 6-6 महीने का रिसेट डेट, मतलब 2 साल का आपने कैप ऑप्शन खरीदा, 2 साल का, ठीक है। कैप का रेफरेंस रेट क्या है, 5% में कैप लगाया आपने, 5% में कैप लगाया, रेफरेंस रेट है लाइबोर आपका। अब आगे जाके बोला कि रिसेट डेट होगा हर 6-6 महीने में हम रिसेट करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो लाइबोर वगैरह सब जो भी रेट होता है ना, मान लीजिए आज 1 जनवरी को जो लाइबोर का रेट आया 6 महीने, वो आगे जाके 6 महीने का पीरियड में वो रेट लगेगा आपका, ऐसा ही होता है। जैसे मान लो आज मैं जाके बैंक से लोन लूंगा फ्लोटिंग पे, तो जो मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ फ्लोटिंग पे, नेक्स्ट 6 महीने का मुझे रेट आज ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 6 महीने में मुझे कौन सा रेट देना है। मान लीजिए अभी 6 महीने का लाइबोर चल रहा है 5%, तो नेक्स्ट 6 महीने में मुझे 5% देना है, फिर 6 महीने के बाद नया लाइबोर निकल के आएगा, वो नया लाइबोर अगर 6% होगा तो वहां से अगले 6 महीने में मुझे देना है 6%। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। देखिए आपका मान लो आज 5% ही लाइबोर है, आज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आगे जाके तो 6 महीने तक वही रहने वाले, तो पहला 6 महीना में तो देखा जाए तो कोई आपका कैप ऑप्शन वगैरह मिलेगा भी नहीं आपको, वो तो रेट ऑलरेडी फिक्स्ड है। नेक्स्ट 6 महीना से आगे जाके एंड सो ऑन आपका होना है, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लो रिसेट डेट में ले रहे हो नेक्स्ट 6 महीने की, क्योंकि आप बोलो सर 15 जनवरी 2001 का क्या, 15 जनवरी 2001 को मान लो 5% ही रेट है और आपने 5% में कैप लगाया, उस दिन कुछ भी नहीं होने का, उस दिन आपका पे ऑफ कुछ होगा ही नहीं आपका। अब नेक्स्ट रिसेट डेट पे 15 जुलाई 2001 को 5.5% हो चुका, पर हमने तो 5% में कैप लगाया, तो बताइए कैप एक्साइज होगा कि नहीं होगा। हमने 5% में कैप लगाया है और लाइबोर का रेट हो गया 15 जुलाई को 5.5%, तो कैप एक्साइज होगा, यस 0.5% हमें मिलेगा। लेकिन ये जो पीरियड है कौन सा पीरियड तक का होगा, 15 जुलाई 2001 को ये रेट निकला है, तो 15 जुलाई 2001 से लेके आपका 6 महीना तक, यानी पेमेंट डेट क्या होगा 15 जनवरी 2002, पेमेंट तो हम एंड में करते हैं, 6 महीने के बाद पेमेंट करते हैं, तो ये रेट पे हम 15 जुलाई से लेके 15 जनवरी 2002 तक ये रेट का पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट आपका कब होगा पता है, 15 जनवरी 2002 को होगा, रिसेट डेट आपका 15 जुलाई जिस दिन का रेट ये वाला है, तो आपका डे सब कैसे निकलेगा, 15 जुलाई 2001 से लेके 15 जनवरी 2002, तो इन दोनों के बीच का नंबर ऑफ डेज आप देख लीजिए 184 डेज। समझ में, कोई बच्चा पूछेगा सर 15 जनवरी 2001 का रेट का क्या, एक और कॉलम हम चाहे तो बना सकते, देखो एक और कॉलम हम चाहे तो बना सकते हैं, पहला 6 महीने का 15 जनवरी 2001 को हम मानते लाइबोर रेट
5% ही है क्योंकि उसी में सौदा किया हमने। और पेमेंट डेट आपका क्या आएगा, 15 जुलाई 2001 आएगा। नंबर ऑफ डेज मान लो 181 डेज होगा, मान लो ऐसे आपका सेटलमेंट कुछ होना ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपका पहला 6 महीना तो रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो वहां पर कोई सट्टा लग भी नहीं रहा ऐसे भी, तो इसमें कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट आपका 15 जुलाई 2001 को जो रेट निकल के आएगा, और हमें तो 5% देना, मतलब 0.5% हमारा फायदा हो रहा है, और इसका पेमेंट कब होगा, वहां से 6 महीने तक। यानी अब देखिए 10 मिलियन में 5.5 माइनस 5.5% 184/365 25205 का सेटलमेंट गेन हमें मिलेगा, है ना, सेटलमेंट गेन हमारा आएगा। फिर आपका नेक्स्ट रिसेट डेट पे 4.6% हो गया, लैप्स हो जाएगा क्योंकि 5% में कैप लगाया। अगर फ्लोर होता तो ये एक्साइज होता, फ्लोर थोड़े ना, मान लो अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर ये फ्लोर होता, अगर हम फ्लोर खरीदते तो 5% में फ्लोर खरीदते, 5 से नीचे 4.6 जाता तो 0.4% का फ्लोर एक्साइज होता, हमने तो कैप खरीदा है, तो यहाँ पर ये लैप्स होगा, कैप ऑप्शन लैप्स होगा आपका। फिर 5.4 हो गया तो 0.4% आपका कैप एक्साइज होगा, कितना, 15 जुलाई 2002 से लेके आगे का 6 महीना, 184 डेज का 20164 आपका सेटलमेंट गेन आएगा। मैंने फ्लोर ऑप्शन आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि फ्लोर ऑप्शन में हम नीचे का खरीद लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लीजिए मैंने सेम इन्फो, मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर रखा, एक्सेप्ट डेट यहाँ पर कैप की जगह फ्लोर हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है, वही मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब देखिए रिसेट डेट में 15 जुलाई को 5.5 होगा तो फ्लोर तो लैप्स होगा, 5.4 में भी फ्लोर लैप्स होगा, 5 से नीचे जाएगा तभी तो फ्लोर एक्साइज होगा, तो 5 से नीचे 4.6 गया तो वहां पर आपका फ्लोर एक्साइज हो जाएगा, इतना अमाउंट आएगा। बाकी पेमेंट डेट रिसेट डेट तो सब सेम ही, इसके हिसाब से सब कुछ सेम ही है। अब बस बचता है इंटरेस्ट रेट कॉलर, यानी कॉलर स्ट्रेटेजी, जहां पर कैप और फ्लोर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही एग्जाम्पल करा दूंगा। अभी मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 35, और मैं आपको फिर कराऊंगा 5 पेपर का क्वेश्चन नंबर 21। ये दोनों क्वेश्चन कराते ही हमारा ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी हमारा पूरा खत्म हो जाएगा एकदम अच्छे से। एक और क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं करा दूंगा, एक और क्वेश्चन है, और उसके बाद हम सीधा स्वैपिंग में पहुंच जाएंगे। बताओ क्या अभी तक सही जा रहा है, अभी स्पेकुलेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने कुछ बोरो किया ही नहीं है, कोई बोरिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता, आपको लगता बढ़ेगा तो आपने कैप ले लिया, आपको आपको लगता है गिरने से नुकसान नहीं होना चाहिए, बढ़ने से फायदा होना चाहिए, तो मैं 10% में कैप लगा दूंगा, मेरा कोई बोरिंग नहीं है। 15% हो गया तो 5% तो मुझे मिलेगा, स्पेकुलेशन है ये। 5% हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, नुकसान कितना होगा, प्रीमियम तक ही होगा, क्योंकि मैंने तो ऑप्शन लिया है ना, तो मेरा 5% का नुकसान ही होगा, 5 हुआ तो प्रीमियम खाली। सब कुछ ठीक है, अनु जी के लिए मजा आ गया सर, यस गेन को पीवी कर लेना सर, आपका वीडियो हो तो ही लाइक कर देते हैं, अगर उस टाइम देख नहीं पाते तो लाइक करके सेव कर देते हैं, बहुत बढ़िया सर, एकदम एग्जाम तक रोज लाइव आ जाना, कोशिश करूंगा जितना हो सके, आपको देख के कॉन्फिडेंस आया है, थैंक यू सो मच धरिनी जी। हिमांशु जी के लिए मजा आ रहा है, एंड ये भी बताना फॉरेक्स हमने अभी तक कर लिया, एडवांस कैपिटल बजटिंग हमने रिवाइज किया था लाइव, फॉरेक्स हमने लाइव रिवाइज किया था, डेरिवेटिव्स हमने लाइव रिवाइज किया था इन दिनों में, वो भी आप लोगों को सबको समझ में आया ना, मजा तो आ रहा है ना, वो भी वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, बाकी सारे वीडियो है ऑलरेडी। सर आप प्लीज डांटना मत, FR में भी रिविजन हो गया, ठीक है पहले ही बता दिया, डांटना मत, FR में मिड साइज इंडेक्स का रिविजन लेने वाला, स्मॉल इंडेक्स मैराथन मैंने लास्ट टाइम लिया था 12 इंडेक्स का पूरा एक दिन में, बहुत अच्छे से रिवाइज किया था, उसका क्रक्स नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया था, वो स्मॉल इंडेक्स वाला आप देख लीजिए आराम से वहां से, बिग इंडेक्स का भी मैंने 5 चैप्टर का या 5-6 चैप्टर का मैराथन लिया था, वो वहां से आप देख सकते हो। मेरा भी प्लान है मिड साइज इंडेक्स का, दैट इज इंडेक्स 19, 33, 102, इंडेक्स 7, इंडेक्स 23, ये सब जो है ना मिड साइज इंडेक्स, ये सब का मैं सोच रहा हूँ कि एक 12 इंडेक्स 12 भी आ गया मैराथन ले लूंगा। यस जी बोले सर मैं तो ऑडिट पढ़ रहा था वो छोड़ के यहाँ आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये भी पढ़ाई है यहाँ पर भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉक्सिक जी बोले मेरा मैसेज पढ़ते ही नहीं सर, आप अपना नाम बदल दीजिए मैं मैसेज पढ़ने लग जाऊँगा, आप टॉक्सिक लिख के रखे हो, अब टॉक्सिक चीज़ों को हम कैसे देखेंगे, आप नाम चेंज कर लीजिए फिर मैं मैसेज पढ़ूँ। आप बोले सर पढ़ तो लिया आपने, FR रिविजन मैं प्लान कर रहा हूँ 4-5 दिनों में, एक सोच रहा हूँ एक मिड साइज इंडेक्स का मैराथन ले लूँगा। करेंसी फ्यूचर लास्ट टाइम करा था वो कर लीजिएगा आराम से, क्या दिक्कत है,
यस 33, 21, 12, 19, 102, ये सब मिड साइज इंडेक्स का मैराथन होगा, ठीक है। स्मॉल इंडेक्स और बिग इंडेक्स ऑलरेडी, बिग इंडेक्स में तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक सिंगल वीडियो है, बेस्ट वीडियो है, 115 का, 103, 110, 116 सबके सिंगल सिंगल वीडियो, और वो बेस्ट वीडियो है, 5-6 घंटे में सब अच्छे से डिटेल में विद क्वेश्चन रिवाइज कराया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो सब बेस्ट वीडियो, वो सब देखिए आप आराम से, तब एकदम कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप हो जाएगा आपका। चलो जी, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। करेंसी फ्यूचर करवाया हुआ, वहां से देख लीजिएगा, ऑडिट भी करा, तो पागल हो गया, FRAFM नहीं संभलता, ये दोनों के चक्कर में दिमाग का दही बना हुआ रहता है। अब ऑडिट भी ले लूंगा तो जयराम जी की हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो ना जी ना, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं होना। कौन प्रिया जी, क्या लेकर हो मनी, अच्छा मनी मार्केट ऑपरेशन की बात करो, ठीक है, वो भी मैं एक रिवाइज करा दूंगा 100% प्रिया जी, मुझे लगा आप वो बोल रहे हो, मनी मार्केट जो हम पढ़ते थे ना उसमें, आपका फॉरेक्स वाला बोल रहे हैं, कैसा लगा। चलो यस, इंडेक्स 33 अच्छे से करा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 अब हम देखते हैं। XYZ लिमिटेड बोरोस पाउंड 15 मिलियन ऑफ 6 मंथ्स LIBOR प्लस 10% फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। आपने बोरो किया है, ठीक है, द कंपनी एंटीसिपेट्स अ राइज इन LIBOR, हेंस इट प्रपोजेस टू बाय ए कैप ऑप्शन फ्रॉम इट्स बैंकर्स एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। आपने 8% में क्या क्या कैप ऑप्शन खरीदे, 8% में कैप ऑप्शन खरीदे। The lump sum premium is 1% for the entire reset period. पूरा entire reset period का lump sum premium लगेगा कितना, 1%, और fixed rate of interest भी दिया हुआ है 7%, क्योंकि total तो 4 reset period है। अब यहाँ पर थोड़ा देखो question में problem है थोड़ी सी, इस question में थोड़ी नहीं बहुत सारी problem है, अब उस problem को नज़रअंदाज करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ जैसे मैंने कहा था ना, पहला वाला जो period रहता है वो तो आपका काम का नहीं रहता है, तो यहाँ पर आपका reset period देखा जाए तो इस हिसाब से तो 3 ही हुआ, क्योंकि 2 साल है, तो 2 साल में मैंने कहा ना पहला पीरियड तो कोई काम का नहीं रहता है, तो 3 रिसेट पीरियड ही आपका बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो आपका प्रीमियम है वो प्रीमियम को 4 बार स्प्लिट किया हुआ, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी तो क्लैरिटी नहीं है, हम एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो आप ये एग्जाम के हिसाब से करोगे। अब देखिए यहाँ पर पाउंड 15 मिलियन, पाउंड 15 मिलियन यानी 150 लाख होता है, 150 लाख का हम क्या करें, नॉशनल अमाउंट पे हम कैप ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, तो कैप ऑप्शन लेने का प्रीमियम कितना लगेगा, 1% लगेगा प्रीमियम, 1 लमसम लगेगा आपका, तो 150 लाख का 1% कितना होता है पता, 1,50,000 होता है, तो प्रीमियम हमारा लगेगा 1,50,000, आप देख लीजिए प्रीमियम ऑफ कैप ऑप्शन 1,50,000, ये टोटल है, 1 लमसम लगेगा। बट जबकि क्वेश्चन है 7% दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 अलग अलग रिसेट पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बार कोई आईसी का नया मटेरियल है उसको खोल लेना, मुझे जानते जाते चेंज नहीं किया सॉल्यूशन, फिर भी कोई खोल के मुझे बताना चेंज तो नहीं किया क्या, अगर चेंज किया तो मुझे बता देना, ठीक है, अभी मैं सॉल्व कराता हूँ फटाफट। तो अब देखिए ये 1,50,000 जो है ना, इसको 4 पीरियड में भेजेंगे तोड़ तोड़ के, तो बोले सर 1,50,000 को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, नहीं, प्रेजेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आ जाता है, तो यहाँ पर हम 4 भाग में भेजेंगे लेकिन पीवी करके, और पीवी कौन सा लेंगे, आप बोलो सर 7% नहीं, 3.5% लेंगे, क्योंकि 6-6 महीने का रिसेट पीरियड, ये देखिए 6 मंथ्स, 24 मंथ्स टोटल है, 6-6 महीने का रिसेट पीरियड है, तो यहाँ पर 6-6 महीने का 4 रिसेट पीरियड आपका, तो 6 महीने का 3.5% ही हुआ, तो 3.5% का अगर आप कैलकुलेटर में करोगे 1/1.035 इक्वल 0.966 आ रहा है, इक्वल 0.9335 को 934 लिखते हैं आईसी खुद ही, 0.902 होगा ये 9019 को, और ये होगा 0.871, तो ये आपका 4 साल का पी फैक्टर आ गया, जिसका टोटल होता है 3.673। पर मैं आपको बता दूं आईसीए बेकार हरकतें करते हैं, इसमें यहाँ पर इन्होंने 3.671 लिया है, क्योंकि एक दो जगह में इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया, अदरवाइज ये खुद करता है 0.9019 को 0.902 ही लेता है हमेशा आईसीए, बट यहाँ पर 0.901 लिया है इन्होंने, तो उस हिसाब से इन्होंने 3.671 लिया, हालांकि दोनों करेक्ट है, पर मैं डिफरेंस बता दे रहा हूँ, आईसीए का ये आ रहा है पर 3.673 हमारे हिसाब से निकलेगा, बट मैंने वही एक बार ले लिया आईसीए वाला, तो आप दूसरा भी अगर आए तो इसमें घबराना नहीं, वो भी करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, पूरा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, तो अब हमने क्या किया, जो 4 साल का पीवी हो रहा है टोटल, वो 4 की जगह 3.671 से डिवाइड करके हम 40861 हमने हर 6 महीने का अमाउंट निकाले। अब ये 40861 को
सारे जो चार बार है इन सबको आप जब है ना 3.5% से पुल करोगे ना प्रेजेंट वैल्यू में, देख लीजिएगा 1,50,000 ही आएगा। तो आपने क्या किया, एवरी रिसेट पीरियड का आपने प्रीमियम आउटफ्लो निकाल लिया। अब जबकि तीन रिसेट पीरियड ही दिया, मैं तीन रिसेट पीरियड का ही काम कर, मुझे अब ये बताइए आपका स्ट्राइक रेट कितना है, 8% है। अगर 9% हुआ तो क्या कैप एक्सरसाइज होगा? यस, यहाँ पर कैप एक्सरसाइज होगा। 9.5 में भी कैप एक्सरसाइज होगा, 10 में भी कैप एक्सरसाइज होगा, क्योंकि 8 से नीचे कैप लैप्स होगा। तो तीनों में कैप एक्सरसाइज होगा, कितना होगा, 15 मिलियन इंटू 9 माइनस 8, कितना, इंटू 1% इंटू, आप क्या करोगे, मंथ ले लिया, डेज ले लिया, डेज भी ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन डेज के लिए आपके पास कुछ खास डेटा है नहीं। आप 90/360 ले लो, या सॉरी 90 नहीं, कितना महीना, 6 महीना, 180/360 ले लो, या फिर 6/12 ले लो। ऐसे करके आप निकाल सकते हो कि आपको कैप से क्या पे ऑफ मिला है। तो वही देखिए, आप यहाँ पर मैंने क्या किया, तीन रिसेट पीरियड है, एडिशनल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है ड्यू टू कैप एक्साइज होने की वजह से। अब बोलेंगे 15 मिलियन पाउंड में इतना आपको गेन मिल रहा है, यानी इतना पाउंड का आपको फायदा मिल रहा है। दूसरे वाले में 1.5% मिलेगा, देख लीजिए 8 और 9.5 का फर्क है, 1.5%, इसमें 2% का फर्क है। तो जितना एक्स्ट्रा जाएगा 8 के ऊपर उतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, हमने ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, ये भी मायने रखता है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फॉर इंटरेस्ट रेट इज हेज थ्रू कैप ऑप्शन, मतलब कैप ऑप्शन की वजह से आप कितना बचा पा रहे हो पैसा। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम बोलेंगे कैप ऑप्शन की वजह से इतना पैसा हमें इनफ्लो मिल रहा है, लेकिन कैप ऑप्शन की वजह से हमारा इतना प्रीमियम भी तो लग रहा है, तो हमारा नेट रिसिप्ट कितना आ रहा है, नेट रिसिप्ट हमारा आ रहा है इतना, आप देख लीजिए इतना मिल रहा है माइनस आउटफ्लो, तीनों जगह में कर दिया, हमारा नेट रिसिप्ट इतना आ रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा इतना का ओवरऑल गेन है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और बात है, कैप ऑप्शन की वजह से हम इतना कमा रहे हैं, यस, तीनों मिला के जो कि आई थिंक 214917 आएगा, ये हम कैप ऑप्शन की वजह से कमा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो प्रीमियम निकालना, उसको चार रिसेट पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करना, निकाल लिया प्रीमियम और कैप ऑप्शन, हर साल का हर रिसेट पीरियड का कितना कैप एक्साइज अमाउंट है वो निकाल लिया, माइनस प्रीमियम आउटफ्लो कर दिया, नेट रिसिप्ट आ गया, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन, नो चेंज इन आईसीए सॉल्यूशन, ये आईसीए का सॉल्यूशन ऐसा ही है, पर आगे जाके शायद आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब एक ये क्वेश्चन है, ये आपके बुक में हमारे क्वेश्चन बैंक में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आरटीपी में से मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर कौन सा वो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस नंबर अलग है, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए खुद से कर लीजिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 36, आप प्रैक्टिस के लिए खुद से कर लीजिएगा, अभी जो करा रहा हूँ वैसा ही सेम ही क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है और कुछ भी नहीं है, बस डेटा में थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर पता है कैप और फ्लोर दोनों है, देखिए मैंने अच्छे से सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर रखा हूँ, इसी प्रकार प्रेजेंट कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से करते हैं। एमपीडी इनकॉर्पोरेशन ने इशू किया, इशू करने का मतलब है लोन लेना, इन्वेस्ट नहीं किया, परचेज नहीं किया, इशू किया, इशू मतलब इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसे उधार लेते हैं, हमने इशू किया 15 मिलियन का फ्लोटिंग रेट लोन विथ रीसेटिंग ऑफ कूपन रेट एवरी 6 मंथ्स इक्वल टू, मतलब हमने लोन लिया है, इशू करना मतलब लोन लिया, वो भी फ्लोटिंग लोन लिया, मतलब जितना रेट बढ़ेगा उतना हमें इंटरेस्ट देना होगा, कितना देना होगा, लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, यानी 0.5%, लाइबोर प्लस 0.5%, ये ध्यान में रखिएगा, यानी 50 मिलियन लोन पे हमें लाइबोर प्लस 0.5% देना होता है। एमपीडी इज इंटरेस्टेड इन एन इंटरेस्ट रेट कॉलर स्ट्रेटेजी, कॉलर स्ट्रेटेजी समझाऊंगा मैं आपको, बाई सेलिंग ए फ्लोर एंड बाइंग ए कैप, MPT buys the 3 years cap and sells 3 years floor as per the following details. Principal amount है 50 मिलियन रुपया, ये रहा रेफरेंस रेट है 6 मंथ्स का LIBOR, उसके रेफरेंस में हम चेक करेंगे, और यहाँ पर स्ट्राइक रेट दिया हुआ, देखिए 8 जो रेफरेंस रेट का स्ट्राइक रेट है, कैप में 8% लगा दिया, मतलब कैप एक्साइज हो जाएगा कब, जब आप 8% से ऊपर जाएगा तब आपका कैप एक्साइज हो जाएगा, और आपने कैप को खरीदा है, देखो लिखा हुआ भी यहाँ पर बाइंग ए कैप, मतलब आप कैप होल्डर हो, आपने कैप खरीदा मतलब आप कैप होल्डर हो, मतलब 8% के ऊपर अगर जाएगा तो कैप एक्सरसाइज हो जाएगा और आपको पे ऑफ मिलेगा,
और आपने क्या किया पता है, आपने फ्लोर को बेच दिया। क्यों बेच दिया पता है? क्योंकि आपको दिखा कि कैप खरीदने पर प्रीमियम जा रहा है। अब एक काम करता हूँ, फ्लोर बेच देता हूँ तो प्रीमियम आ जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 5% में फ्लोर बेच दिया। मतलब अगर 5% से नीचे जाएगा ना तो हमें उल्टा पैसे देने पड़ेंगे। जितना 5% से नीचे जाएगा उतना हमें पैसे देने पड़ेंगे। मतलब हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं फ्लोर को, मतलब हमने फ्लोर खरीदा नहीं। अगर हम फ्लोर खरीदते ना तो 5 से नीचे जाने पर भी हमें पैसा मिलता। हमने फ्लोर खरीदा नहीं, फ्लोर बेचा, फ्लोर को राइट किया है। यहाँ पर हम फ्लोर राइटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम प्रीमियम खाएंगे और 5% से नीचे जाएगा तो हमें देना पड़ेगा पे ऑफ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि प्रीमियम तो एटलीस्ट सेट ऑफ हो जाए हमारा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमियम नील आएगा, क्योंकि तो आपने कैप के लिए जो प्रीमियम दिया फ्लोर में उतना प्रीमियम आपको मिल जाए। हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं, कि जरूरी है कि दोनों का प्रीमियम सेम होगा, रिस्क के ऊपर प्रीमियम होता है। बट यहाँ पर इन्होंने बोला कि प्रीमियम नील है, दोनों से ऑफसेट हो गया आपका। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि 8% के ऊपर कैप एक्साइज होगा और 5% के नीचे फ्लोर एक्साइज होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, प्रॉब्लम क्या वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रॉब्लम अब तो ठीक कर दिया गया, सही है। अब देखिए क्या 7% में कैप एक्सरसाइज होगा? जी हाँ, कैप एक्सरसाइज होगा। 8% में भी गलत बोल दिया, गलत, माफ करना माफ करना, गलत क्यों बोल दिया, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। 8% में कैप लिया ना आपने, तो 8 के ऊपर कैप एक्सरसाइज होगा। यहाँ पर कैप लैप्स होगा, 8 में भी कैप लैप्स होगा, 6 में भी कैप लैप्स होगा, कैप लैप्स होगा। अरे बाप रे, कैप तो हर जगह लैप्स हुआ हमारा। 8% में हमने कैप खरीदा था, 8 के ऊपर तो एक जगह भी नहीं गया, तो कैप तो आपका देखो हर जगह में ही लैप्स हुआ आपका। कैप का पे ऑफ तो हर जगह लैप्स होगा। अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो फ्लोर में मेरी मदद करोगे, फ्लोर लैप्स 5 के नीचे एक्सरसाइज होगा, लैप्स लैप्स यहाँ पर फ्लोर एक्सरसाइज होगा 5 के नीचे, यहाँ पर भी फ्लोर एक्सरसाइज होगा 5 के नीचे, यहाँ पर भी फ्लोर लैप्स होगा। तो अच्छा जी, हमें ये पता चला कि सिर्फ 2 ही जगह पे फ्लोर एक्सरसाइज होगा और कहीं पर भी कैप और फ्लोर का पे ऑफ नहीं होगा। आप देख सकते हो सिर्फ 2 जगह में ही फ्लोर का पे ऑफ हमें देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर तो हमने बेचा है। तो अब जब 5 से नीचे जाएगा तो 0.25% हमें देना पड़ेगा, 5 से नीचे जाएगा 0.75% हमें देना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा ये देखते, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच 6 रीसेट डेट। एफेक्टिवली आपने कितना इंटरेस्ट दिया ये बताइए आप हमें, एफेक्टिवली कितना दिया। मतलब सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमने जो लोन लिया उस पर हम कितना देंगे, हम ये बताएंगे। और दूसरी चीज हम बताएंगे कि आपका जो कैप और फ्लोर है उस पर हम कितना देंगे, ये भी हम बताएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए 31 दिसंबर 2018 को आपका रिसेट डेट है 7%। यहाँ पर भी क्वेश्चन में छोटी सी प्रॉब्लम, इसको पता है इन्होंने 3 साल नहीं 3.5 साल बना दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। अगर 1 जुलाई 2018 को आपने लोन लिया है तो पहला पेमेंट आप कब करोगे, पहला पेमेंट करोगे 31 दिसंबर 2018 को। लेकिन इस पे इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा पता है, 1 जुलाई 2018 वाला होगा। 1 जुलाई 2018 को जो लाइबोर का रेट है ना, लाइबोर प्लस 0.5%, आप उस रेट पे 31 दिसंबर 2018 को पेमेंट करोगे। ये वाला तो ऐसे ने लिया ही नहीं सोल्यूशन। ये देखिए इन्होंने क्या किया पता, सीधा पेमेंट का फर्स्ट डेट कौन सा लिया, 30 जून 2019, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं है। तो इसको आप 3.5, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में भी, क्या बोलूँ मैं। आईसी का गाथा जितना आपको सुना उतनी कम है, मतलब महाभारत से भी बड़ी गाथा है इनके। तो अब देखिए बेसिकली 31 दिसंबर 2018 को अगर आपका रिसेट डेट है तो ये आपका रिसेट डेट आ रहा है 6 महीने के बाद का, 1 जुलाई से यहाँ पर ये रिसेट डेट है। तो ये रिसेट डेट पे जो रेट आएगा, जैसे रेट आया 7%, तो हमें कितना देना होगा, 7.5% देना होगा, क्योंकि लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, यानी 7 प्लस 0.5, यानी 7.5 देना होगा। मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर 7.5 लगेगा, यहाँ पर 8.5, यहाँ पर 6.5, यहाँ पर 5.25, यहाँ पर 4.75, यहाँ पर 5.75, क्योंकि लाइबोर सिर्फ नहीं देंगे, लाइबोर प्लस 0.5% भी देंगे। तो ये रेट्स हमारा लगेगा। तो अब देखिए 7% हमारा लाइबोर है, लेकिन हमें पेमेंट 7.5% करना, तो 50 मिलियन पे हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे 7.5%, कितना डेज का,
31 दिसंबर 2018 को रिसेट डेट है। पेमेंट तो यहाँ से नेक्स्ट 6 महीने में होगा, नेक्स्ट 6 महीने 30 जून 2019 को होगा। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पहला पेमेंट हम 6 महीने के बाद नहीं, 1 साल के बाद कर रहे हैं। आप देख लीजिए 1 जुलाई 2018 को लोन लिया, पेमेंट आप 1 साल के बाद करो पहला पेमेंट, तो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो आप 30 जून 2019 को आप पेमेंट करोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में डे से 181 डेज। आप देख भी सकते हो जनवरी में 31, फरवरी में 28, 31, 30, 31 और जून में 30। कितना आ रहा आपका? यस 181 डेज आ रहा है। देख लीजिए कि 28 है, 2 1 इसमें चला गया, यस 181 डेज आ रहा। तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट बैंक को इतना जाएगा, कैप और फ्लोर तो यहाँ लैप्स ही हो रहा है, तो एफेक्टिवली भी इतना ही आपका इंटरेस्ट का पेमेंट लगने वाला है, बात खत्म। फिर दूसरा आपका रिसेट डेट है 30 जून 2019, जिस दिन 8% है आपका, तो आपको तो 8.5% देना पड़ेगा, है ना। और 30 जून 2019 को रिसेट डेट, इसका पेमेंट कब होगा नेक्स्ट 31 दिसंबर 2019। अब आप टाइम पीरियड खुद से निकाल लोगे, डीएस आपने निकाला और 50 मिलियन पे 8% नहीं 8.5% देना, लाइबोर प्लस 0.5। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ लाइबोर प्लस 0.5, तो आपको इतना देना है। कैप और फ्लोर तो लैप्स हो रहा है, आपका एफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इतना। फिर नेक्स्ट भी आप ऐसे ही करोगे, नेक्स्ट आपका 6% है, तो 6.5% के हिसाब से आप निकालोगे, दोनों तो लैप्स हो रहा है, आपका एफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट में भी अब ये आराम से निकाल लोगे, आपका जो रिसेट डेट है वहां से नेक्स्ट 6 महीने तक का, नेक्स्ट 6 महीने के बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट डेट आपका आ जाएगा इन नेक्स्ट वाला 31 दिसंबर 2020 को पेमेंट डेट है आपका। लाइबोर ये डेज आपने निकाल ही लिया, तो 5.25% होगा लाइबोर प्लस 0.5%, उस हिसाब से आपने इंटरेस्ट पेमेंट टू बैंक निकाल लिया। यहाँ पर भी इसी प्रकार से अब इंटरेस्ट पेमेंट टू बैंक हर जगह पे निकालोगे, लाइबोर प्लस 0.5% ये निकालोगे। बस डीएस का कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, डीएस का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम मत कीजिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब हमें निकालना बस फ्लोर का पे ऑफ, दो जगह में हमें जो देना वो निकालना। तो फ्लोर का पे ऑफ क्या होगा मुझे ये बताइए, हमने फ्लोर 5% में बेचा है, 4.75% अगर हो गया तो हमें 50 मिलियन पे, 50 मिलियन रुपये पे हमें कितना देना होगा 0.25%। कितना डेज के लिए? डेज तो हम वही वाला ले सकते हैं यहाँ पर लिया हुआ ना, इसके लिए 184 डेज, इसके लिए आप अलग से मेहनत करना नहीं पड़ेगा, 184/365। और दूसरा वाला 4.25 अगर हो जाता है तो आपको देना 50 मिलियन पे, 5 के नीचे गया 0.75%। और इसका भी डेज तो हमारे यहाँ पर है ही, ये वाला डेज कितना 181 डेज, 181/365। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ये रहा, ये हम पेमेंट करेंगे, ये हमारा आउटफ्लो है। तो इंटरेस्ट पेमेंट टू बैंक भी आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है, आउटफ्लो प्लस आउटफ्लो तो प्लस होगा, तो प्लस होकर आपका ये दोनों आ गया। तो हमारा एफेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो सारा निकल के आ गया। पहला चार तो यही होगा पहला, और बस ये दो में आपका पे ऑफ भी जुड़ के ये हो जाएगा, आपका एफेक्टिवली इतना लग रहा है। कितने साल में लग रहा है? ये 3 साल में लगना मत भूलिएगा, यानी कुल मिला के 1096 डेज में लग रहा है। ये सब डेज को आप देख लीजिए, ये अमाउंट आपका 1096 डेज में लग रहा है। तो परे नाम बता दीजिए परसेंटेज कितना होगा, हम बोलेंगे इतना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना लोन अमाउंट पे 50 मिलियन था क्या, 50 मिलियन पे, यानी 500 लाख पे लग रहा है, इंटू 100 का परसेंटेज जो आएगा वो तो पूरा 1096 डेज का आएगा, तो डिवाइड बाय 1096 कर दिया तो वो एक दिन का आ जाएगा, और इंटू 365 डेज कर दो, पर एनम आपका आ गया, बस बात खत्म। तो अब मैंने ये पूरा समझा तो दिया आपको, इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने समझा दिया। अब बस आप मुझे ये बता दीजिए कि अब इस क्वेश्चन में कुछ समझाना है क्या, आपको कुछ समझ में नहीं है तो मुझे पूछ लीजिए। आपको रिसेंट डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब मैं वापस से बता रहा हूँ 31 दिसंबर 2018 को 7% लाइबोर हुआ, तो ये जो 7% लाइबोर हुआ आप फ्लोटिंग जो रेट दोगे वो 7 + 0.5 7.5% दोगे, कब? आने वाले 6 महीने। तो ये तो रेट इस दिन डिसाइड हुआ, इस दिन आपको इंटरेस्ट ये नहीं देना है, इस दिन जो रेट डिसाइड हुआ है आपको अगला 6 महीने का ये रेट है, तो अगला 6 महीने के बाद ही तो पेमेंट करोगे, यानी 30 जून 2019 को आप पेमेंट करोगे, उस दिन पेमेंट करोगे कितना 7 + 0.5 7.5% आप पेमेंट करोगे, बात खत्म। तो यानी कहने का मतलब ये है कि रिसेट डेट में आपको रेट का पता चलेगा, वो रेट आपका नेक्स्ट आने वाले 6 महीने का रेट होगा, तो नेक्स्ट 6 महीने के बाद आप पेमेंट करोगे। इसी वजह से आप देखिए जो रिसेट डेट है, पेमेंट डेट जो है वहां से 6 महीना दूर पे, जो रिसेट डेट है वहां से 6 महीना दूर पे पेमेंट डेट, जो रिसेट डेट है वहां से 6 महीना दूर पे पेमेंट है ना, रिसेट डेट से 6 महीना दूर पे पेमेंट। और पेमेंट आपका ये ध्यान रखना, जो बैंक को पेमेंट करेंगे वो लाइबोर नहीं करेंगे, लाइबोर प्लस 0.5 करेंगे, एक तो ये ध्यान में रखना। और कैप और फ्लोर पे ऑफ तो मैंने यहाँ पर निकाल ही दिए,
चोर का पे ऑफ यहां पर मैंने लिख के छोड़ दिया। सिक्स टू एट फोर टू वन एट फाइव नाइन फाइव ये मैंने निकाल के यहां पर छोड़ ही दिया। और इसके साथ मैंने ये वाला पोर्शन भी आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से करा दिया। रिकैप मांग रहे हो, रिकैप में फिर से दे दे रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रिकैप देने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पर लाइबोर प्लस 0.5 में आपको पैसे चुकाने हैं। 50 मिलियन लाइबोर प्लस 0.5 का जो रेट है, बस पेमेंट डेट 6 महीने के बाद होगा। तो डेज आप कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी मत करना, यहाँ पर डेज बहुत मायने रखता है। और ये डेज कैसे निकलेगा, माइनस रिसेट डेट, दोनों का डिफरेंस है। बोलो क्लियर है, 31 दिसंबर को पेमेंट क्यों हुआ नहीं? कौन सा 31 दिसंबर को? अच्छा 31 दिसंबर को, हाँ वो आप आईसी से पूछ। आप बोलो ना सर 1 जुलाई 2018 है, तो 31 दिसंबर 2018 को क्यों पेमेंट नहीं हुआ? आस आईसी है नॉट डन इन 31 दिसंबर 2018, प्लीज आस्क आईसीआई द ग्रेट। ठीक है, अब तो कुछ आईसीआई को मैंने ग्रेट बोल दिया। चलिए, तो जो लोग बोलते हैं ना हमारी मदर बॉडी है उनका अपमान नहीं करना चाहिए, चलो हम उनका अपमान नहीं करते, मान बढ़ाते, द ग्रेट इनसे पूछिए आप, वो आपको बताएंगे कि क्यों नहीं लिया उन्होंने। तो अभी हम अब आ जाएंगे स्वैप में। स्वैप हमारा लास्ट टॉपिक है और उसके बाद चीपेस्ट टू डिलीवर, यस वो भी छोटा सा ही है, बस इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। सब ऑप्शन बस बताना, फिर खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आपको बहुत जल्दी विदा करने वाला, बस आप बोलो सर इतना ही, यही मोहब्बत था, यही प्यार थे, बस इतना ही प्यार था सर। सर जब 8.5% हुआ तो कैप क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे? थप्पड़ खाओगे, थप्पड़ कौन है ये पराग जी, थप्पड़ लगाऊंगा खींच के आपको। छोटे भाई होते ना और मेरे सामने रहते, थप्पड़ लगाता खींच के मैं आपको। आप मेरी बात सुनो, आपने जो कैप लिया है वो लाइबोर पे लिया कि लाइबोर प्लस 0.5 पे लिया? सिर्फ लाइबोर पे लिया ना, लाइबोर आपका 8% ही है मेरे भाई, 8.5 नहीं है। 8.5 तो आपको लोन देना है, बैंक को इंटरेस्ट देना है। आपने लाइबोर जो लिया वो 8% मिले और 8% ही तो लाइबोर है। 8.5 तो आप इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक को, आपने जो उधार लिया उस पे, उसका पे ऑफ से उसका कैप से क्या लेना देना 8.5 का? 8.5 ये सब का कैप से लेना देना नहीं है मेरे भाई पराग जी, इन सब का कैप से कोई लेना देना नहीं। कैप के लिए ये वाला रेट है, ये तुम बैंक को पैसा दे रहे लाइबोर प्लस 0.5। आई थिंक पराग जी अब क्लियर है ना? बोलो जी, स्वैपिंग पे आ जाता। स्वैपिंग से आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हम सुनते ना न्यूज चैनल वगैरह में भी, एंड हमने इधर भी सुना था। मतलब एक होता है ना, मतलब बोलना नीचे बट मैं आपको बता रहा हूँ ये सच्चाई, आजकल लोग बताओ क्या क्या हो गए। मतलब मैंने सुना दो लड़के हैं और उनकी वाइफ है, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ उन्होंने क्या किया, स्वैपिंग कर लिया। मतलब समझ रहे हो, तेरी बीवी एक दिन के लिए मेरी बीवी, मेरी बीवी एक दिन के लिए तेरी बीवी, स्वैपिंग तो भी स्वैपिंग बोला जाता। तो अभी हम वही इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग आप हम पढ़ेंगे। क्या दुनिया, क्या जमाना आ गया, मतलब ना आप लोग को ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब मैं एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, तू एक गर्लफ्रेंड बनाना, फिर हम स्वैप कर लेंगे, ऐसा मत करना, जमाना खराब आ गया क्या कर। और एग्जांपल भी ऐसे लेने पड़ते ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। चलो डन, तो चलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप करते हैं। यस देखो लेट्स टॉक अबाउट बोलते हैं, सोनी में एक शो भी आता है स्वैप कर। चलो स्टार्ट करें, 2 मिनट देना फिर स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा स्वैपिंग। स्वैपिंग के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, ताकि आगे जाके मैं आपको एक क्लैरिटी दे सकूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं प्रतीक जगाती हूँ और आप लोगों में से कोई एक जन को लेता हूँ मैं, इसको लो नंबर नहीं, लड़का ही को लेना है मुझे, लड़के का नाम नहीं आ रहा है, यूज यस तन्मय जी का नाम लेता हूँ, तन्मय सिंघल। तो देखिए तन्मय सिंघल एक तरफ, मैं प्रतीक जगाती हूँ,
मैं एक लड़की से मान लो बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। तन्मय जी भी एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या पता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, उस लड़की का पापा मेरे लिए एग्रीड नहीं है, रेडी नहीं है। बोलता कि प्रतीक जगाते को नहीं दूंगा तुझे, ठीक है, और किसी से भी शादी कर ले, तो भिखारी से भी शादी कर ले चलेगा, प्रतीक जगाते से शादी करने नहीं दूंगा। तो मैंने तन्मय को बोला, एक काम कर तन्मय, तेरा इंटरेस्ट तो मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने का है नहीं, मैं समझता हूँ, तो तू अगेंस्ट द इंटरेस्ट जा, तू एक काम कर, तू मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ले, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मान लो तेरी गर्लफ्रेंड के लिए तेरे पापा रेडी नहीं है, तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप अपने चॉइस के अगेंस्ट शादी करेगा तन्मय, प्रतीक जगाती भी अपनी चॉइस के अगेंस्ट शादी करेगा, और शादी करने के जस्ट बाद स्वैपिंग कर लेंगे, बोलेंगे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे दे, तेरी गर्लफ्रेंड लेके जा, स्वैपिंग कर लिया हूँ। तो ये भी तो एक प्रकार का स्वैपिंग है। तो स्वैपिंग में एक चीज जरूरी क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे शादी कर, मैंने उसी से शादी की, तन्मय को भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी, उसने भी अपने गर्लफ्रेंड से शादी की, तो क्या स्वैप का कोई स्कोप है? नहीं है कोई स्वैप का स्कोप। समझे, हम अच्छे भले इंसान हैं तो स्वैप का कोई स्कोप है नहीं है। स्वैप का स्कोप कब आता है, जब मान लीजिए मैंने अगेंस्ट द इंटरेस्ट जाके खुद की गर्लफ्रेंड से नहीं, तन्मय की गर्लफ्रेंड से शादी की, और तन्मय ने भी अगेंस्ट में जाके अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी, और फिर बाद में हम दोनों ने क्या किया, अदला बदली कर लिया, वही तो स्वैपिंग हुआ। तो जो अदला बदली कब करेंगे, जब हम अगेंस्ट द इंटरेस्ट जाएंगे तभी हम अदला बदली कर सकते हैं। अगर हम सेम जो इंटरेस्ट है उसी में जाएंगे तो अदला बदली पॉसिबल नहीं है। तो एक बात बस आप दिमाग में डाल लीजिए, अदला बदली स्वैपिंग तभी पॉसिबल है जब आप अगेंस्ट द इंटरेस्ट कुछ काम कर रहे हो, जो आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा, समझ में आएगा। यानी अगेंस्ट द डिजायर, मैंने क्लास में भी बोला था ये चीज, अगेंस्ट द डिजायर। पीयूसी बोले गर्लफ्रेंड स्वैप का स्लैप करेगी, हाँ करना भी चाहिए गर्लफ्रेंड को स्वैप का स्लैप, लेकिन पता नहीं कुछ कुछ लोग है पता नहीं कैसे एग्री हो जाते। अपने में भी सुनता हूँ तो क्या लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब एग्जाम बोले वेब सीरीज और प्रतीक सर क्लास, हाँ वेब सीरीज बन जाएगी हमारी। चलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप अब हम डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं फिक्स रेट पेयर बन, मतलब एग्जाम्पल एकदम सिंपल रखता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मैं प्रतीक जगाती मुझे लग रहा आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और ये इधर है आपका तन्मय, तन्मय को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा। तो मैंने क्या क्या पता, मैंने तन्मय को बोला देख तन्मय मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तुझे लगता है इंटरेस्ट रेट गिरेगा, चल एक काम करते हम इस हिसाब से एक स्वैपिंग कर लेते। तन्मय ने पूछा क्या स्वैपिंग कर लेते, मैंने बोला देख मैं प्रतीक जगाती हूँ, एएफएम का टीचर हूँ, तुझे समझाता हूँ मैं स्वैपिंग कैसे कर सकता, मैं तुझे क्या करूंगा पता है, मैं तुझे दूंगा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और तू मुझे देना फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो मार्केट में अभी चल रहा है 10%, मैंने बोला मैं तुझे 10% फिक्स दूंगा और तू मुझे फ्लोटिंग देना। अब तन्मय को तो लग ही रहा गिरेगा, और अगर मान लो तन्मय को जो लग रहा वो हो गया 5%, अगर हो गया गिर के या 6% हो गया मान लो गिर के, तो मैं तो तन्मय को 10 ही दूंगा फिक्स, और तन्मय तो मुझे फ्लोटिंग कितना देगा 6% ही देगा, तो तन्मय का तो 4% का फायदा हो गया। तो अगर तन्मय को लग रहा है कि गिरेगा इंटरेस्ट रेट, तो तन्मय को क्या करना चाहिए, उसको फिक्स लेना चाहिए, फ्लोटिंग देना चाहिए, और मुझे क्या लग रहा है बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगा बता, मैं आपको फिक्स दूंगा और आपसे फ्लोटिंग लूंगा। अगर बढ़ गया मुझे तो आपको 10% फिक्स ही देना है, और अगर 15% हो गया बढ़ गए तो आप तो मुझे 15 दोगे ना, तो मेरा 5% का फायदा हो गया। तो यहाँ पर स्वैपिंग में होता है क्या, एक फिक्स रेट पेयर होता है, एक फ्लोटिंग रेट पेयर होता है। फिक्स रेट पेयर मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको फिक्स दूंगा 5% एवरी 6 मंथ्स, वो एक नॉमिनल अमाउंट होगा, उस पर दूंगा 5 साल तक, 6-6 महीना, हर 6-6 महीना मैं आपको दूंगा 5 साल तक। यानी टोटल आपका कितना बार हमारे बीच में एक्सचेंज होगा स्वैपिंग में, आप देख लीजिए 10 बार, 10 टाइम्स हमारा एक्सचेंज होगा आपस में, मैं आपको दूंगा 5% और आप मुझे क्या दोगे, फ्लोटिंग रेट दोगे, वो लाइबोर भी हो सकता है, माइबोर भी हो सकता है, प्राइम लेंडिंग रेट भी हो सकता है, सोफर वगैरह बहुत है, वो हो सकता है आपका कोई भी फ्लोटिंग रेट आप मुझे दोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला 5% और आप मुझे क्या दोगे, फ्लोटिंग दोगे। अब इसमें एक एग्जांपल भी मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं फिक्स आपको क्यों दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि बढ़ेगा तो मैं कमा लूँ। तो अगर आगे जाके 8% हुआ, 10% हुआ, 12% हुआ, तो आप मुझे बताइए मुझे तो फ्लोटिंग मिलेगा, तो जितना हुआ उतना मुझे इनफ्लो फ्लोटिंग मिलेगा मुझे, है ना, 8, 10, 12 मुझे मिलेगा फ्लोटिंग, और मैं तो फिक्स दूंगा 5 फिक्स दूंगा मैं, ये मेरा आउटफ्लो हो गया।
मेरा तो 3% 5% 7% का फायदा हुआ ना। और वही अगर मैं तन्मय की बात करूँ, तन्मय का फायदा कब होगा पता है, जब गिरेगा, जब आपका 5 से भी नीचे जाएगा, मान लो 2% हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया, तो तन्मय को इतना परसेंट हो गया तो तन्मय को इनफ्लो फिक्स्ड मिलेगा, सॉरी तन्मय को क्या मिलेगा, क्या रखा था मैंने, सही तो रखा था ना, मैं फिक्स दूंगा तन्मय को मिलेगा क्या फिक्स, तन्मय को तो फिक्स मिलेगा कितना, 5 5 5 उसे फिक्स मिलेगा तन्मय को, वो देगा क्या फ्लोटिंग देगा, तो 3% 2% 1% वो कमाएगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना, मैं फटाफट रिविजन में आपको बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा एग्जाम्पल डालना नहीं चाहता, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा फ्यूचर में तो आपको फिक्स देना चाहिए और वेरिएबल लेना चाहिए, फ्लोटिंग लेना चाहिए। अगर आपको लगता है गिरेगा, जैसे कि तन में ये ऊपर वाला कौन हो गया, प्रतीक जगाती हो गया, जिसे लग रहा था बढ़ेगा तो वो फिक्स देगा फ्लोटिंग लेगा ताकि फ्लोटिंग बढ़ावा मिले, और नीचे वाला कौन हो गया, तन में हो गया, उसे लगता है गिरेगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से समझाया। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके साथ ताकि आपको और बेहतर क्लैरिटी मिले। नाउ सी, प्रतीक जगाती ने स्वैप में एंटर किया कि वो 5% फिक्स देगा एवरी 6 मंथ्स ऑन नॉशनल अमाउंट ऑफ 10 लाख एंड रिसीव वेरिएबल इक्विवेलेंट टू लाइबोर, लाइबोर के इक्विवेलेंट में वेरिएबल लेगा। अब प्रतीक जगाती फिक्स दे रहा है, फ्लोटिंग ले रहा है, डेट मीन्स व्हाट, प्रतीक जगाती को बिलीव है कि रेट बढ़ेगा तभी तो वो फिक्स दे रहा, फिक्स आपको दूंगा 5% और जितना बढ़ेगा उतना आप मुझे दोगे तो मेरा फायदा है, तो बढ़ने से मेरा फायदा होगा। अब मान लीजिए आपका 2 साल का ही पीरियड है, 1st 6 मंथ, 2nd 6 मंथ, 3rd 6 मंथ, 4th 6 मंथ, आपका क्या हुआ, देखो पहले 2 बार बढ़ा, बढ़ने से मेरा फायदा है, ये 3 इंस्टेंस में देखो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मेरा फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर फायदा कैसे होगा, आप देखिए, मुझे तो फ्लोटिंग मिलेगा, रिसीव वेरिएबल है और फिक्स पे फिक्स्ड है, तो वेरिएबल ये 6%, ये इसमें मिलेगा 10 लाख का 6% 60,000 मिलेगा, 5.5% 55,000 मिलेगा, 8% 80,000 मिलेगा, लेकिन मुझे देना है क्या, मुझे तो फिक्स 5% देना है, तो 50,000, 10 लाख का 5% 50,000 मुझे फिक्स देना है हर केस में, तो 60,000 माइनस 50,000 10,000, 55 माइनस 55,000 80,000 माइनस 30,000 का मेरा फायदा है, और यहाँ पर मेरा घाटा होगा अगर गिर जाएगा तो 4%, क्योंकि मुझे 4% में 40,000 मिलेगा 10,000 का, लेकिन मुझे देना तो 50,000 है तो 10,000 का मेरा इधर नुकसान। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, ये बस आप क्रक्स ध्यान में रखिएगा जो ये लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला ध्यान में रखिएगा। डन, तो ये वाला मैंने आपको अच्छे समझाया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल बता के मैं आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको स्वैपिंग के, ये सारे काफी है, सारे क्वेश्चन ही ट्राई करा दे रहा हूँ मैं, आपको छोड़ ही नहीं रहा। तो अब देखिए, आ जाइए सर, लेफ्ट द चैट, क्या हो गया, दिल पे पत्थर, अच्छा चलो, ऐसे मैं, मुझे खुद को याद नहीं मैंने क्लास में क्या क्या एग्जाम्पल बोला था। प्रियंका मैम द चैट, चलिए आज एग्जाम्पल देखते हैं। प्रतीक जगाती वांट्स टू बोरो रुपीस 5 लाख एट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट सिंस ही बिलीव्स दैट इंटरेस्ट मे गो डाउन इन फ्यूचर। अब प्रतीक जगाती को क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, और इसलिए प्रतीक जगाती क्या करना चाहते हैं, फ्लोटिंग रेट बोरो करना चाहते हैं। तो इसकी डिजायर क्या है, इसकी डिजायर है फ्लोटिंग, इसकी डिजायर क्या है, फ्लोटिंग है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको लगता है गिरेगा, और गिरेगा तो फ्लोटिंग में इसको फायदा मिलेगा। अब देखिए क्या रेट दिया हुआ, फ्लोटिंग रेट दिया हुआ है L+3.75%, फिक्स रेट दिया हुआ है 11.5%। अब बोलो सर इसको तो फ्लोटिंग ही चाहिए, प्रतीक जगाती तो फ्लोटिंग ही मांग रहा है, L+3.75% में बोरो कर लेगा, बात खत्म, कहानी खत्म, यस कहानी खत्म। आप चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अब L+3.75% में आप बोरो कर लीजिए, बात खत्म, घर जाओ, जाके सो जाओ। लेकिन हम एक चीज ऐसा भी कर सकते हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया था ना, अब अगेंस्ट द डिजायर ले लीजिए और बाद में स्वैपिंग कर लीजिए। एक तो आपके पास ये रास्ता है कि सीधा फ्लोटिंग में बोरो कर लो, दूसरा आपके साथ क्या रास्ता है पता है, दूसरे की दुल्हन से शादी कर लो, बाद में अदला बदली कर लो, मतलब फ्लोटिंग की जगह फिक्स्ड में बोरो कर लीजिए और बाद में स्वैप बैंक को ये बोल दीजिए कि मैं तुझे फिक्स में बोरो कर लीजिए, उससे फिक्स लेके आप फ्लोटिंग दे दीजिए। मतलब पहले आप
फिक्स्ड में बोरो कर लीजिए। फिक्स्ड में अगर हम बोरो करेंगे मतलब हम अगेंस्ट द डिजायर जा रहे, अगेंस्ट द डिजायर जा रहे, अगर हम फिक्स्ड में बोरो करेंगे तो आपका आउटफ्लो होगा फिक्स्ड, पर हम तो फिक्स को आउटफ्लो करना चाहते नहीं थे, हम तो चाहते थे फ्लोटिंग हमारा आउटफ्लो, हम तो फ्लोटिंग में बोरोइंग करना चाहते थे। तो हमारे पास एक उपाय क्या, स्वैप बैंक को पकड़ेंगे और उसको बोलेंगे देख तू मुझे फिक्स देना, मेरा जबकि आउटफ्लो फिक्स हो रहा है तू मुझे फिक्स दे देना, मैं तुझे फ्लोटिंग दे दूं, स्वैपिंग कर लिया। तो वही चीज मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। देखिए प्रतीक जगाती जो है ना वो बोरो किस में करेगा पता है, उसको बोरो फ्लोटिंग में करना है, पर स्वैपिंग अगर वो करना चाहता है उसे अगेंस्ट द डिजायर जाके फिक्स्ड में बोरो करना चाहिए, तो वो फिक्स्ड 11.5% में बोरो करेगा, तो हर साल उसका 11.5% इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा, एग्रीड यस एग्रीड इतना होगा। अब लेकिन इसकी तो डिजायर फ्लोटिंग थी, तो ये क्या करेगा, स्वैप बैंक को बोलेगा कि जबकि मेरा आउटफ्लो हो रहा है फिक्स्ड, मुझे आप फिक्स दे दो मैं आपको फ्लोटिंग दे दूं, तो मैं इनफ्लो कराऊंगा क्या, फिक्स्ड को इनफ्लो कराऊंगा, फिक्स्ड इनफ्लो कराऊंगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड को मुझे काटना है, मुझे फ्लोटिंग में जाना है, मैं तो जान मुझ के किया था है ना, जिससे शादी की तो उसको हटाओ, तो आउटफ्लो फिक्स है ना, फिक्स को हटाओ, फिक्स आउटफ्लो फिक्स को कौन काटेगा, इनफ्लो फिक्स, इनफ्लो में फिक्स कितना, फिक्स कितना दे रहा 9%, तो नाइन स्वैप बैंक आपको फिक्स 9% दे देगा बोलता है। स्वैप बैंक ये बोल रहा है कि आप 9% ले लीजिए, हमें ये दे दीजिए, या हम आपको ये दे देंगे आप हमें ये दे दीजिए, अदला बदल, तो हम 9% इनफ्लो करवा लेंगे और उनको बोल देंगे आपको फ्लोटिंग दे देंगे, उनको हम कितना दे देंगे लाइबोर जो भी रहेगा उस टाइम में, लाइबोर लाइबोर आपका कितना रहेगा 0.25%। तो आप मुझे बता सकते हो इफेक्टिवली अब आपका कॉस्ट कितना लग रहा है, अगेंस्ट द डिजायर लेंडर से बोरो कर लिया और स्वैप बैंक में आपने क्या किया, स्वैप कर लिया, तो अब आपका हर साल क्या होगा, एक तो आपको 11.5% फिक्स्ड देना पड़ेगा लेंडर को, 9% आपको फिक्स्ड मिल जाएगा, तो आपका तो 2.5% ही फिक्स लग रहा है इन दोनों का नेट अगर हम करें, और प्लस ये, तो अगर मैं नेट आउटफ्लो लिखूं यहां पर मैं बोलूंगा देखो मेरा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है 11.5%, आउटफ्लो को मैं प्लस पे रखूंगा 11.5% आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है 9% और फिर आउटफ्लो हो रहा है एल प्लस 0.25%, यानी कितना है L प्लस 2.75%। अब आप मुझे बताइए अगर आप सीधा फ्लोटिंग में लेते हैं तो आपका पड़ता है L प्लस 3.75%, लेकिन आपने क्या किया, पहले फिक्स लेके फिर स्वैप किया, तो आपका L प्लस 2.75% ही पड़ रहा है। तो बताइए क्या डायरेक्ट फ्लोटिंग में लेना समझदारी है कि पहले फिक्स में लेके स्वैपिंग कर लो उसमें ज्यादा समझदारी, आप खुद मुझे जवाब दीजिए। आपको सीधा पता चले कि सर डायरेक्ट फ्लोटिंग लेने से ज्यादा लग रहा है, स्वैपिंग एडवाइजेबल है, ये आपको एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट दे रहा है, 1% का एक्स्ट्रा फायदा दे रहा है, देयर इज एक्स्ट्रा सेविंग, ऑफ 1% ड्यू टू स्वैपिंग, स्वैपिंग के वजह से आपका एक्स्ट्रा 1% का फायदा हो रहा है, आया ना, तो स्वैपिंग एडवाइजेबल है, स्वैपिंग क्या है, एडवाइजेबल है, आई थिंक ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, इस बार प्रतीक जगाती बोरो करना चाहता है फिक्स्ड में, सिंस इसको लगता है इंटरेस्ट रेट मे गो अप इन फ्यूचर, मैंने गलत लिख दिया, मे गो अप इन फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है, इसलिए फिक्स्ड में बोरो करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर इसको लगेगा नहीं ज्यादा, फिक्स्ड देगा ना, फिक्स्ड 10% 10%, ऊपर जाने से भी 10 ही लगेगा, मेरा फिक्स्ड लगेगा, इसको लग रहा है कि ऊपर जाएगा इसलिए फिक्स्ड में जाना चाहते हैं, पहले वाले में इसको लग रहा था कि नीचे जाएगा इसलिए फ्लोटिंग में जाना चाहता था, तो इसकी डिजायर क्या फिक्स्ड है, अब ये क्या करेगा, ये अगेंस्ट द डिजायर जाएगा तभी तो स्वैपिंग होगा, ये लेंडर से क्या करेगा पता, फ्लोटिंग में बोरो करेगा, तो आउटफ्लो क्या होगा लेंडर को, एल प्लस 3.75% इसका आउटफ्लो, ठीक है, ये फिक्स्ड में नहीं जाएगा।
अब स्वैप बैंक को क्या बोलेगा पता है, देख मेरा फ्लोटिंग आउटफ्लो है, मुझे तो फ्लोटिंग में जाना ही नहीं है, मैं तो अगेंस्ट द डिजायर किया, तो मुझे आप इनफ्लो दे दो, जो मेरा आउटफ्लो फ्लोटिंग है ना उसी को मुझे आप इनफ्लो कर दो, तो मैं इनफ्लो करा लूंगा फ्लोटिंग किससे, स्वैप बैंक से, कितना एल प्लस 0.25%, और उसको बोल दूंगा तू मुझे फ्लोटिंग दे दे, मैं तुझे फिक्स दे दूंगा 9%। तो आप देख लीजिए फ्लोटिंग एल जो है, एल एल कट जाएगा, एक तरफ फ्लोटिंग आउटफ्लो तो एक तरफ इनफ्लो करवा लिया हमने और फिक्स आउटफ्लो हो गया, तो यहाँ पर आपका नेट कॉस्ट कितना है, हम आउटफ्लो को प्लस में रखेंगे, एल प्लस 3.75 माइनस एल माइनस 0.25 होगा, एल प्लस 0.25 इनफ्लो में ना, माइनस एल माइनस 0.25 हो जाएगा प्लस 9, एल एल कट गया 3.75 प्लस माइनस 3.5 और इधर 312.5% आ रहा है, है ना। तो अब देखिए 12.5% हमारा नेट कॉस्ट लग रहा है, वही अगर हम सीधा डायरेक्टली लेते तो 13% लगता, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे स्वैपिंग इज एडवाइजेबल। यहाँ पर भी 0.5% का फायदा, 13 की जगह 12.5 होगा। अब बोलो सर अगर यहाँ पर 14 आता तो हम बोलते स्वैपिंग मत करो, तो हम बोलते सीधा 13 में बोलो कर लो, समझ में आया। यहाँ पर स्वैपिंग एडवाइसेबल है या नहीं वो हम बता पा रहे हैं, तो कितने सारे सिचुएशन ऐसे रहते हैं जहाँ पर आप स्वैपिंग के जरिए बच जाते हो, स्वैपिंग आपके लिए एडवाइसेबल होता है। अब एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मान लीजिए मेरा ऑलरेडी बोरिंग किया हुआ है फिक्स्ड में, अब उसको मैं फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पर भी स्वैपिंग एडवाइसेबल है। यहाँ तो हमने बोरो किया हुआ नहीं था, हम बोरो करेंगे अगेंस्ट द डिजायर जाके और फिर स्वैपिंग कर लेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा जहां पर आप क्या करोगे पता है, आप क्या करोगे यहाँ पर आपका ऑलरेडी बोरो किया हुआ है उसको, लेकिन आप फ्लोटिंग को फिक्स में जाना चाहते हो, फिक्स को फ्लोटिंग में जाना चाहते हो, वो एग्जाम्पल अभी मैं आपको कराऊंगा। तो अभी तक तो समझ में आ रहा है ना, अभी तक तो समझ में आ रहा है ये बता देना खाली। देखो सपोज 2 साल पहले प्रतीक जगाती ने 10 लाख रुपीज फिक्स रेट में बोरो किया था, फिक्स रेट में बोरो किया था 7 ईयर्स तक के पीरियड के लिए, कब किया था 2 साल पहले, तो रिमेनिंग पीरियड अभी भी 5 साल है, 2 साल पहले किया था 7 साल के लिए, अभी रिमेनिंग पीरियड 5 साल है। ही नाउ बिलीव्स दैट इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन, अब इसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा और इसलिए ये कन्वर्ट करना चाहता है फिक्स रेट को फ्लोटिंग, क्योंकि फिलहाल तो ये 10% फिक्स दे रहा है। तो आप देखिए प्रतीक जगाती जो फिलहाल लेंडर को 10% फिक्स दे रहा है, समझ में, फिलहाल लेंडर को 10% फिक्स दे रहा है, अब ये इसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना चाहता है, तो ये क्या कर सकता है, स्वैप बैंक को बोलेगा कि भाई देख मैं फिक्स दे रहा हूँ, मुझे तो फिक्स दे दे और मैं तुझे फ्लोटिंग दे दूंगा, फिक्स फिक्स कैंसिल हो जाएगा, फ्लोटिंग आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्वैप बैंक क्या बोल रहा है, स्वैप बैंक 20-30 basis points ओवर 5 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड वर्सेस लाइबोर, ये जो है ना ये पार्ट आपका फिक्स्ड पार्ट है वर्सेस लाइबोर, लाइबोर फ्लोटिंग है। तो फिक्स पार्ट में इन्होंने इस बार रेट नहीं लिखा, इन्होंने लिखा 20-30 basis points ओवर 5 ईयर्स का ट्रेजरी यील्ड, 5 ईयर्स का रेट मतलब फिक्स रेट ही बोला क्योंकि रिमेनिंग 5 साल ही तो है आपका, तो 5 साल का रेट है ट्रेजरी का 9% और 9% में बोला 20-30 basis points भी होगा, मतलब ये रेट क्या दे रहा है पता है 9.20% 9.30%। और स्वैप बैंक क्या बोलना चाह रहा है पता है, अगर हम आपको देंगे तो हम 9.2 देंगे, आप दोगे तो आप 9.3 देंगे, स्वैप बैंक स्प्रेड का मजा लेना चाहते। तो यहाँ पर क्या हो गया 9.20 9.30% आपका देखिए फिक्स्ड होगा और फ्लोटिंग होगा लाइव बोर्ड, तो हम ऑलरेडी फिक्स्ड दे रहे हैं आउटफ्लो, तो हम क्या चाहेंगे फिक्स हमें मिल जाए, क्योंकि फिक्स तो हम दे रहे हैं, फिक्स हमें मिल जाए पर हमें तो कम वाले मिलेगा 9.2 मिलेगा, तो इनफ्लो हमारा फिक्स हम करवा लेंगे और बदले में उसको लाइव बोर्ड दे देंगे। अब नेट कॉस्ट हमारा क्या होगा, 10 जा रहा था 9.2 आ गया, यानी 0.8 जाएगा और लाइव बोर्ड जाएगा, एल प्लस 0.8% जाएगा हमारा, तो जो हमारा पहले फिक्स जा रहा था 10%, अब आगे जाके रिमेनिंग 5 साल में हमारा क्या जाएगा एल प्लस 0.08 जाएगा, एल प्लस 0.8% जाएगा। अब नेक्स्ट आगे और भी हम चाहे तो बदल सकते बाद में, 1 साल बाद फिर से मन गया कि नहीं फिक्स में आना चाहते, तो फिर से यहाँ से आप क्या करो स्वैपिंग और कर लो, फ्लोटिंग को काट देना फिक्स में चले जाना, जब चाहे कर सकते हो अब ये। तो बताइए क्या ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो अब आएगा मसली मजा, अब हम करेंगे फटाफट से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15, ये आरटीपी सेक्शन का, ये आरटीपी सेक्शन का हो गया, आरटीपी एमटीपी सेक्शन।
और मैं आपको बता दूं हमारे क्वेश्चन बैंक में जो भी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है वो भी जरूर से कर लीजिएगा। फिलहाल एग्जाम तक तो मैंने जेडी ऐप जो है उसमें मैंने अनलॉक करा हुआ लेक्चर्स, आप वहां से आरटीपी एमटीपी के वीडियोस देख सकते हो सारे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर तो मैंने करा दिया ऐसे IRR में, बट फिर भी वो भी कुछ भी क्वेश्चन है तो वो कर लीजिएगा हर चैप्टर का। चलिए मुझे प्यास लग गई है, पानी मंगवाना पड़ेगा, कोई लंच ब्रेक नहीं मिलेगा अभी, 2 घंटे पढ़ते नहीं हो कि शुरू हो जाते हो लंच, लंच आधा घंटा पढ़ाई करो अभी चुपचाप, खत्म ही कर देंगे। पानी पिलाना ना, पानी पानी देना। यस हाँ, 1 मिनट का ब्रेक ले लो फिर हम करेंगे, 1 मिनट बैठे बैठे ब्रेक ले लेते हैं। तब तक कुछ हालचाल सुना दो, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है ना, सब कुछ सही चल रहा है, किसी के दिल में कोई बात है तो बता दो। मुझे सर डू यू प्लान टू टेक एनी अदर चैप्टर लाइक, बाकी तो सारे है ही ना ऑलरेडी। पिछली बार मैंने मैराथन में पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कराया था, वही सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन है, वो वहाँ से आप कर लोगे। पोर्टफोलियो ऑलरेडी बहुत बेस्ट लेक्चर अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाला हुआ है लेक्चर अवेलेबल है सारे, तो ये और क्या कराना बचे। मुझे नहीं लगता BFM में प्रैक्टिकल में कुछ कराना, थ्योरी डिस्कशन करा लो वो मैं कराऊंगा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कराना। रिया जी के लिए आप गेम खेलते हैं मोबाइल में, मैं नहीं खेलता यूजुअली, टाइम ही नहीं मिलता अभी तक। गर्ल इन द वीडियो कभी खेलिएगा सर, चलो ठीक है रिया जी खेलूँगा, मतलब खिड़की में लड़की है ना हिंदी में। नम्रता जी के लिए फॉरेक्स में थोड़ा डर लग रहा है, वो जो 7.5 ना 8 घंटे में हमने अभी जो रिविजन लिया था ना लास्ट टाइम, वो देख लीजिएगा सारा डर खत्म हो जाएगा। और क्रक्स नोट्स में शेयर कर दूंगा फॉरेक्स का, डरने की कोई बात ही नहीं है, ये वजह डरते हो बात ही नहीं है डरने की। फॉरेक्स तो सबसे इजी चैप्टर है, मैं क्लास में सबसे पहले फॉरेक्स कराता हूँ यूजली, और फिर बच्चे को पूछता हूँ कि डर लगा फॉरेक्स में, बोलते नहीं सर एकदम पानी लगा, हम तो ऐसे ही डरते थे बोलते थे। तो फॉरेक्स अगर मेरे से पढ़ा है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, अगर मेरे से नहीं भी पढ़ा है तो भी रिवीजन वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा डर खत्म हो जाएगा। यस सृष्टि जी मैं दे ही रहा हूँ, एक एक करके दे दूंगा क्रक्स नोट्स को। कभी कभी क्वेश्चन देखिए फटाफट क्लिक नहीं कर, के लिए प्रैक्टिस की नीड होती है। अजय जी मिड साइज इंडेक्स हम लोग 4-5 दिनों में मैराथन लेने वाले, पहले मैंने सोचा था एंड तक जाऊँ, फिर मैंने सोचा एंड तक क्यों जाए, बच्चे को पहले पढ़ना होगा मिड साइज तो पहले कर लेगा ना, हम पहले सोच रहे पहले लेने का प्लान कर रहे हैं मैराथन, 1 वीक के अंदर अंदर मैराथन लेने का प्लान कर रहा हूँ मैं मिड साइज इंडेक्स। MD बोले अमेंडमेंट वीडियो आएंगे SFM के, ऑलरेडी तो डाल दिए और क्या आएंगे, आए भी थे सब डाल भी दिए, केस सिनेरियो डाल दिया, बिजनेस वैल्यूएशन इन सब के तो अमेंडमेंट डाल ही दिए, डेरिवेटिव्स बिजनेस वैल्यूएशन सब के अमेंडमेंट डाल दिए, आएंगे क्या, ऑलरेडी डाल दिए है ना। एक साथ लेंगे टोनी जी, एक साथ मिड साइज इंडेक्स का मैराथन लेंगे, एक ही दिन में सारा कराऊंगा अलग अलग से। सिक्योरिटी वैल्यूएशन ओल्ड वीडियो प्लस अमेंडमेंट
यस आराम से अमेंडमेंट सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कुछ खास है ही नहीं है सभी, खास है ही नहीं वहाँ पे अमेंडमेंट, एक दो थ्योरी कुछ टॉपिक है तो आराम से हो जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं, आराम से उससे करिए। जयपुर आइए कभी, आऊँगा जरूर, आऊँगा तो बताऊँगा आप लोग। ये करेक्ट सर के क्वेश्चन की क्लास के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सर, मिड साइज पहले के देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, पहले की भी देख सकते हैं, अभी मैं लाइव भी लेने वाला हूँ तो उसमें भी देख सकते हैं। एनर्जी बोले माय चैट इज नॉट विजिबल, तो अब चैट कैसे कर पाए, है ना सर, बिजनेस वैल्यूएशन करा देना प्लीज आपके अलावा और किसी का लेक्चर समझ ही नहीं। मैंने बोला ना वो जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करा है वो बिजनेस वैल्यूएशन है, नया से कराने के लिए मैं सोचूंगा थोड़ा सा, देखता हूँ समय मिला तो। चलो तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। यस 8-10 घंटे का मैराथन लूंगा जिसमें मिड साइज इंडिया सारे खत्म करेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 15, सपोज ए डीलर कोट्स ऑल इन कॉस्ट फॉर ए जेनरिक स्वैप एट 8% अगेंस्ट 6 months लाइबोर फ्लैट। मतलब डीलर ने क्या क्या स्वैपिंग की है कि फिक्स्ड 8% देगा या लेगा जो भी है, बताया नहीं वो चीज, अगेंस्ट 6 months लाइबोर, मतलब लाइबोर देंगे फिक्स लेंगे 8% या फिक्स लेंगे लाइबोर देंगे 8% वर्सेस लाइबोर। इफ द नॉशनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपीज का है, कैलकुलेट करके बताओ सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट, ये तो यही हो जाएगा। देखो 5 लाख का नॉशनल प्रिंसिपल है, सेमी एनुअल बोला आपका, यहाँ पर 360 डेज है, जेनरिक स्वैप जो है ना वो बेस्ड होगा 30/360 बेसिस में, 30 डेज के हिसाब से आपको पकड़ना है पर मंथ का, तो आपका 6 महीने का कितना होगा 180 डेज, 180/360 डेज होगी आपका ये, और कितना रेट है 8% फिक्स्ड है, देख लीजिए 5 लाख इंटू 8% इंटू 180/360 20,000 हो गया, तो सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट 20,000 हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बोला फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर वन अबोव इफ द 6 months पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइजेस 181 डेज, तो यहाँ पर इन्होंने चला के 181 डेज बोला है फ्लोटिंग के लिए, तो आप मजबूर आपको 181 डेज ही लेना है, और ऊपर वाले में आप 30/360 बोल रहे हैं तो उस हिसाब से हम 180 डेज ले रहे हैं, आईसी ने ऐसे ही किया, तो 180/360 आप फिक्स्ड में लोगे इसके हिसाब से 6 महीने का, और यहाँ पर फ्लोटिंग में 181 डेज चला के बोला तो वही लोगे आप, और बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबर जो है ना वो 6% है, तो आपका पहला रिसेट पीरियड का लाइबोर है 6%, 5 लाख का 6% इंटू 181/360, इससे आया हमारा 15083, तो फिक्स पेमेंट आया 20,000, फ्लोटिंग पेमेंट आया 15083, तो आप बताइए जो फ्लोटिंग लेगा ना उसका नुकसान है, जो फिक्स लेगा फ्लोटिंग देगा उसका फायदा है, फिक्स लेगा 20,000 और फ्लोटिंग देगा कितना, तो फिक्स रेट पेयर जो है ना उसका नुकसान है किसको, फ्लोटिंग को जो देगा, फिक्स रेट पेयर का यहाँ पर नुकसान है, वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर कितना, यहाँ पर पूछा भी है नेट सेटलमेंट बताइए कि फिक्स रेट पेयर कितना फ्लोटिंग रेट पेयर को देगा, क्योंकि फिक्स रेट पेयर तो 20,000 देगा और ये लेगा तो नेट में 4917 जो है वो फिक्स रेट पेयर को देना पड़ेगा फ्लोटिंग रेट पेयर, आई थिंक ये अब क्लियर हो चुका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ खास दम था नहीं, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये टॉपिक क्या पता है, ये ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप है, यानी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डेली कंपाउंडिंग होता है, इस कंसेप्ट को अलग से समझाने की जरूरत नहीं, ये एग्जांपल के साथ ही हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन के साथ ही हो जाएगा, मतलब अगर एग्जांपल भी बनाता तो ऐसे ही बनाता मैं, क्या मतलब टाइम लॉस करने, तो क्वेश्चन के साथ ही हो जाएगा। कई बार कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिर्फ क्वेश्चन करा दे, कहाँ मैं क्वेश्चन करा दो, अभी रिविजन वीडियो में क्या क्वेश्चन कर रहा है, कंसेप्ट सारे करवा रहा हूँ समझा रहा हूँ मैं, है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन जहाँ पर क्वेश्चन से ही हो जा रहा है रिविजन, तो हम क्यों ये अलग से एक एग्जाम्पल बना के आपको कर रहे हैं, है ना, इसी का एक एग्जाम्पल बना दूंगा हो जाएगा, क्या मतलब है, पूरा समझ में आना चाहिए, वही कंसेप्ट होता है प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन से आपको ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप समझ में आ जाएगा, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मतलब वो डेली कंपाउंडिंग होगा। देखिए डेरिवेटिव बैंक एंटर्ड इनटू अ प्लेन वैनिला स्वैप थ्रू एन ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप OIS लिख दिया यहाँ पर, ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ का नॉशनल प्रिंसिपल है, और ये रिसीव करेगा क्या माइबोर, मतलब ये देगा फिक्स्ड और लेगा माइबोर, माइबोर रिसीव करेगा वो भी ओवरनाइट का माइबोर, यानी डेली का रेट होगा माइबोर का, 1 डे का रेट होगा डेली का, ओवरनाइट माइबोर, ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट फॉर ए फिक्स पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल,
मतलब मैं फिक्स दूंगा और फ्लोटिंग लूंगा। द स्वैप वॉज एंटर्ड इन टू ऑन मंडे 2 अगस्त 2010 एंड वॉज टू कमेंस ऑन 3 अगस्त 2010 एंड रन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज। तो 7 डेज तक ये रन करेगा आपका, और शुरू कब से होगा? 3 अगस्त। तो आपका देखिए अलग अलग ट्यूजडे से मंडे का रेट दिया हुआ है, ये आपका ट्यूजडे हो गया, ये आपका वेडनेसडे हो गया। देखिए संडे हॉलीडे लिखा हुआ है, मतलब हम मानेंगे सैटरडे खुला है, ठीक है। क्वेश्चन है जब संडे हॉलीडे लिखा हो मतलब सैटरडे खुला है। ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सैटरडे संडे दोनों दिन का ये रेट होगा, क्योंकि संडे तो खुलेगा नहीं, तो जो सैटरडे का रेट है वही संडे को भी रेट वही रहेगा, और ये मंडे का हो गया। फिर अब देखिए मेरी बात सुनिए, अभी हम करेंगे क्या, अभी हम निकालेंगे कि वेरिएबल पेमेंट कितना करना है। तो 10 करोड़ का आपका नॉमिनल अमाउंट है, मैंने नॉमिनल अमाउंट 10 करोड़ का लिख दिया। यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो फ्लोटिंग लीग। तो फ्लोटिंग लीग में पहला दिन का रेट क्या है? 7.75%, एक दिन का ये 1 out of 365 days। तो देखिए 10 करोड़ पे 7.75% एक दिन का रेट है, 1 day का आपका इंटरेस्ट इतना है। तो ये जो नॉमिनल अमाउंट है इस पे इतना इंटरेस्ट चढ़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस इतना हो जाएगा, या तो डेली कंपाउंडिंग होगा। तो डेली कंपाउंडिंग मतलब अगले दिन आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे मिलेगा मेरे भाई, डेली कंपाउंडिंग हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? अगर डेली कंपाउंडिंग हो रही तो अगले दिन भी आप इसमें निकाल देंगे, वो थोड़ी ना होगा, डेली कंपाउंडिंग हो रहा है। मतलब आपका जो मंडे को सॉरी ट्यूजडे को आपने जो ये डिपॉजिट किया है नॉमिनल अमाउंट मान लीजिए, ये ट्यूजडे को रात को इतना हो जाएगा। अब वेडनेसडे को इस अमाउंट को हम री इन्वेस्ट करें, कौन सा रेट पे? 8.15%। तो 8.15% नेक्स्ट डे का रेट है। तो ये वाला अमाउंट देखिए, ये वाला अमाउंट आएगा 8.15% 1/365 आ गया। तो अब इस पे ये वाला अमाउंट जुड़ जाएगा, तब ये आ जाएगा नया वाला फिगर। अब वो वाले अमाउंट पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 8.12% लगाएंगे एक दिन का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट अमाउंट जो आएगा उस पे हम लगाएंगे 7.95% एक दिन का, या इसको जोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट हम लगाएंगे इस पे पता है 7.98%, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना हम 2 दिन का लगाएंगे, क्योंकि संडे को खुलेगा नहीं, तो जो सैटरडे को रात का और संडे का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब संडे को जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको ऐसा नहीं कि सैटरडे का रात का कंपाउंडिंग मिलेगा, क्योंकि संडे को तो खुला ही नहीं है। तो सैटरडे संडे दोनों दिन का रेट सेम में ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपका प्राइस चेंज ही नहीं होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, पता है सैटरडे को सुबह ये रेट है, सैटरडे रात और संडे रात 2 दिन तक आपका सेम रेट ही चलेगा, और वो सेम रेट पे 2 दिन का होगा। तो ये वाला बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक करोगे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 2/365 लेना, मतलब ये हो गया ट्यूजडे का, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे संडे, ये हो गया। क्या पता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोलते सैटरडे संडे हॉलीडे, दोनों दिन हॉलीडे, तो फिर आपका क्या आता पता है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का यहाँ पर एक साथ आ जाता है, कि फ्राइडे को जो आपका खुला वो सीधा मंडे को नेक्स्ट होगा फिर। तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का एक साथ हो जाता है, अगर 2 दिन का हॉलीडे होता था। तो इस हिसाब से आप देखिए, अब मंडे को आपका ये अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको 8.15% एक दिन का, आपका ये फिगर आ चुका। तो ये अब आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो फ्लोटिंग लेग में आप देखिए 10 करोड़ रुपीज बन जा रहा है, 10 करोड़ 153,740। तो फ्लोटिंग लेग का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 153,740 बन रहा है, ये ध्यान में। और हमें तो इन्फ्लो मिलेगा, क्यों आप बोलोगे सर मिलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ने बोला है रिसीव माई बोर, हम फ्लोटिंग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा पता, 153,740 हमें मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने एक लाइन क्या लिखा हुआ पता है, कि डेरिवेटिव बैंक को है ना 370 नेट पे मिला है, मतलब डेरिवेटिव बैंक जीता है। आपका फ्लोटिंग मिल रहा है, आपको फ्लोटिंग आपको मिला है इतना, कितना मिला 153,740, कितना रिसीव हुआ। तो आप मुझे बता सकते हो फिक्स्ड में आपने कितना दिया होगा, कि आपका 317 का रिसीव हुआ नेट पे, मुझे बताइए आपने फिक्स्ड में कितना दिया होगा कि आपका डेरिवेटिव बैंक का रिसीव हुआ 317 नेट रिसीव हुआ। मतलब क्या, हमने फिक्स्ड में कम दिया है तभी तो नेट पे रिसीव होगा, फिक्स्ड में हमें कम देना पड़ रहा है, जो रिसीव हुआ उससे कम देना पड़ रहा है। तो आप बताइए फिक्स्ड में हम पे कितना करेंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ 153,740 में से 317 हम कम देंगे,
153423 हम पे करेंगे। तो 153423 हम कितने दिनों का पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली 7 दिनों का पे कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पूछा फिक्स रेट बताइए, इंटरेस्ट तो अंडर बोथ द लेग्स हम बता ही देंगे, फ्लोटिंग में ये है देखो हम नीचे बता देंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग लेग में ये इंटरेस्ट है 153740, फिक्स लेग में ये इंटरेस्ट है 153423, ये तो हमने बता ही दिया यहाँ पर। अब हम बताएंगे परसेंटेज, फिक्स रेट बताएंगे। तो फिक्स रेट क्या लग रहा है, 153423 लग रहा है हमारा, कितने में, 10 करोड़ में इंटू 100, और ये कितना दिनों में लग रहा है, 7 दिनों में लग रहा है, हमें तो 365 दिनों का चाहिए, डिवाइड पे 7 × 365, ये देखिए कर रहा मेरा 8% आ गया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये क्वेश्चन सही से हो गया आपका, मुझे बता दो सर। अगर ये क्वेश्चन सही से हो गया तो अभी मैं आपको करेंसी स्वैप समझाऊंगा, करेंसी स्वैप मैंने पहले नहीं समझाया था एग्जाम्पल में, अभी करेंसी स्वैप वैसा ही है, सिंपल है, करेंसी स्वैप आपको मैं समझाऊंगा, ये क्वेश्चन के जरिए अपने आप ये करेंसी स्वैप आपका हो जाएगा, एक करेंसी स्वैप का क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा और एक ये वाला, दो क्वेश्चन समझाते ही हमारा स्वैपिंग खत्म हो जाएगा। सारे ऑलमोस्ट सारे ICA के क्वेश्चन, चाहे वो 5 MTP RTP हो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं कवर करा रहा हूँ, और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए। चलिए तो अभी क्या हम ये करेंसी स्वैप वाला क्वेश्चन नंबर 16 अब हम कर सकते हैं, चलिए फटाफट से हम ये वाला क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करते हैं। ए इनकॉर्पोरेशन एंड बी इनकॉर्पोरेशन इंटेंड टू बोरो $2 लाख एंड $2 लाख इन यन रेस्पेक्टिवली, वर्ड का मतलब क्या है, रेस्पेक्टिवली मतलब ए इनकॉर्पोरेशन को $2 लाख बोरो करना है, बी इनकॉर्पोरेशन को $2 लाख येन में बोरो करना है, यानी बी इनकॉर्पोरेशन को येन में पैसा चाहिए बोरिंग, और ए इनकॉर्पोरेशन को डॉलर में पैसा चाहिए, देखिए $2 लाख एंड $2 लाख इन येन, यानी बी को येन में $2 लाख चाहिए, यानी $2 लाख का येन कन्वर्सन, अगर येन में देखिए 120 येन हो रहा है $1 में, तो आपका इसका मतलब कितना हो गया, $2 लाख इंटू 120 कितना आएगा, 20 लाख, और 200 लाख 240 लाख आ जाएगा, ये 240 लाख येन चाहिए। अब यहाँ पर प्रेवलेंट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है एज फॉलोज, ए इनकॉर्पोरेशन को क्या चाहिए, येन में चाहिए कि डॉलर में चाहिए, आपको पता है ए इनकॉर्पोरेशन को डॉलर में चाहिए, तो वो डॉलर में 9% मिलेगा, बी इनकॉर्पोरेशन को किस में चाहिए, येन में चाहिए, आप देखिए येन में चाहिए, तो बी इनकॉर्पोरेशन येन मिलेगा, तो आप देखिए दोनों का अमाउंट तो सेम है, बस करेंसी अलग है, $2 लाख इसे डॉलर में चाहिए, इसे $2 लाख येन में चाहिए, करेंसी तो अमाउंट तो सेम ही है, बस फर्क इतना है कि इसको डॉलर में चाहिए इसको येन में चाहिए, तो डॉलर में इसका कॉस्ट आ रहा 9% और येन में इसका कॉस्ट आ रहा 8%, दोनों मिला के कितना हो रहा है 17% हो रहा है, आप देखिए 9% उधर लग रहा है, परसेंटेज वाइज तो सेम ही है, 9% और 8% 17% लग रहा है, लेकिन आप सोचो जरा अगर ये ए इनकॉर्पोरेशन अगेंस्ट द डिजायर ये डॉलर पे बोरो ना करते हुए येन में बोरो कर ले बी के लिए, और बी इनकॉर्पोरेशन येन में बोरो ना करके डॉलर में बोरो कर ले ए के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में कितना लगेगा, 5 और 10 15% ही लगेगा, मतलब अगर हम अगेंस्ट द डिजायर जाए तो हमारा कितना लगेगा 15% ही लगेगा, मतलब सेविंग कितना होगा, अगर स्वैपिंग का रास्ता अपनाओगे तो 2% का सेविंग होगा, मतलब ए इनकॉर्पोरेशन को अगेंस्ट द डिजायर जाके येन में बोरो कर लेना चाहिए, और फिर ये किसको दे देना चाहिए, बी इनकॉर्पोरेशन को दे देना चाहिए, और बी इनकॉर्पोरेशन को भी येन में ना करते हुए डॉलर में कर लेना चाहिए, और ए को ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो इस तरीके से इफेक्टिवली इनका 15% ही कॉस्ट लग रहा है, इंस्टेड ऑफ 17% इनका 2% का फायदा होगा, और वो 2% आपस में बंटवारा कर लेंगे, 1% का फायदा ले लेंगे, तो 1% का फायदा लेंगे तो इफेक्टिवली इसका 9 की जगह 8 ही लगेगा इधर, और इसका 8 की जगह 7 ही लगेगा, 1% का फायदा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर आप देखो, अब मैं यहाँ पर अगर आपको समझाऊं पहले रफ में, पहले ICA का प्रेजेंटेशन बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ होना क्या। देखिए यहाँ पर आउटफ्लो टू बैंक अगर मैं बोलूं, तो अब देखिए यहाँ पर ए की बात कर रहा हूं मैं इधर, और इधर मैं बी की बात कर रहा हूँ, ए का यहाँ पर बैंक को कितना आउटफ्लो होगा, ए बैंक को कितना देगा, ए बैंक से है ना येन में बोरो करेगा, 5% आउटफ्लो होगा ए, और बी जो है ना वो येन में बोरो नहीं करेगा, अगेंस्ट द डिजायर जाके 10% में बोरो करेगा, ये आउटफ्लो टू बैंक। अब आगे जाके क्या करेंगे, क्वेश्चन ने लिखा हुआ आगे जाके स्वैपिंग कैसे करेंगे, क्वेश्चन ने बताया,
एंटर्ड इन ए करेंसी स्वैप अंडर विच इट इज एग्री डेट बी जो है ना वो ए को देगा 1% ओवर द येन लोन इंटरेस्ट रेट। यानी ए ने जो येन में लोन लिया है ना 5%, ए ने जो येन में लोन लिया है 5%, तो ये ए तो बोलेगा ना कि बी तू दे मुझे ये, क्योंकि मैंने तो ये तेरे लिए लोन लिया, तू लोन रख अपना और तू मुझे लौटा। तो बी जो है ना ए को वो क्या देगा पता, 1% ज्यादा देगा येन लोन के ऊपर, यानी 5 की जगह 6% देगा बी ए को। तो ए बी का आउटफ्लो क्या होगा, बी 6% देगा किसको, ए को देगा, तो ए को मिलेगा 6%। समझ में आया, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। आउटफ्लो इनफ्लो, ब्रैकेट मतलब आउटफ्लो, नॉन ब्रैकेट मतलब इनफ्लो। बैंक को देखिए 5-5, अब ए ने 5 ही चुका है पर बी ए को 6 देगा, तो बी का 6 गया ए का 6 आया। फिर आगे क्या लिखा हुआ, विच द लेटर विल हैव टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीड करेंसी, ए इनकॉर्पोरेशन भी रिमबर्स करेगा 9% ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9% बी को। तो ए बी को कितना देगा, 9% देगा, तो ए का 9% जाएगा बी को 9% मिलेगा। तो आप मुझे बताइए एफेक्टिवली ए का कितना लग रहा है और बी का कितना लग रहा है। ये देखिए ए 5% बैंक को देगा, ए को भी 5 के ऊपर 1% ज़्यादा 6 देगा और ए बी को 9% देगा। तो 5, 6 और 9 अगर आप देखोगे तो इधर 8% आ रहा है नेट पे, 8% आउटफ्लो, और इधर आप देखोगे 69, 7% आपका। तो देखिए दोनों मिला के 15% हो गया ना। तो एफेक्टिवली ए का कितना लगेगा, 8% लगेगा, बी का 7% लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर आपको आगे भी आंसर ही मिलेगा आईसीए वाले में, बस आईसीए वाले में आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना है, ऐसे करोगे नंबर नहीं मिलेंगे आप। हालांकि पता ऐसे चल रहा है पर आपको थोड़ा सा ढंग से प्रेजेंट करना होगा डिटेल में, नहीं तो आईसीए आपको नंबर नहीं देगा 8 और 7% जो है। तो आपको ये तो समझ में आया कि इधर आपका 9-8 में 17% लग रहा था, इधर आपका 15% में काम हो रहा है, 8 इसका लगेगा 7 इसका लगेगा, मतलब 9 की जगह इसका 8 लग रहा है, 8 की जगह इसका 7 लग रहा है, 1-1% का फायदा हो जा रहा है ड्यू टू स्वैपिंग। अब मैं आपको यही चीज प्रेजेंट करके बताऊंगा कि कैसे करना है। देखिए एग्जाम में ये देखिए ए और बी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ना ए इनकॉर्पोरेशन क्या करेगा, बैंक को इंटरेस्ट देगा क्योंकि बैंक से लोन लेगा। ए इनकॉर्पोरेशन 5% में लोन लेगा, बैंक कितना लोन लेगा 5% में, $2,00,000 इन येन, यानी 240,00,000 येन लेगा, $2,00,000 इन येन बोला है, येन मिलेगा, और $1=120 येन है, यानी 240,00,000 येन इंटरेस्ट पे, 240,00,000 येन ये बोरो करेगा 5% इंटरेस्ट पे, इसके लिए बी के लिए। तो देखिए एक जीरो कम हो गया, 240,00,000 ही तो होता है ना, 240,00,000 240,00,000 इंटू 5%, यानी इसका कितना लगेगा, 1,20,000 येन इसका लगेगा, बैंक को देना पड़ेगा। और वही बी जो है वो क्या करेगा, बी डॉलर में बोरो करेगा अगेंस्ट द डिजायर जाके, तो $2,00,000 पे 10% इंटरेस्ट देगा वो। तो आप देखिए $2,00,000 पे 10% इंटरेस्ट देगा, $20,000 इंटरेस्ट देगा, ये दोनों देगा। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू वाइज हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वैपिंग करेंगे जहाँ पर बी जो है ना वो ए को 6% देगा येन लोन पे, येन लोन पे 6% देगा। तो यहाँ पर आपका येन लोन मतलब 240,00,000 पे, येन लोन तो 240,00,000 है, 240,00,000 का 6% बी ए को देगा, तो बी ए को देगा 240,00,000 का 6%, एक जीरो और आएगा, 240,00,000 का 6% कितना आता है, 14,40,000, ये बी ए को देगा, बी का जाएगा ए का आएगा। आप देख लीजिए बी का इतना आउटफ्लो है क्योंकि बी दे रहा है और ए को मिल रहा है, ए का इनफ्लो है। तो ए का देखा, ए का जो 12,00,000 येन गया था इसको मिला 14,40,000 येन, वाजी वाह मजे ही मजे। ए तो बोलेगा मैंने तो बैंक को 5% इंटरेस्ट दिया था येन में पर मुझे तो 6% इंटरेस्ट मिल गया वैल्यू वाइज, किसे, बी से, मजे ही मजे। तो बी का नेट बेनिफिट कितना आ गया, 2,40,000, इन दोनों का डिफरेंस इतना येन का फायदा आ गया। अब ए तो भाई डॉलर वाला आदमी है, ये डॉलर वाला आदमी, ये येन वाला आदमी, ए का जो भी फायदा रहेगा वो इसे डॉलर में ट्रांसलेट करेगा। तो इसका जो फायदा है 240,00,000 येन का, वो हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे डॉलर का भाव ये रहने वाला है 120, तो ये क्या करेगा 240,00,000 येन को डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, तो $2,000 का इसका नेट बेनिफिट। अब इधर ये भी तो देगा, ये भी तो क्या करेगा, ये ए जो है बी को 9% देगा ना डॉलर पे, क्योंकि बी ने डॉलर में बोरो किया था, तो ए बी को 9% इंटरेस्ट देगा डॉलर पे। तो आप देखिए इंटरेस्ट पेड टू बी, $2,00,000 का 9%, $18,000 ये इंटरेस्ट देगा।
तो ये देगा और इधर इसको मिलेगा 20,000 का 9%, $18,000 इसको मिलेगा। तो इधर आप देखिए, इधर इसका एक तो $2,000 का फायदा हुआ था, क्योंकि जितना येन में इंटरेस्ट दिया उससे ज्यादा येन इसको मिल गया, तो उसका कन्वर्टेड वैल्यू डॉलर इतना फायदा है और इतना डॉलर इसका पी को देने में लग गया। तो इसका एफेक्टिवली कितना लगा, एक तो ये इसको बेनिफिट मिला और एक इसका लग गया कॉस्ट, इसका $16,000 का नेट कॉस्ट लगा। ये दोनों देख लेते हो, तो $16,000 लगा कितने में, $2,00,000 के लोन में। तो 16,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इंटू 108% आपका आ रहा है। मैंने ये वाला पार्ट तो पूरा ए का करा दिया, मतलब ए ने बैंक को इतना दिया, बी से ए को इतना मिला, तो इतना येन में फायदा हुआ। ये तो डॉलर वाला आदमी डॉलर में कन्वर्ट किया, और इधर ये जो बी को दे रहा है 9%, यहाँ पर लिखा हुआ है 9% जो ये दे रहा है, वो 9% में इतना इंटरेस्ट दे रहा है डॉलर में, इसका डॉलर 16,000 लग रहा है, मतलब 8% लग रहा है। वही अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का देखो क्या हो रहा है, बी बैंक को $20,000 दे रहा है और बी को $18,000 मिल रहा है, ये वाला बी को $18,000 मिल रहा है। तो इधर इसको कितना $2,000 इसका लग रहा है, अब ये तो येन वाला आदमी, तो इसका देखो ज्यादा लग रहा है, जितना इसका बैंक में $20,000 लगा है उससे ज्यादा उसे कम मिला है इसको, तो इसका $2,000 लग गया। तो $2,000 ये तो येन वाला आदमी है, तो $2,000 को येन में कन्वर्ट करो, 2,40,000 इसका लग रहा है। एक तो इसका ये लग रहा है येन में, और एक ये जो है ना ए को जो ये येन में इंटरेस्ट दिया, इसके बिहाफ में जो लोन लिया गया था, एक ये वाला, तो ये दोनों मिला के इसका इतना येन लग रहा है, आउट ऑफ 240,00,000 येन इतना परसेंटेज आ रहा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इधर, बस आपको ये समझना है, वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, इतना इसने क्या किया, बैंक को इंटरेस्ट भरा डॉलर में, और जो ए ने इसके लिए लोन लिया था उस पर इसने ये इंटरेस्ट दिया। तो ये तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये जो इसका लगा इसके बदले इसको मिलना चाहिए इससे, ए से इतना ही मिला। तो इसका टू, एक तो ये इसका लगा अपना लोन का लगा, चलो ठीक, एक इसका एक और खर्चा लग गया क्योंकि कम मिला है इसका येन वैल्यू ये। तो दोनों येन मिला के इतना येन का खर्चा है, यानी इतना परसेंटेज। आपको ये वाला पार्ट जो है ना, बी वाला पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं आ रहा, और वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसके साथ साथ चला रहा था ना, इसलिए नहीं आ रहा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पार्ट को 18,000 यानी इसने भरा और इसको इतना मिला, ये ऊपर रख दीजिए, उसका लॉस निकाल लीजिए, बाद में ये वाला डाल दीजिए, तो वैसे भी कर सकते हो, आपका कॉल है वो। मैंने आपको पूरा समझा दिया यहाँ पर, तो जो दो लाइन लिखा हुआ नीचे उसी के हिसाब से मैंने ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको समझाया। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। बोले कि ये पार्ट पूरा क्लियर एकदम अच्छे से, मतलब मैं कितना दे रहा हूँ और मुझे कितना मिल रहा है डिफरेंस, यहाँ पर मेरा फायदा हुआ येन में, मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया, यहाँ पर मैं डॉलर 20,000 दे रहा हूँ, मुझे मिल रहा है 18,000, डिफरेंस मेरा नुकसान है येन में कन्वर्ट किया। और ये तो मैं अपना लोन के लिए उसको दे रहा हूँ जो मेरे बिहाफ में उसने लोन लिया था, और इधर भी ये उसका अपना लोन का दे रहा है जो उसके बिहाफ में लोन लिया गया था। बात खत्म है, बस बात खत्म, मतलब समझ में आया कि बाकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैंने समझा दिया, बाकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तनिष जी कह रहे सर भगवान के आदमी, और माँ कसम, क्या बात, माँ कसम खाली है, हम सभी तो भगवान के आदमी है ना, मैं अकेला थोड़ी ना हूं, हम कोई भगवान नहीं, हम सभी भगवान के आदमी। तो समझ आया, तो बताओ ये आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन ये करा दो फटाफट, ये कराने का स्वैप खत्म, फिर चीपेस्ट टू डिलीवर भी आराम से खत्म हो जाएगा, फिर खत्म ही होने वाला। बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक नंबर मजा आ रहा है ना। देखो आधा घंटा पहले भी खत्म कर सकता था मैं इससे, मेरा टारगेट ये था 2.5 घंटे में खत्म कर दूं, या मैक्सिमम 3 घंटे में, और बीच में हमने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक भी लिया है, थोड़ी बहुत बातचीत भी की है, तो अगर थोड़ा सा और आधा घंटा लगता है जिससे आपकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी हो वो ज़्यादा बेहतर है ना। मतलब मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ये सोचते हुए कि मैं अगर पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, रिवाइज करूँगा, वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा कि रिविजन वीडियो है, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, बस रिवाइज करा दो, वो पाल मारने वाला काम नहीं करता हूँ, है ना, मतलब फाकीबाजी वाला काम नहीं करता। मेरा मानना है कि मैं अगर पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, वैसे बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाना है तो दिल से पढ़ाओ, मन से पढ़ाओ, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए। और इसमें भी कभी कभी ये सुनने को मिल जाता है, सर आप बहुत लंबा लंबा खींच के पढ़ाते हो, अपना समझ के पढ़ाता हूँ ना, नहीं तो शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, एक एक बार बोल दूंगा, बात खत्म। रिविजन भी कराओ तो शिद्दत से करो, सर यो रिविजन लेक्चर सर द बेस्ट, आपकी वजह से सीए बनाओ सर, क्या बात, सीए भरत मंत्री जी कॉन्ग्रेचुलेशन, सीए जी
प्रकाश जी आप जैसा कोई नहीं, थैंक यू सो मच, मजा आ गया सर, थैंक सर फॉर एग्रीइंग टू टेक आयरन लेक्चर। हाँ बहुत जिन्होंने बोला तो मैंने सोचा चलो ठीक है ले लेते हैं ये क्वेश्चन, प्लीज एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। आकाश जी ये वाला करूँगा, एक और क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, वो कौन सा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आई सी की प्रॉब्लम है, सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम है। इट्स क्लियरली एविडेंट बाई पीपल कॉलिंग आउट कोच ऑफ देम बीइंग इनसिक्योर ऑन टॉप। मीत जी बोले आज भी टी शर्ट जज रहा है सर, थैंक यू सो मच। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं मतलब पहले मैं क्लास लेते समय टी शर्ट नहीं पहनता तो थोड़ी सी शर्म आती थी, बट अब नहीं सोचता, गर्मी है तो आराम, फ्री माइंड हो के फ्री बॉडी रहेगा, फ्री माइंड रहेगा, आराम से पढ़ा पाऊँगा, इसलिए आजकल टी शर्ट पहनने लग गया। यस लेटेस्ट MTP RTP का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वो करवा दूंगा, टेंशन ना लो। तन्मय जी करेंसी फ्यूचर कराया हुआ तो आप देखिए ना, मिल जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन में 15 करते हैं अभी। नहीं सर स्मार्ट दिख रहे हैं बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच, आज भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, महक जी बोल रहे, थैंक यू सो मच महक जी, सच में लग रहा हूँ तो मैं मेरे मजे ले रहे हूँ। तनेश जी बोल रहे हीरो लग रहे हो सर, थैंक यू सो मच, मजे तो नहीं ले रहे मेरे। ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो तो खुद से ट्राई करो होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ चलो करते हैं, IBM इंडियन फर्म हैज सब्सिडरी इन जापान एंड जाकी ए जापानीज फर्म हैज इट सब्सिडरी इन इंडिया। यानी IBM एक इंडियन फर्म है उसकी सब्सिडरी जापान में, और जाकी एक जापानीज फर्म है जिसकी सब्सिडरी इंडिया में, एंड फेस द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट। देखिए अब पहले तुम ये जानना कि जाकी को क्या चाहिए, जाकी को चाहिए रुपी लोन चाहिए, क्योंकि जाकी का इंडिया में सब्सिडरी है इसलिए उसको रुपी में लोन चाहिए और फ्लोटिंग रेट में चाहिए, और IBM को चाहिए इंडियन कंपनी उसको JPY में लोन चाहिए फिक्स रेट में। तो अब हम ये देखते हैं कि चाहिए किसको क्या, जाकी को चाहिए रुपी लोन फ्लोटिंग रेट में, जाकी किधर है ये रहा जाकी, इसको फ्लोटिंग रेट में चाहिए ये वाला चाहिए, और IBM को चाहिए जापानीज येन में फिक्स रेट में ये, तो इन दोनों को ये चाहिए, दोनों मिला के कितना हो रहा है BPLR प्लस 4.5%। BPLR प्राइम लेंडिंग रेट ही है ना, जैसे लाइबोर होता है माइबोर होता है वैसे BPLR होता है। ठीक है BPLR प्लस 2.5 उधर लगेगा इधर 2 लगेगा, यानी BPLR प्लस 4.5% लगेगा। वही अगर मान लीजिए जाकी जो है वो अगेंस्ट द डिजायर जाके वो क्या कर ले 2.25 में बोरो कर ले, यानी फ्लोटिंग ना लेते हुए फिक्स ले ले, और IBM जो है फिक्स ना लेते हुए फ्लोटिंग ले ले, तो क्या लगने वाला है, तो लगेगा BPLR प्लस कितना 0.5 प्लस 2.25 लगेगा, यानी BPLR प्लस 2.75% लगेगा। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे अभी BPLR प्लस 4.5% लग रहा है, BPLR प्लस 4.5% लग रहा है, लेकिन ये अगेंस्ट द डिजायर जाके अगेंस्ट द डिजायर जाके कर ले तो इनका BPLR प्लस 3.75% में काम हो जाएगा, तो इनका तो फायदा होगा ना। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ें मैं बता देता हूँ, इसके अलावा 25 बेसिस पॉइंट कमीशन भी लग जाएगा, अगर आप स्वैप करोगे तो आपका 0.25% का कमीशन भी लग जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा, BPLR प्लस 4% लगेगा, तो 4% लगेगा, तो आपका तो फायदा स्टिल हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है मुझे बताइए। अच्छा गलत बोल दिया, इधर BPLR प्लस गलत लिख दिया था मैंने, इधर BPLR प्लस कितना हो रहा है 2.75% हो रहा है ना, मैंने 3 लिख दिया था गलती से, और प्लस अगर 0.25% कमीशन लग जाएगा तो आपका BPLR प्लस 3% ही तो हुआ। आप अगर डायरेक्टली लेते हो तो BPLR प्लस 4.5% हो रहा है, लेकिन ऐसे BPLR प्लस 3% में काम हो रहा है तो मतलब सेविंग कितना हो रहा है, अगर स्वैपिंग करोगे तो सेविंग आपका 3% हो रहा है, 1.5% हो रहा है आपका सेविंग, तो 1.5% सेविंग हो रहा है। ये दोनों जन बंटवारा कर लेंगे 0.75% दोनों जन बंटवारा कर लेंगे, तो 0.75% दोनों जन बंटवारा कर लेंगे तो आपको पता ही चला कि इफेक्टिवली इसका 1.25% ही लगेगा,
क्योंकि 2% में से 0.75% इसको बेनिफिट मिल जाएगा, और इसका भी इफेक्टिवली BPLR प्लस 0.75 माइनस कर दो 1.75% ही लगेगा। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि इन लोग का इफेक्टिवली क्या लगेगा, 1.25 और इधर BPLR प्लस 1.75 अगर बराबर कर ले तो ये देखिए 1.25% लगेगा, इसका लगेगा BPLR प्लस 1.75%। तो वही हमने पूरा डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया। देखिए IB को फिक्स चाहिए वेरे जाकी को फ्लोटिंग चाहिए, सिंस देयर इज अ पोटेंशियल गेन अगर IB बोरो करेगा फ्लोटिंग और जाकी बोरो करेगा फिक्स और बाद में वो स्वैप कर सकते हैं, तो पोटेंशियल गेन कितना आएगा, मैंने वही लिखा था यहाँ पर कि ऐसे तो BPLR प्लस 4.5% लग रहा है, लेकिन अगर आप अगेंस्ट द डिजायर लोगे तो BPLR प्लस 2.75% लगेगा और 0.25% का एक्स्ट्रा से कमीशन लग जाएगा आपका। तो मतलब आपका पोटेंशियल गेन 1.5% का आ रहा है, जो कि दोनों जन इक्वली शेयर कर लेंगे 0.75%। तो मैंने वही किया, इनका जो अपना खुद का डिजायर था स्वैपिंग करने का वो तो आ ही जाएगा 2 और आपका BPLR प्लस 2.5, ये तो इनका डिजायर था, तो इस पे 0.75 माइनस कर देंगे, इफेक्टिव कॉस्ट ही आएगा। अब इसी को IEC ने थोड़ा सा लिखा है एक्सप्लेन करके, वैसे तो आप ये एक्सप्लेनेशन लिख के आ जाएगा, ऐसे भी में आंसर मिलना चाहिए आपको, मार्क्स मिलना चाहिए, बट आप ऐसे एक्सप्लेन करके लिख के आओ। कैसे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बोलोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट आउटफ्लो टू बैंक ये जाएगा अगेंस्ट द डिजायर, अगेंस्ट द डिजायर जाएगा मतलब ये IB इतना आउटफ्लो देगा और जाकी इतना देगा, BPLR प्लस 0.5 और इधर 2.25, देखिए अगेंस्ट वाला देगा ये दिया। फिर इसके बाद में जाकी टू IB, यस जाकी टू IB अगर हम बात करें, क्योंकि IB ने फ्लोटिंग जो दिया है वो जाकी इसको दे देना चाहिए, तो जाकी टू IB क्या होगा, BPLR प्लस 0.5 ये इसको मिल जाएगा, कौन दे देगा, जाकी दे देगा, और कमीशन तो आपको याद ही ना 0.25% का कमीशन है, ये दोनों आधा आधा देंगे, तो 0.125% कमीशन दोनों आधा दे देंगे। बाद में मैंने क्या किया, मैंने बस ये IB टू जाकी वो नेट ऑफ करके मिला दिया कि कितना देना चाहिए कि 1.25 आएगा, मतलब ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, इंटरेस्ट आउटफ्लो टू बैंक आपको पता है अगेंस्ट द डिजायर वाला, जितना IB ने दिया है उतना जाकी फ्लोटिंग दे देगा, जाकी टू IB दे देगा, कमीशन तो दोनों को आधा आधा देना ही है 0.25 का। अब हमने जबकि ये 1.25 और ये निकाला हुआ इफेक्टिवली, वो हम लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर डाल देंगे, बस बात करें, और या फिर यहाँ पर भी आंसर खत्म हो जाना चाहिए, बट फिर भी IEC ने इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, और इस तरीके से नहीं कि उन्होंने एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया, तो मैंने इसको उस तरीके से एक्सप्लेन करके डाल दिया। आई होप अब आप ये आराम से कर लोगे, बोलिए हाँ या ना। मैंने बस IEC का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बताने की कोशिश की, अदरवाइज तो हमने यही कर लिया पूरा सॉल्व। ये देखो हमने ये कर लिया 1.25 और ये आंसर है, ये तो आंसर है आपको चुप निकालना है। तो यहाँ पर पूछा वेदर स्वैप कैन बी अरेंज, यस हम बोलेंगे अरेंज कर सकते हैं, बता भी देंगे। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द फर्म्स एंड अप पेइंग, 1.25 1.75, आंसर यहीं खत्म हो जाता है, बस ये IEC के चलते मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज आंसर यही खत्म हो जाते हैं। ये स्टडी विद JJ24 बोल रहा है ब्रेकिंग न्यूज एग्जाम सर पोस्टपोन, इसको बैन कर दूं क्या मैं, अफवाह फैला रहा है, बैन कर दूं क्या बताइए, अगर 10 से ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि इसको बैन कर दो, अब मैं अभी बैन कर दूंगा, एग्जाम टाइम में इसको मस्ती सूझ रही है ना, हम लोग इतना शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑलरेडी इतना सारा दर्द था उसको झेल रहे हैं और ये दर्द में आके नमक लगा रहे हैं। स्टडी विद JJ24 आपका बस दिन ही समाप्त होता है, हम आपको करेंगे बैन, बोलिए क्या चाहते हो, कर दो इसको बैन, 10 बच्चे बोलेंगे ना बैन कर दो बैन कर दो, अभी तक 4-5 बच्चों ने बोले, अच्छा 6-7 बच्चे हो गए, 8 बच्चे हो गए, 10 बच्चे बोलेंगे बैन कर दो बैन कर दूंगा, हो गया 10 पार हो गया, कर दो सर, अब तो बहुत जनों ने बोल दिया कर दो सर, मेरा काम हो गया, ठीक है उसने भी बोल दिया बैन कर दो, चलो तो बैन करूँ कैसे करूँ, गया बेटा, चलो जी नहीं, इस कभी कभी सही नहीं है करना ही, चलो जी। अब चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ये आपका फ्यूचर से रिलेटेड ही है। मान लीजिए हमने बॉन्ड का फ्यूचर सेल किया है, मतलब मैंने बॉन्ड का फ्यूचर सेल किया, क्या हो गई,
बॉन्ड का फ्यूचर सेल क्या मतलब, मैंने आपको बोला है कि फ्यूचर में हम आपको बॉन्ड बेचू, अगर मैंने बॉन्ड का फ्यूचर सेल किया डेट मीन्स वॉट, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में आपको बॉन्ड बेचूँ। अब यूजुअली जैसे मैंने बोला डिलीवरी भी पॉसिबल है, मुझे तो बाद में आपको डिलीवर करना होगा ना, अगर मैंने आपको बोला बॉन्ड बेचूंगा तो मुझे आपको डिलीवर करना हो, तो वो चीजें यहाँ पर चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड का कंसेप्ट जो है, ये थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल में लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको क्लैरिटी दूँ, फिर हम ये थ्योरी पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं सीधा एग्जाम्पल में लेके जाता हूँ, एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन से मैंने एग्जाम्पल फ्रेम किया ताकि वो क्वेश्चन भी अपने आप आपके साथ हो जाए चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड का। देखिए सपोज एक्स वाई जेड ने सोल्ड किया कोई 7% इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से जिसका कूपन रेट है 7.5%, हमारे लिए कूपन रेट मायने रखते हैं, 7.5% का कूपन का हमने फ्यूचर का बॉन्ड का फ्यूचर सोल्ड किया, ठीक है, बॉन्ड का फ्यूचर सोल्ड किया और हमने बोला कि हम 1000 रुपीज में बेचेंगे, मतलब पार्टी हमें पैसा कितना देगा 1000 रुपीज देगा और हम उसे 7.5% का कूपन का बॉन्ड देंगे, बात समझ में आती है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कब देंगे, फ्यूचर में देंगे, 2 महीना 3 महीना नहीं पता, फ्यूचर में देंगे हमें, तो फ्यूचर में मैं मुझे क्या करना, मुझे आपको फ्यूचर में देना है बॉन्ड 7.5% का कूपन बॉन्ड मुझे आपको देना है और आप मुझे 1000 रुपीज पैसा दोगे। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको 7.5% का कूपन बॉन्ड की बजाय 7.96% का दूं तो आप लोगे या नहीं लोगे? अगर मैं आपको 7.5% कूपन की जगह, मैंने तो आपको बोला 7.5% कूपन बॉन्ड दूंगा और आपसे 1000 रुपीज लूंगा, अगर मैं आपको 7.96% का कूपन बॉन्ड दे दूं मैं आपको, आप लोगे या नहीं लोगे, आप मुझे ये बताइए। आप बोले सर खुशी खुशी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, 7.5% का कूपन का वादा किया है, मैं अगर आपको 7.96% दूं तो आप खुशी खुशी लोगे, आप बोले मजे ही मजे, क्यों नहीं लेंगे, मजे ही मजे, है ना। लेकिन अगर मैं आपको 6.55 लूं, आप नहीं लोगे, आप बोलोगे पागल समझे, हमें तो 7.5% का इंटरेस्ट की बात हुई थी, उसका कूपन का बॉन्ड देना पड़ेगा, है ना। तो 6.55 में आप नहीं लोगे, 6.8 में भी नहीं लोगे, 6.85 में भी नहीं लोगे, लेकिन 7.96, 8.44, 8.85 में आप ले लोगे। बट रुको जरा यहाँ, अगर मैं आपको 7.5% से ज़्यादा का कूपन का बॉन्ड दूंगा तो बताइए नियम से मुझे आपसे 1000 रुपीज से ज़्यादा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नियम से मुझे आपसे 1000 रुपीज, अगर मैं 7.5% का कूपन का बॉन्ड दूँ तो मुझे आपसे 1000 रुपीज मिलेगा, लेकिन अगर 7.5 से ज्यादा का कूपन का बॉन्ड दूंगा मैं, ज्यादा का कूपन का सिक्योरिटी दूंगा तो मुझे आपसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आपको मुझे वाजिब पैसे दो, मतलब कि 7.5 से ज्यादा दे रहे हो तो आपको देना चाहिए वाजिब पैसे, तो आपको ज्यादा देना चाहिए, तो ज्यादा कितना दोगे उसके लिए कन्वर्सन फैक्टर होता है, ये आपको कन्वर्सन फैक्टर जो एक्सचेंज में मिल जाएगा, एनएससी वाले कन्वर्सन फैक्टर देते हैं, तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, ये कन्वर्सन फैक्टर आपको निकालना नहीं होता, ये आपको मिल जाए, ये आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है, एनएससी आपको कन्वर्सन फैक्टर दे, एनएससी आपको ये कहते हैं कि अगर 7.5% का कूपन बॉन्ड आप दोगे तो 1000 रुपीज आप पार्टी से लोगे, ठीक है डन है। लेकिन अगर आप 7.5 की जगह 7.96% का सिक्योरिटी आप दे रहे हो, क्योंकि हम कहाँ से देंगे, अगर मैंने आपको फ्यूचर सेल किया है तो मैं खरीद के तो दूंगा मार्केट से, मार्केट में है ही नहीं तो मैं डिलीवर कैसे करूं, तो मैंने आपको 7.96 देने का बोला, तो ऐसे सिचुएशन में आपसे 1000 रुपीज नहीं लूंगा, 1000 में ये कन्वर्सन फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा, मैं बोलूंगा आप मुझे 1037 दीजिए और आप दोगे भी, ये इस तरीके से नियम बनाया गया कि हम इनमें से कोई भी सिक्योरिटी आपको दे सकते हैं और ये सिक्योरिटी में जो कन्वर्सन फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करके हम आपसे पैसे लें, तो अगर 7.96 दूंगा तो आपसे 1037 में लूंगा, और अगर इससे भी ज्यादा दूंगा, देखिए 8.44 अगर मैं आपको कूपन दूंगा तो मैं आपसे 1173.4 लूंगा, कैसे आया 1000 रुपीज सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्सन फैक्टर, इतना मैं आपसे पैसा लूंगा, कन्वर्सन फैक्टर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। फिर 8.85% अगर हुआ तो मैं आपसे और ज्यादा कन्वर्सन फैक्टर होगा, आप देखिए जितना ज्यादा कूपन रेट बड़ा है उतना ज्यादा कन्वर्सन फैक्टर है, तो 1000 ये कन्वर्सन फैक्टर लगा, इतना मैं आपको आपसे लूंगा, इतना पैसा मैं आपसे लूंगा, इतना पैसा मैं आपसे लूंगा, ठीक है। और वही अगर मान लीजिए 6.55% का मैं आपको कूपन देता हूँ तो ऐसा सिचुएशन में 0.906 का कन्वर्सन फैक्टर है, मैं आपसे इतना पैसा ले सकता, मतलब करना कुछ नहीं है, मुझे आपसे कितने पैसे मिलेंगे जो सेटलमेंट प्राइस से इनटू कन्वर्सन फैक्टर, यानी मेरा इनफ्लो कितना होगा, इनफ्लो कितना होगा,
और अब बताइए, अब चलो ठीक है, ये तो पता चल गया इनफ्लो मेरा कितना होगा, अब मुझे खरीदना भी तो पड़ेगा। अगर मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको बॉन्ड दूंगा, तो ये बॉन्ड मेरे घर पे थोड़े ना, ये तो मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा, और मार्केट से खरीदने का प्राइस ये है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मार्केट से खरीदने का प्राइस जो है वो ये रहा। ठीक है, तो अब आप देखिए, मतलब अगर मैं ये सिक्योरिटी डिलीवर करता हूँ आपको, है ना, फ्यूचर सेल किया है, तो मेरा पैसा मुझे इतना मिलेगा और मैं मार्केट से खरीदूंगा इतना में, मेरा उल्टा नुकसान है, तो ये सिक्योरिटी तो मैं नहीं दूंगा, नुकसान करके क्यों। मैं दूसरा अगर ये सिक्योरिटी देता हूँ आपसे, मुझे पैसे 906 मिलेंगे, कैसे 1000 रुपीज आपने देने का वादा किया, इनटू कन्वर्सन फैक्टर आप मुझे इतना पैसा दोगे, पर खरीदने पर मेरा इतना पैसा लगेगा, मेरा नेगेटिव ही आ रहा है, मैं ये भी नहीं दूंगा। फिर ये वाला, यहाँ पर अगर मैं 6.80 का आपको देता हूँ सिक्योरिटी का बॉन्ड, सिक्योरिटी देता हूँ ये वाला, तो इसमें मुझे आपसे इतने पैसे मिलेंगे, 0.9195 का कन्वर्सन फैक्टर है, 1000 मुझे आपसे इतने पैसे मिलेंगे, और मैं मार्केट से इतना में खरीद सकता हूँ, तो मेरा 42 पॉजिटिव आ रहा है, ये दे सकता हूँ मैं, पर रुको जरा एक बार, ये मैं दे सकता हूँ, मेरा फायदा है। चौथे वाले में देखा मेरा, मेरा नेगेटिव है, ये तो मैं नहीं देना ही मेरे लिए फायदेमंद है, और ये दोनों भी मैं दे सकता हूँ क्योंकि दोनों में भी मेरा फायदा आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मेरा किस में आ रहा है बताइए। चीपेस्ट टू डिलीवर का मतलब कि कौन सा सबसे ज्यादा चीपेस्ट डिलीवर करने के लिए, सबसे ज्यादा चीपेस्ट ये है, इसमें मेरा सबसे ज्यादा फायदा है, इसी का मतलब है चीपेस्ट टू डिलीवर, यानी आपका जो टॉपिक था ना डिलीवर बॉन्ड सबका, तो चीपेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा चीपेस्ट हमारे ये, हम बोलेंगे चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड इज 6.80 GOI सिक्योरिटी विच यील्ड मैक्सिमम बेनिफिट, और इनफ्लो हमारा क्या हो, इनफ्लो हमारा ये आ गया माइनस आउटफ्लो क्या है, कोटेड प्राइस। तो ये आपको आई थिंक समझ में, आप मैं काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन में भी ले चलता हूँ, क्वेश्चन में ले जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्सन फैक्टर जो है, अलग अलग मैच्योरिटीज, अलग अलग डिलीवरेबल बॉन्ड्स का अलग अलग मैच्योरिटी और कूपन रेट होते हैं, तो उन सभी को एक दूसरे से कंपेरेबल बनाने के लिए क्या किया गया, एनएसई ने पब्लिश किया कन्वर्सन फैक्टर, और प्रॉफिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, फ्यूचर में जो पैसा आप दोगे इनटू कन्वर्सन फैक्टर माइनस बाइंग प्राइस कितना होगा। यस प्रत्युष जी, अगर आपने आयरन नहीं पढ़ा ये सफिशियंट होगा आपके लिए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में भी नजर आपकी डलवा देता हूँ, मुंह दिखाई करवा देता हूँ, जैसे शादी के बाद मुंह दिखाई होती है ना दुल्हन की, वैसे यहाँ पर मुंह दिखाई करवा देता हूँ मैं आपका, ये भी तो दुल्हन से कम थोड़े ना है। ये देखिए 7.5% का कूपन देने का वादा किया है, ठीक है, एलिजिबल सिक्योरिटीज दिया हुआ आपको, इनमें से कोई भी आप दे सकते हो, उनको डिलीवर कर सकते हो, तो हम बोलेंगे ये डिलीवर करेंगे, खरीदने का तो प्राइस ही है हमारा, ये खरीदने का प्राइस है, हमें पैसा मिलेगा 1000 रुपीज, तो 1000 इंटू कन्वर्सन फैक्टर किया हम कैसे करेंगे, 1000 आपका सेटलमेंट प्राइस है, इंटू कन्वर्सन फैक्टर किया हमारा ये आ गया इनफ्लो होगा हमारा, ये इतना पैसा में मिलेगा और हम खरीद सकते इतने में, तो प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा जिसमें होगा वो हम ले लेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट किसमें, 6.80 ये वाला में, बात खत्म। तो कितना सिंपल है, आप देखो ना, आपको 1000 मिलेगा, उसको कन्वर्सन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, 1000 जो रुपया मिलेगा ना फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस, उनको कन्वर्सन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इनफ्लो आ गया माइनस आपका बाइंग प्राइस, बात खत्म, प्रॉफिट आ गया आपका, तो एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलो, तो ये चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड भी मैंने आपको समझा दी एकदम अच्छे से, और अब बस बचता हमारा स्वैपसंस। स्वैपसंस में देखिए, स्वैप नहीं है, स्वैपसंस है, मतलब स्वैप ऑप्शन से ही देखा जाए तो ये ऑप्शन है ऑन इंटरेस्ट रेट स्वैप, क्योंकि स्वैप में सन्स लगा हुआ है ना, TION S, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लड़का लड़की का नाम से जैसे शॉर्ट कर देते, ठीक है, जैसे विराट कोहली अनुष्का में हमने विरुष्का बना देते, वैसे ही उन्होंने बनाया है,
स्वैप ऑप्शंस को स्वैपसंस बना दी, समझ रहे हो इसका मतलब, समझ रहे हो ना, स्वैप ऑप्शन यानी स्वैपसंस हो गया आपका ये। तो ये बस आपका एक थ्योरी, बस आप ध्यान में रखिएगा स्वैपसंस क्या होता है। बेसिकली जैसे ऑप्शन में हमें पता है कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, जब आप कब कॉल ऑप्शन लेते हो, जब आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा, जब आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा तभी तो कॉल ऑप्शन लेते हो। तो यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन नाम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर वो वैसा ही है, कॉल ऑप्शन जैसा ही है। तो स्वैपसंस दो प्रकार का होता है, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन मतलब जब हमें लगता है बढ़ेगा प्राइस, यानी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम क्या करते, जब हमें लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम क्या करते, हम बोलते हैं कि हम आपको फिक्स देंगे, आप हमें फ्लोटिंग देना। मान लो हमने बोल दिया हम आपको 10% फिक्स देंगे और जो बढ़ेगा वो आप हमें देना। तो जब बढ़ेगा आपको लगता है तो हम फिक्स रेट पे करना चाहते हैं, फिक्स रेट पेयर का हमने ऑप्शन ले लिया। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन ले लिया मतलब हमने क्या बोला, हम आपको फिक्स रेट पे करेंगे, आप हमें फ्लोटिंग देना, और उसका राइट है हमारे पास, ऑब्लिगेशन नहीं है। समझो फर्क है यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि मैं तुझे फिक्स दूंगा तू मुझे फ्लोटिंग देना, देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे फिक्स दूंगा तू मुझे फ्लोटिंग देना, और ये मेरे पास अधिकार है, तेरे पास नहीं है। मैं चाहूँ तो इस अधिकार को एक्सरसाइज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। जब मुझे दिखेगा कि सच में बढ़ गया तो मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा, अगर लगेगा बढ़ेगा नहीं तो मैं एक्सरसाइज, अगर नहीं बढ़ा तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा और मैं प्रीमियम दूंगा यहाँ पर। तो स्वैपसंस में भी क्या होता है, ये होल्डर को राइट देता है, ऑब्लिगेशन ही रहता है कि वो इंटरेस्ट रेट स्वैप में घुस सकता है स्पेसिफिक डेट में इन फ्यूचर, और स्पेसिफिक टर्म ही रहता है। जैसे 2 साल का हमने टर्म बना लिया, मैंने आपके साथ 2 साल का टर्म बनाया, और मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल से समझा दूंगा। मैंने 2 साल का टर्म ये बनाया है कि 2 साल में हर 6-6 महीना में, है ना, हर 6-6 महीना में मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं तुझे फिक्स दूंगा और तू मुझे फ्लोटिंग, इसलिए मैं तुझे प्रीमियम देने के लिए तैयार था। अब 6 महीने के बाद मान लो हमने लगा दिया 10% मैं फिक्स दूंगा, आप मुझे फ्लोटिंग दे, अगर मान लो 12% हुआ तब मैं इस राइट को एक्सरसाइज करूंगा, मैं बोलूंगा 10 मैं दे रहा हूँ तू मुझे 12 दे, 2% मेरा कमाई। अगर 10 से नीचे हुआ मैं लैप्स करवा दूँ। तो वो होता है फिक्स रेट पेयर स्वैपसन, मतलब जहां पर मैं आपको फिक्स पे करूंगा आप मुझे फ्लोटिंग देना। तो ये बेसिकली कब होता है, जब बिलीफ रहता है हमारा, जब हमें लगता है अब जाएगा फ्लोटिंग रेट, अब जाएगा हमारा, तब हम ये बिलीव करते हैं। इसलिए मैंने इसको कॉल स्वैपसन की तरह बोला, हालांकि ये कॉल स्वैपसन नहीं, मैंने अपने मन से बनाया ये, ठीक है, कॉल स्वैपसन की तरह मैंने बोला, कॉल ऑप्शन की तरह बोला। और ये आपका पुट स्वैपसन हो गया। यहाँ पर पुट स्वैपसन मतलब मुझे लग रहा है गिरेगा, जब मुझे लगेगा गिरेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि मैं तुझे फ्लोटिंग दूंगा तू मुझे फिक्स दे, मतलब फ्लोटिंग रेट पेयर हो गया। ये देखिए फ्लोटिंग रेट, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, फिक्स रेट रिसीवर है, चलो ठीक है, फ्लोटिंग रेट पेयर यानी फिक्स रेट रिसीवर ही तो हुआ, सही लिखा है, फ्लोटिंग रेट पेयर यानी फिक्स रेट रिसीवर हो गया आपका, राइट टू रिसीव फिक्स रेट एंड पे फ्लोटिंग रेट, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन ले सकता हूँ, मतलब कि मतलब यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं है। ऊपर जो हमने पढ़ा था स्वैपिंग, वहाँ पर हमारा ऑब्लिगेशन भी था, राइट भी था कि हमें कुछ भी हो जाए हमें स्वैपिंग करना ही है। यहाँ पर अधिकार है और इसके लिए ऑब्वियसली बात है प्रीमियम लगेगा। प्रीमियम लगेगा हमारा, बस बात कर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, बोलो। इसी के साथ आई थिंक हमने पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने देखा और भी एक दो छोटी छोटी थ्योरी, वो काम का नहीं है, बाकी जितना जो थ्योरी था जितना कुछ था सारा मैंने करा दिया। आईसी के सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए, आप देख लीजिए IRRM का जो मटेरियल, अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन बस बचा है वो भी अगर आप बोलोगे तो भी मैं डिस्कस करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था पार्कर वाला, ज्यादा ही कराया इससे मैंने क्वेश्चन, RTP MTP के भी क्वेश्चन कराए, ये भी करा दिया ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। बस ये वाला क्वेश्चन जो है आप सेल्फ भी कर सकते हो, पर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, या फिर आप बोले आप सेल्फ कर लोगे क्या, बस ये वाला क्वेश्चन सेल्फ कर लीजिएगा, हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है। ठीक है, ये अपडेटेड PDF मैं अभी वापस से डाल दूंगा। वो वाला क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या, बोलो हाँ या ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, रीड करने से ही पता चल जाएगा, या फिर 2 मिनट रुकोगे तो मैं करा दूंगा।
क्वेश्चन में 37 नहीं, कोई एग्जांपल जरूरत नहीं, मैंने बताया ना उसमें कोई एग्जांपल की नीड ही नहीं है, सो ऑप्शन में समझा तो दिया, कोई एग्जांपल वही रहेगा। जब आपका मान लीजिए आपने फिक्स रेट पेयर का ऑप्शन लिया है, जब आपका मान लीजिए फ्लोटिंग रेट बढ़ेगा, आप क्या करना, फिक्स देना और फ्लोटिंग लेना, आपका वो एक्सरसाइज हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, फिक्स रेट पेयर ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा और आपको पे ऑफ मिलेगा। वही चीज़ है यहाँ पर, डिफरेंस इतना ही है, एक्सरसाइज करना नहीं करना वो आपको मिल जाए, उसका ऑप्शन आपके पास, ऑब्लिगेशन नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट बोलो कर ले क्या एक बार, 5 मिनट लगेगा, चलो फटाफट कराई देता हूँ। इट टेक्स आलसीपन नहीं करते, करा देता हूँ। इट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैज टेकन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन ऑफ 40 लाख रुपीज ऑन 1st अप्रैल 2012। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द इंसेप्शन ऑफ लोन 8.5% है, पर हमने तो फ्लोटिंग लिया। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एवरी ईयर ऑन 31st मार्च एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लोन इज 4 ईयर्स। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2012 सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है ना उसने फॉलोइंग प्रोजेक्शंस निकाले अबाउट द इंटरेस्ट रेट लाइकली टू प्रिवेल। ऑन 31st मार्च 2013 एट 8.75%, 14 में 10 हो जाएगा, फिर 10.5 हो जाएगा, 10.75 हो जाएगा, डरा दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्शंस निकाला और इसको डरा दिया। देखो अभी आपका इंसेप्शन में तो 8.5 है, बोला कि 8.75 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, डर गया है बेचारा। इसने फ्लोटिंग रेट में बोरोइंग लिया इसलिए डर गया और इसलिए ये हैज करना चाहता है। सो हाउ दिस बोरोइंग कैन बी हैज, कैन हैज द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेड राइज इन द इंटरेस्ट रेट व्हेन ही वांट्स टू पैक हिज इंटरेस्ट। यानी ये क्या करना चाहते हैं, 8.5% में अपने आपको लॉक करना चाहते हैं। भाई कैप ऑप्शन ले ले, क्या कर, कैप ऑप्शन ले ले, 8.5% में ये क्या कर सकते हैं, कैप ऑप्शन ले सकते हैं। बोला एज्यूम डेट द प्रीमियम नेगोशिएटेड बाय बोथ द पार्टीज एट 0.75% बी पेड ऑन 1st अक्टूबर 2012। बोला 1st अक्टूबर 2012 जब आप ये करना चाहते हो अक्टूबर 2012 में, तभी आपको देना पड़ेगा पूरा का पूरा पेमेंट। तो हम बोलेंगे 40 लाख का 0.75% 30,000 रुपीज। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक और हमने जो क्वेश्चन किया था वहां पर जो प्रीमियम आया था आपको याद है 1,50,000 pounds, वो हमने 4 अलग अलग रिसेट पीरियड में भेजा था, है ना, 4 अलग अलग रिसेट पीरियड में भेजा था और 4 अलग अलग रिसेट पीरियड का हमने ये देखा था कि कैप से हमें क्या एक्सरसाइज होकर पे ऑफ मिले और नेट बेनिफिट हमने वहां पर बताया था। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इसका कारण भी है, इस क्वेश्चन में इन्होंने उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया। जैसे उसमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था प्रीमियम के लिए आपको स्प्लिट करने के लिए, यहाँ पर दिया भी नहीं है। और यहाँ पर आईसीए ने भी क्या किया है, सोल्यूशन में सीधा 30,000 का प्रीमियम लिख दिया, इसको कोई 4 अलग अलग रिसेट पीरियड में इन्होंने भेजा नहीं है, 30,000 तक की बात खत्म है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि वहां पर आईसीए ने ऐसा नहीं किया, वहां पर किया है 7% रेट भी दिया, यहाँ पर रेट भी नहीं दिया और यहाँ पर किया भी नहीं है। तो सीधा 30,000 दिखा के आना आपको एग्जाम में कि सीधा दिया, इसका आपको स्प्लिट नहीं करना। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एज्यूम डेट द प्रीमियम इतना एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला कि मान लो एक्चुअल रेट, आपने तो 8.5 में कैप लगा दिया, अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.2 हो गया, 11.5 हो गया, 9.25 हो गया, 8.25 हो गया तो क्या होगा। तो आप देखिए 8.25 में तो कैप लैप्स हो जाएगा, ठीक है, कैप लैप्स होगा। इन 10.2 में तो आपको 1.7% मिलेगा, 11.5 में 9-11 इसमें 3% मिलेगा, 9.25 होने पर भी आपको 1.25% मिलेगा, यहाँ पर आपका मिलेगा आपको कैप एक्सरसाइज होगा। तो 1.7% 3% और 1.25%, वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो 1.7% आपको मिलेगा इसका 40 लाख का, यानी 68,000। फिर आपका नेक्स्ट मैंने बताया था 3% मिलेगा, 3% आपको मिलेगा किसका, 40 लाख का, यानी 1,20,000। फिर आपका नेक्स्ट आपका क्या हो गया, 0.75% था क्या, अरे अच्छा 8.5 और 9.25 में 0.75 होता, मैंने गलती से लिख दिया, 8.5 माइनस 9.25 तो 0.75 भी होता है। ये देखिए 0.75% और 40 लाख 30,000 आता है। और यहाँ पर तो मैंने बोला था ना लैप्स हो जाएगा, द बायर ऑफ द कैप विल नॉट रिसीव द कंपनसेशन एज द एक्चुअल रेट आपका 8.25 है, वेरस ये 8.5 है, यानी आपका ये लैप्स हो रहा है। बस तो कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, बाकी आप इस सॉल्यूशन को चाहो तो एक बार जस्ट रीड कर लें, बताओ समझ में आया। मतलब सिंपल सी कहानी है, 40 लाख में फ्लोटिंग लग रहा है हमारा, हमें डरा दिया सीबीआई ने और इसलिए हमने 8.5% में कैप ऑप्शन ले लिया, है ना। और अब आगे जाके अगर मान लो 10.2 11.5 9.25 होता है और 8.25 होता है, तो हम ये बता देंगे कि कितना हमारा फायदा हो रहा है।
कहानी। और क्या चाहिए, सही काम कर लेंगे सर, अब तो पूरा ही करा दिया मैंने पूरा का पूरा। अब बस ये जो नोट्स हैं ये अपडेटेड नोट्स मैं आपको दे दे रहा हूँ, तब तक है ना आपको कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं बेकार की चीज़ें रहने स्पेकुलेशन रहने देता हूँ कुछ। मिटा देता हूँ, गंदा दिखेगा नहीं कुछ वीडियो। आपको खुद से कुछ लिखना है आप लिख लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, ऐसे गंदा दिखता है फिर पीडीएफ, किसी को खुद से लिखना है तो वो लिख नहीं पाएगा फिर। भी मिटा दे रहा हूँ, बोलो जी ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको भी, ठीक है एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक करके भेज दूंगा। तो फाइनली इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी डन हो गया हमारा, है ना, तो कैसा लगा बता दीजिए, 10 में से कितने दोगे आज के रिवीजन सेशन को। सर आपने जो एफआर के सारे इंडेक्स के रिवीजन वीडियोस इंडिविजुअली डाले उसके लिए थैंक यू, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिवीजन वीडियो आई कुड डू एफआर रिवीजन इन मच इजियर एंड लेस टाइम। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आई होप सभी को एफआर के रिवीजन वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं एंड मजा आ रहा होगा। एग्जामिनेशन आने के बाद आपसे मिलने आऊँगा सर, जरूर मिल जी जरूर से मिलेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मॉड्यूल में टॉपिक है उसका भी रिव्यू कराया हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए नहीं जरूरत है और नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी कराया हुआ मिल जाएगा यूट्यूब। सर यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर एवर बॉर्न ऑन दिस, थैंक यू सो मच, इतना प्यार दी तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया सर सब समझ आया, थैंक यू सो मच सर। रवि जी सर प्लीज़ डू सेपरेट वीडियो फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, क्यों जरूरत है रवि जी है ना ऑलरेडी, फिर भी देखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ सर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिवीजन नोट्स प्लीज शेयर कर दीजिए एक बार मेरे, आपको टेलीग्राम में मिलेंगे देखिए आप सर। करेंसी फ्यूचर का भी करवा दीजिए प्लीज, करेंसी फ्यूचर ऑलरेडी करवाया हुआ था लास्ट टाइम वो देख लो ना, यस पुराने से कर लो। एफ आर थ्योरी चैप्टर प्लीज, एफ आर का थ्योरी चैप्टर मैंने एप्लीकेशन में अनलॉक किया हुआ देख सकते हो जाके, जेडी ऐप में अनलॉक किया हुआ है। और आज लाइक बहुत कम आया, क्यों आज सेशन पसंद नहीं आया क्या। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस रिवीजन, आपने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया, थैंक यू सो मच योर गॉड्स एंड थैंक यू सो मच। चलो 100% फॉर योर टीचिंग सर। वो कॉलर स्ट्रेटजी वाले क्वेश्चन 360 से डिवाइड नहीं किया आपने, अच्छा गलती होगी, लीप ईयर था ना उसमें गलती हो गई होगी। यस 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 एग्जाम ध्यान देना, एकदम सही बोला एग्जाम ने, क्या गलती हो गई ध्यान देना एक बार। आपका ये दो लीप ईयर था इसमें 366 होगा, कैलकुलेशन सही किया मुझे पता है, बस यहाँ लिखने में गलती हो गई क्योंकि 182, 184 ये 366 ही होता है ना, तो यहाँ पर 366 होगा। एंड शुक्रिया कहना चाहूँगा किसका, आर जी केवी का, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए।
रिबैलेंसिंग पोर्टफोलियो की पीडीएफ है वहां पर, उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया। यस डोली ओझा, ध्यान नहीं दिया तो लाइव बहुत इफेक्टिव होता है रिकॉर्डिंग में। हाँ भानु जी, पर रिकॉर्डिंग भी आप आपकी इच्छा हो नीचे पढ़ाई करने की, इच्छा हो तो रिकॉर्डिंग भी उतना ही इफेक्टिव होती, बस लाइव में क्या थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाता है। यस मीच जी, मेरा वीडियो मोर देन इनफ है फॉरेक्स के लिए। अभी जो रिसेंटली रिवीजन करा उसमें सभी एस्पेक्ट को कवर किया मैंने, तो आराम से हो जाएगा वो। यस एएफएम थ्योरी का मैं रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अब एएफएम में मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है, पहले एफआर का मिड साइज इंडेक्स और एएफएम का थ्योरी, वही मेरा टारगेट है। कराऊंगा कराऊंगा थ्योरी कराऊंगा, बस थोड़ी शांति बनाए रखिए। पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। चलिए ये पीडीएफ देता हूँ आप लोग को, चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं, अभी के लिए टाटा बाय बाय। 2024 लीप ईयर है वो याद रखिएगा। सर आपके चरण कहाँ है? सो इंडेप्टेड टू यू, ऐसी कोई बात नहीं प्रत्यु जी, ये बन जाइए बस, कोई जरूरत नहीं, भगवान के चरण को याद कीजिए। ठीक है तन्मय जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है चलो बाय बाय एवरीवन।